मुझे लगता है कि आप लोगों ने पुराना एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस जरूर देखा होगा और आप लोगों ने नया भी देख लिया होगा। तो आप देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास में कुछ ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। आप लोगों ने पिछले में देखा होगा कि उन्होंने एक लाइन दो लाइन में कह दिया था कि मध्य प्रदेश के इतिहास एवं संस्कृति में प्रसिद्ध राजवंशों का योगदान क्या रहा है, जनजातियाँ, कला, स्थापत्य कला, ललित कलाओं एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों पर प्रश्न होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा उन्होंने विस्तार से लिख दिया है। हो सकता है कि उनके पास पेज हो कि पेज में थोड़ा डिटेल से लिख दें, विस्तार से लिख दें, तो उन्होंने इसमें यही किया है और कुछ नहीं आप कह सकते हैं बदला है। तो आज की इस क्लास में हम लोग दो टॉपिक एक तरह से आपकी कवर कर लेंगे। एक तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेंगे और जो भी प्रमुख राजवंश रहे हैं इस समय मध्य प्रदेश के इतिहास में उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। दूसरी हम लोग बात कर लेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के का क्या योगदान रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश के लोगों का क्या योगदान रहा है भारत की आज़ादी में, तो इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। इसी में आपको मालूम चलेगा कि देखिए सिंधिया का क्या योगदान रहा है। आप लोग देखते रहते हैं ना कि सिंधिया को कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को मरवाया था सिंधिया ने, ठीक है। और याद रखिए, इससे जो भी आपके नए पाठ्यक्रम से संबंधित क्लासें ली जा रही हैं वो सभी एक प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है एमपीपीएससी न्यू सिलेबस स्टडी मटेरियल के नाम से, इसी में सभी आपकी क्लासें मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखिए, भारत का इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप जानते हैं कि इतिहास को आप लोग तीन भागों में बांटते हैं। वैसे भी आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाइए, वहाँ हम लोगों ने काफ़ी आपका विस्तार से भारत के इतिहास को पढ़ा दिया है और कवर भी कर चुके हैं हम लोग, कई किताबें कवर कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि उनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चंस जा सकता है। तो आप देखते हैं कि तीन भागों में बांटते हैं। एक तो प्रागैतिहासिक काल, वह काल होता है जिसके कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिस समय की कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उस काल को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। और आप लोग एक तरह से ये कह सकते हैं कि बंदर रहे होंगे, हम लोग लिखना पढ़ना जानते नहीं होंगे उस समय। फिर दूसरा आप देखते हैं आगे इतिहास काल रहता है, तो इतिहास का ऐसा काल है जिसमें लेखन कला यानी कि लिखने का काम तो हो चुका था, लेकिन आप कह सकते हैं कि इस समय की ऐसी लिपि थी या गौण लिपि थी जिसे समझना कठिन है, यानी कि इस समय लिखी गई लिखावट को हम लोग पढ़ने में सक्षम नहीं रहे हैं, ठीक है। इसे आप लोग आगे इतिहास कह सकते हैं। आप लोग एक तरह से लिख सकते हैं कि बच्चे ने लाइन खींच दी या फिर बच्चे ने कुछ बोल दिया, बच्चा खुद तो समझ गया है कि उसने क्या बोला है, लेकिन आप कह सकते हैं कि हम लोग उसकी आवाज़ को नहीं समझ पाते हैं, उसकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। या आप देखते हैं कि कोई एक तरह से हमने ये लाइन खींच दी, हमें मालूम चल गया कि हमने इस लाइन में क्या व्यक्त कर दिया, लेकिन आप लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यही रहा होगा, ठीक है। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल, इसमें आप देखते हैं कि इस समय की लिखित सामग्री भी उपलब्ध है और एक तरह से इस समय की जो लिखित सामग्री है उससे हम लोग आसानी से पढ़ भी सकते हैं और इस समय के बारे में, इस समय जो भी व्यवस्थाएं रही हैं उनके बारे में हम लोग आसानी से जान भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बात करनी है हमें मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में, क्योंकि आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप लोग प्रागैतिहासिक काल देखेंगे, फिर आपका प्राचीन भारत देख लेंगे, फिर आपका मध्य भारत देख लेंगे और आधुनिक, ये भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। इसी तरह आप लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो यह वह काल है जब मनुष्य ने पत्थरों के ही उपकरण औजार निर्मित किए और वह खानाबदोश जिंदगी गुजारता रहा। इसे पाषाण काल के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन ताम्रपाषाण काल भी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही गिना जाता है। यद्यपि इस काल में पाषाण के साथ तांबा धातु का प्रयोग भी मानव करने लगा था। इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटते हैं, एक तो पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल। एक क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लेता है कि सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, तो याद रखना है आपको तांबा धातु थी, ठीक है, याद रखिए। और इस समय के बारे में आप समझिए, पत्थरों के ही जो भी जीवाश्म रहे हैं इनके जरिए हम लोग इस समय की जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं पाषाण काल के बारे में। तो इसका समय काल क्या रहा है, इसका 40 लाख ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक समय रहा है, ठीक है। आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन कई बार आप लोग पूछते हैं कि ईसा पूर्व और ईसी में या फिर बीसी और एडी में अंतर क्या होता है। तो आप लोग एक सामान्य सी जानकारी इसके बारे में बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊं, तो आप लोग समझिए कि आपके पिताजी ने कोई घर बनवाया, ठीक है। अगर उनसे पूछे कि ये घर उन्होंने कब बनवाया था, तो वो कहते हैं कि अपने बेटे के जन्म के 10 साल पहले, यानी कि आप लोग इसे बीसी कहते हैं,
यानी कि ईसा पूर्व। अगर आपके पिताजी ने आपके जन्म के 10 साल बाद घर बनवाया तो बोल देंगे 10 AD यानी कि ईस्वी में। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आप समझिए ईसा के जन्म के पूर्व आप लोग जाएंगे तो उसे आप लोग ईसा पूर्व कहेंगे या फिर BC कहेंगे, और अगर ईसा के जन्म के बाद की डेट को आप लोग गिनेंगे तो उसे आप लोग ईस्वी कहते हैं या AD कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन मानव विचरता था और इसके साक्ष्य यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पूर्व पाषाण काल में बिना बैंट के औजार थे और जिनमें हस्तकोठार प्रमुख था। हस्तकोठार कहने का मतलब है कि आपके हाथ में एक तरह से कोई आप लोग पत्थर ले लीजिए, उससे काम चलाइए। और आप सभी लोग भी जानते हैं कि उस समय इस तरह की तकनीक नहीं रही होगी, तो मानव ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि विकास किया है। पहले उन्होंने देखा है आप लोगों ने कि छाल, एक तरह से जानवरों की खाल, इस तरह के कपड़े हुआ करते थे। हमारे पास इस तरह की क्रीम पाउडर कोई लाली पाली नहीं हुआ करती थी। आप समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसी तरह आप देखते होंगे कपड़ा पहनते होंगे। कपड़ा पहनना का मतलब क्या है, खाल या फिर पत्तों से ही अपना शरीर ढक लेते होंगे। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि उस समय पत्थर ही रहे होंगे औजार, तो उन्हीं को एक तरह से औजारों के रूप में उपयोग करते होंगे। मध्य पाषाण काल से औजारों का आकार छोटा होना शुरू हुआ और आप लोग इसमें देख भी रहे होंगे। देखिए ये है एक तरह से औजार, आपकी दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है, इस समय के अगर औजारों की हम लोग बात करें तो आपको चंबल, बैतवा, नर्मदा आदि घाटियों में से ऐसे औजार बहुत ही बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। नवपाषाण युग भारत की तरह मध्य प्रदेश में भी लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है। सेल्ट हो गया इस समय का औजार, कुल्हाड़ी हो गई, बसूला हो गया, रचक हो गया, घन हो गया, इस तरह के औजार इस समय मिले हैं। और इन औजारों से ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस समय की जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं हम लोग कि इस समय इस तरह के औजार उपयोग होते थे। ठीक है, मनुष्य ने इसी काल में कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण और अग्नि प्रयोग जैसे क्रांतिकारी कार्यों को अपनाया है। आप समझ सकते हैं कि सोचा होगा उन्होंने, आप समझिए कि एक फसल को अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों को वहाँ रहना होगा, वरना आप समझ सकते हैं पशु उस फसल को खा जाएंगे, तो स्थायी मानव निवास होने लगा। आप समझ रहे हैं, और एरन गणी मुरेला कुंडम जतकारा बहुलई बुसीगा मुनई अर्तुजी जबलपुर दमोह नांदगांव हटा होशंगाबाद और निवाड़ नेवावर मोजावड़ी महोबर देहगांव बोरखेड़ा हंडिया छनेरा इस काल के प्रमुख साक्ष्य प्रदान किए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इन सभी स्थानों से इस समय की साक्ष्य आपको मिले हैं। ठीक है, हमारे जो भी वैज्ञानिक रहे हैं, जो भी हमारे इतिहास बिता रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख इतिहास प्रागैतिहासिक काल स्थलों के बारे में, क्योंकि आप देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन से भी डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है। कभी कभी आप देखते हैं कि प्रीलिम्स में, मेंस में भी आपके लिखने के लिए 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का। तो सबसे पहले आप लोग आदमगढ़ के बारे में सामान्य जानकारी याद रखिए, ये आपको जिला होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। और आपको देखने को मिलेगा कि यह मध्य पाषाणकालीन है और होशंगाबाद के निकट नर्मदा तट पर स्थित आदमगढ़ प्रागैतिहासिक मानव की क्रीड़ा स्थली रहा है। यहाँ की प्रमुख, अगर हम बात करें यहाँ की प्रमुख विशेषता की, तो गुफा सेल चित्र जो प्रागैतिहासिक काल के बने हुए हैं। ये भी कई बार पूछा लिया गया कि आदमगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध रहा है, तो सेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, फिर आप देखेंगे पनार पानी की बात करें तो स्थित मामा भांजा सैलाशय पचमणी में 29 चित्र देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछे भीमबेटका के बारे में तो ये रायसेन जिले में देखने को मिलेगा। और प्रागैतिहासिक मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति के साक्ष्य भोपाल से 40 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वतों में स्थित भीमबेटका के सैलाशयों से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में ऊंचे ऊंचे पत्थर की टीलों के मध्य लगभग संख्या 500 गुफाएं देखने को मिलेंगी। आप लोगों को कभी टाइम मिला करे तो इस तरह के जो भी आपके ऐतिहासिक प्लेस हैं, स्थान हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, वहां आप लोग जाकर देख लिया करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आप लोग घूम के आएंगे और दूसरा आपका क्या होगा, आपका इतिहास भी कवर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें गुहाचित या फिर शैलाशय के बारे में, तो भारत में जितने चित्रित शैलाशय प्राप्त हुए हैं उनमें मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले शैलाशयों की संख्या अधिक है। यानी कि भारत में टोटल जितने शैलाशय चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें से अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे कहाँ, मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद हो गया, सागर हो गया, रीवा हो गया, मंदसौर, जबलपुर, रायगढ़, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, पूर्व निवाड़, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, दमोह, पन्ना, नरसिंहपुर जिलों तथा सिवना नदी मंदसौर के किनारों में चित्रित शैलाशय मिले हैं। और अधिकांश गुफा चित्रों में लाल सफ़ेद
काली नीली व पीली रंग का उपयोग किया गया है। और गुफा चित्रों में पशु पक्षियों का शिकार, जानवरों की लड़ाई, मानव का पारस्परिक युद्ध, पशुओं की सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु संचय, घरेलू जीवन संबंधी दृश्य देखने को आपको मिलेंगे। और आप समझ सकते हैं कि उस समय जो भी संस्कृति रही होगी, जो काम होता होगा, उन्हीं के चित्र बनाए जाएंगे ना। आप समझ रहे हैं, उस समय आप समझिए कि एक तरह से उन्हीं में उनका मनोरंजन होता हो, कि एक तरह से आप समझिए कि पशुओं का शिकार करना या आपस में जानवरों की लड़ाई करवाना, आप समझ रहे हैं, तो उन्हीं के चित्र उके रहेंगे ना वो लोग। और विदेशी इतिहासकारों को इतिहासकार इनको मात्र 4000 ईसा पूर्व का मानते हैं, जबकि आपके जो शौक लिया है ये 1.50 लाख वर्ष पूर्व के मानते हैं। चित्रों की डेटिंग की बात की जा रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग ताम्रपाषाण काल के बारे में। इसकी डेट रही है आपकी 2000 ईसा पूर्व से आपकी 900 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और ताम्रपाषाण युग से तात्पर्य उस कालखंड से जब मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे धातु का उपयोग शुरू किया है। मालवा में आप देखेंगे वृषभ मूर्तियां पर्याप्त मात्रा में मिली हैं। और मध्य प्रदेश में मालवा और उसके निकट ताम्रपाषाण कालीन कुछ स्थल भी विद्यमान हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें आप देखते हैं कायथा, ये भी आपका डायरेक्ट कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ जाता है। तो कायथा में आप लोग देखेंगे कि यह उज्जैन जिले में छोटी सिंधु नदी तट पर उत्खनन से प्रकाश में आया है और यह पहली ताम्रपाषाण बस्ती थी जिसका अस्तित्व 2015 ईसा पूर्व से 1380 ईसा पूर्व तक रहा है। यहाँ से आप देखेंगे कंकड़ हो गया, छेनी हो गया, कुल्हाड़ियाँ तांबा धातु की मिली हैं और इसी से अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि इस संस्कृति कायथा संस्कृति ताम्रपाषाण समय की रही होगी। तांबा और मिट्टी की पशु आकृतियाँ भी यहाँ से मिली हैं और लाल मृदभांड पर काले रंग के चित्रित मौजूद हैं। और कायथा वराह मंदिर वराह मिहिर की जन्मभूमि रहा है। तो आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछ लेगा कि वराह मिहिर की जन्मभूमि कौन है, कायथा, याद रखिए, ठीक है। फिर आपका ताम्रपाषाण काल का एक आपका स्थान है एरन, ठीक है। सागर जिले में स्थित एरन का प्राचीन नाम एरिकिन है और इस ताम्रपाषाण बस्ती का समय रहा है 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तांबे की कुलाड़ियाँ हो, सोने के गोल टुकड़े हो, मिट्टी की पशु आकृतियाँ हो, काले लाल मृदभांड हो, चित्रित मृदभांड हो, ताम्रकाली बस्ती के प्रमाण, ये सभी आपको एरन से देखने को मिलेंगी। कहाँ से? एरन, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? सागर में, ठीक है, आप लोग याद रखिए इसे। फिर आगे है आपका, आगे क्या है आप लोग देख सकते हैं, नौदा टोली। यहाँ क्या देखने को मिला है? ये आपको देखने को मिलेगा महेश्वर में नर्मदा तट पर। कहाँ है? नर्मदा तट पर है महेश्वर में ये स्थल। इसका ताम्रपाषाणी के अस्तित्व 1660 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है और यहाँ से आप देखेंगे झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं जो चौकोर, गोल या फिर आयताकार होते थे। चूल्हे, परिवहन की गाड़ी, काला लाल मृदभांड, गेहूँ, चना, मटर, मसूर की खेती, तांबे और पत्थर के औजार के साथ विदेशियों के आप्रवास के साक्ष्य मिलते हैं और ये सुनियोजित नगर रहा है। आप समझ सकते हैं कि इन्हीं से हम लोग पता करते हैं कि इस समय की क्या व्यवस्था रही होगी। आप समझिए, इस समय के चूल्हे मिल रहे हैं, परिवहन की गाड़ी मिल रही है, तो हम लोग कह देते हैं कि इस समय परिवहन व्यवस्था रही होगी। इस समय के लोग आग जलाना भी, एक तरह से खाना पकाना भी सीख गए होंगे। समझ रहे हैं आप लोग? आगे आपका है एक औरा। इसके बारे में क्या है? इसके बारे में आपको याद रखना है कि मंदसौर जिले में स्थित औरा ग्राम से ताम्रपाषाण से लेकर गुप्त काल तक की विभिन्न अवस्थाएं एवं संबंधित सामग्री मिली है और इस काल के निवासी चित्रित लाल, काले, सफ़ेद रंग से रंगे और उत्कर्णित भांड का उपयोग करते थे। यह सभ्य सभ्यता महेश्वर, नवदा टोली, नांगदा आदि ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के समकालीन रही है। फिर आपका डॉग वाला यह शताब्दी के उत्खनन से विकास में आई ताम्रपाषाण बस्ती है जो उज्जैन से 32 किलोमीटर की दूरी पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे आप लोग इसमें नागदा, यह उज्जैन जिले में इस चंबल नदी तट पर स्थित है और इस ताम्रपाषाण बस्ती से भी मृदभांड और लघु पाषाण के अस्त देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका आज़ाद नगर इंदौर, तो यहाँ से आप देखेंगे कि मूसा खेड़ी आज़ाद नगर भी ताम्रपाषाणी बस्ती है। फिर आप सुनेंगे खेड़ी नामा होशंगाबाद में देखने को मिलेगी और यहाँ 1500 ईसा पूर्व पुरानी ताम्रपाषाणी बस्ती है। और अन्य स्थलों की बात करें तो आपसे देखिए आप लोग
उक्त प्रमुख सभ्यताओं के लिए वे मध्य प्रदेश में महेश्वर, बेसनगर, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, पश्चिमी निवाड़, धार, जबलपुर, भिंड में स्थित 30 से अधिक तापाषाणिक बस्तियों के साक्ष्य मिलेंगे। याद रखिए आपसे क्वेश्चंस किस तरह का पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा चार पांच ऑप्शन दे देगा आप लोगों को चार, और पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन ताम्रपाषाणिक काल का स्थल नहीं है या फिर है, तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और याद रखिए इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बात कर रहे हैं एमपीपीएससी के नए सिलेबस के आधार पर, तो केवल एमपीपीएससी के बच्चों के लिए ही महत्वपूर्ण है इतिहास। आप समझिए मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं, अगर उसमें मध्य प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों के लिए वहाँ भी आपको लाभ देगा, ठीक है। तो ये क्लास सभी लोगों के लिए है। और मध्य प्रदेश से संबंधित पुरातत्वविदों की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र हो गए, और इससे जुड़े अगर पुरातत्वविदों की बात करें तो ये हैं। ये भी कई बार आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर नर्मदा घाटी सर्वेक्षण की हम लोग बात करें तो इसमें सौकलिया, सोपेकर, आर वी जोशी, बी वी लाल, मेक ब्राउन, टेरा, पीटरसन, खत्री, ये सभी आपके नर्मदा घाटी सर्वेक्षण से जुड़े हुए लोग हैं। अगर सोन घाटी सर्वेक्षण की बात करें तो निसार अहमद, ये आपके सोन घाटी सर्वेक्षण से जुड़े हुए हैं। अगर आपसे पूछे रीवा सतना क्षेत्र उत्खनन की तो जी आर शर्मा जी जुड़े हुए हैं। चंबल घाटी और अन्य ताम्रपाषाणिक सभ्यता की बात करें तो प्रोफेसर वाकनकर इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये आप लोग याद जरूर रखिए। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, और यहाँ से हम लोग मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, यह काल वैदिक युग यानी कि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास से शुरू होता है, और मिट्टी के बर्तन धूसर रंग के और चित्रित धूसर मेदभांड थे जो उत्तर में लोहे युग के प्रारंभ के संकेत भी माने जाते हैं। इनका मध्य प्रदेश में अभाव देखने को मिलेगा, यानी कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस प्रकार मध्य प्रदेश का इतिहास ताम्रपाषाणिक के बाद लोहे युग से शुरू होता है, और आप सभी जानते हैं कि लोहा कब से एक तरह से शुरू हुआ है, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, और लगभग इसी समय यहाँ दक्षिण की ओर से महापाषाण संस्कृति का प्रभाव भी आता है, और जिसके तहत विशाल पत्थरों से कब्रें निर्मित की गई और जिनमें लोहे सामग्री भी होती थी, और आप इसीलिए समय एक तरह से आप सोच सकते हैं कि इस समय लोहे का उपयोग होने लगा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम लोग महापाषाण युग के बारे में, तो ये आप देखेंगे 1700 से 1000 ईसा पूर्व। दक्षिण भारत के कुछ स्थलों से प्राप्त विशाल पाषाण समाधियों को महापाषाण स्मारक मेगालिथ कहा जाता है, और मध्य प्रदेश के सिवनी हो फिर रीवा जिलों में ऐसे स्मारक उत्खनित किए गए हैं। देखिए आप लोग ये देखने को आपको मिलेंगे महापाषाण स्मारक, ठीक है। फिर आप देखेंगे लोहेग्वीन संस्कृति की बात करें तो ये आपकी शुरू होती है 1000 BC से प्रारंभ होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के भिंड हो गया, मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया, ग्वालियर क्षेत्र से आपके लोहेग्वीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेगा कि लोहेग्वीन संस्कृति के साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले हैं, तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर के क्षेत्र से इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वैदिक युग में, और इसका समय पीरियड रहता है आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक ऋग्वैदिक की बात, वैदिक युग की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप देखते हैं ऋग्वैदिक हो गया और आपका उत्तर वैदिक हो गया। अगर ऋग्वैदिक काल की हम लोग बात करें तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच रहा है, और आज संस्कृति उत्तर तक सीमित थी। फिर आप देखेंगे उत्तर वैदिक का समय रहा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और इस समय में ही उसने विंध्याचल पार कर मध्य प्रदेश में कदम रखा है, यानी कि उत्तर वैदिक काल काफ़ी आप लोगों को प्रभाव मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ऐतरेय ब्राह्मण में जिस निषाद जाति का उल्लेख किया गया वह मध्य प्रदेश के जंगल में निवास करती थी, और ऋग्वेद में दक्षिणापर्थ और रेवोत्तर शब्द आए हैं। ऐतरेय ब्राह्मण सांख्यायन स्रोतसूत एवं सत्यपथ ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार विश्वामित्र के 50 शापित पुत्र मालवा आकर बसे, मालवा क्षेत्र आप लोग देखते भी होंगे, और तत्पश्चात आपको देखने को मिलेगा अत्रि, पराशर, भारद्वाज, भार्गव आदि भी आए। पुरानी कथाओं में आप देखते होंगे कि कारकोट नागवंशी शासक नर्मदा क्षेत्र के शासक थे, और उस समय नर्मदा का नाम रेवा था। ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है कि नर्मदा का पुराना नाम क्या है, तो रेवा, ठीक है। फिर आप देखेंगे
और रेवा था। मुन्ने गंधर्वों ने से जब उनका संघर्ष हुआ तो अयोध्या के इक्षाकु नरेश मंधाता ने अपने पुत्र फुरुकुत्स को नागों की सहायतार्थ यानी कि सहायता के लिए भेजा, जिसमें गंधर्वों को पराजित किया और पुरुकुत्स ने ही रीवा का नाम नर्मदा कर दिया था। तो याद रखिए, जो पुरुकुत्स थे इन्होंने रीवा का नाम बदल के नर्मदा कर दिया था और आज जो आप देखते हैं नर्मदा है। इसी वंश के मुचुकुंद ने ऋक्ष और परियात पर्वतमालाओं के बीच नर्मदा के तट पर अपने पूर्वज नरेश मंधाता के नाम पर मंधाता नगरी यानी कि ओकार आज जिसे आप लोग ओंकारेश्वर कहते हैं ना, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बसाया स्थापना की थी एक तरह से। आगे आप देखते हैं अनुश्रुति पर आधारित इतिहास की अगर बात करें हम लोग, अधिकांशतः पुराणों और कुछ हद तक महाकाव्यों से इन अनुश्रुतियों का संबंध रहा है। कारुस वंश की बात करें तो अनुश्रुति श्रुति अनुसार मनुष्यों की परंपरा में अंतिम मनु बेवस्वत जिसके जिनके समय विश्व व्यापक बाढ़ आई थी हुए और जिनके 10 पुत्र थे। इनमें से एक पुत्र कारुस के नाम पर कारुस वंश ने कारुस देश वर्तमान में बघेलखंड पर शासन भी किया है, ठीक है। फिर आप देखेंगे चंद वंश की बात करें, एल साम्राज्य भी आप लोग कह देते हैं इसे, तो इसमें आप लोग क्या देखेंगे, मनु वेवस्त की पुत्री इला का विवाह सोमचंद से हुआ और इस राज्य का नाम आप देखेंगे एल साम्राज्य हो गया है हुआ और जिसका आदि पुरुष यानी कि सोम आदि पुरुष सोम पुरुरवा ही था। सोम या चंदवंश के साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक था और सोम पुरुरवा के पुत्र आयु और अमावसु हुए, ठीक है, याद रखिए। यायाति और एल साम्राज्य के विभाजन की अगर हम बात करें तो राजा की आयु तीसरी पीढ़ी में चंद्रवंशी यायाति हुआ और जिसने देव यानी शुक्र भार्गव ऋषि की कन्या से विवाह किया। यायाति ने अपना एल साम्राज्य पांचों पुत्रों में बांट दिया और इस विभाजन में यदु को चरमणवती चंबल, नेत्रवती यानी कि बैतवा और सुक्तिमती यानी कैन घाटी क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसके नाम पर यदु या फिर यादव वंश की स्थापना हुई। दंतवक्य नामक दैत्य का नाम दतिया राज्य हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं कि दंतवक्य नामक दैत्य हुआ करता था, उसी के नाम पर आप लोग आज दतिया सुनते हैं ना, उसका नाम पड़ा। और श्री कृष्ण द्वारा परास्त आप देखेंगे दंतवक्य श्री कृष्ण द्वारा परास्त दंतवक्य गोपाल कक्ष हो गए और ग्वालियर के पहाड़ियों पर आ बसे। इससे यह क्षेत्र गोपालगिरी यानी कि ग्वालियर का पूर्व नाम आप देखते हैं गोपालगिरी था, ठीक है। इक्षाकु वंश और दंडकारण राज्य मनु के एक पुत्र इक्ष्वाक के नाम पर इक्षाकु वंश की स्थापना हुई और जिसके पुत्र ने दंडकारण वस्त्र राज्य स्थापित किया है। बड़ा अजीब शब्द दिए गए हैं, इसलिए आप लोग रटना ही आप लोगों को बेहतर रहेगा। इस समय के बाद जो भी पॉइंट है आप लोग याद रखिए, आगे से तो आप लोग जैसे ही महाजनपद में पहुंचेंगे आप लोग बड़ा सरल आपको हो जाएगा इतिहास, ठीक है। इनके बारे में आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। फिर आप देखेंगे मंधाता चक्रवर्ती इक्षाकु वंश का प्रतापी राजा मंधाता हुआ जो चक्रवर्ती सम्राट था। इसके एक पुत्र पुरुकुत्स ने मध्य भारत के नाग राजाओं को गंधर्वों के खिलाफ सहायता दी और तथा रेवा का नाम नर्मदा कर दिया था, जिसे हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। फिर आप देखेंगे हेयर साम्राज्य की बात करें तो यादव वंश के संस्थापक यदु के पुत्र हेय के नाम पर स्थापित हेयर राज्य के राजा महिष्मंत ने एक जीते गए द्रुक का नाम महिष्मती यानी कि महेश्वर रखा था और इसके वंशज कृतवीर ने हेयर वंश के विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था। तो ये कहानी आपकी हेयर साम्राज्य की। फिर आप देखेंगे सहस्त्रार्जुन हेयर वंश ने ही में ही की कार्तवी या कर अर्जुन या फिर सहस्त्रार्जुन सहस्त्रबाहु नामक सम्राट हुआ और जिसकी 1000 भुजाएं मानी गई हैं और उसने समस्त पृथ्वी को जीता और अनेक यज्ञ भी किए। उसने लंका के राजा रावण को भी हराया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि लंका के राजा जो रावण थे इन्हें किस शासक ने हराया था। तो आप लोगों को याद रखना होगा कार्तवी या फिर अर्जुन आए या सहस्त्रार्जुन आए या फिर सहस्त्रबाहु आए, तो याद रखिए हेयर वंश के थे, ठीक है। इन्होंने ही लंका के यानी कि जो आप देखते हैं श्रीलंका यहाँ के जो राजा हुआ करते थे तो रावण इन्हें हराया था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का इतिहास बड़ा समझ सकते हैं कि बड़े महान सम्राट राजा हुआ यहाँ के। अगर राजा अवंती के बारे में बात करें
तो अर्जुन के पुत्र जयध्वज ने अवंती मालवा पर राज्य किया और अवंती नाम जयध्वज के पुत्र अवंती नामक राजा के नाम पर बाद में पड़ा। अवंती ने ही यादवों को विदिशा से भगाया था। इससे ये क्या रहता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि अवंती का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा है, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। महाकाव्य काल की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा रामायण और महाभारत। महाभारत महाकाव्य में मध्य प्रदेश के विभिन्न राज्यों क्षेत्रों उनकी भूमिका का वर्णन हुआ है और किद्वंती माफ करी क्योदंती के है कि राम ने चित्रकूट में तुलसीदास को दर्शन दिए थे। आप लोग देखते हैं ना कि चित्रकूट एक ऐसा क्षेत्र है, इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी पड़ता है और उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय दंडकारण बस्तर में बिताया, जो अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिलेगा। पहले आप लोग देखिए कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। दंडकारण और महाकंतार घने वनों का क्षेत्र था और यहीं से रावण ने सीता का अपहरण किया था। और रावण जिस लंका का राजा था वह संभवतः जबलपुर के निकट या फिर अमरकंटक के समीप थी। और ऐसा विद्वानों का मत है कि वाल्मीकि आश्रम में निर्वासित माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया है। और ये क्या बताता है, रामायण के बारे में बताता है कि मध्य प्रदेश रामायण से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, राम के समय भी कुछ इसका योगदान रहा है। और यह है आश्रम टोंस नदी रामायण से तमसा तट पर संभावित है, जो अमरकंटक से निकलती है और भविष्य में कुश ने दक्षिण कौशल यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य पर राज्य किया। आप जानते हैं कुश भगवान श्री राम के एक तरह से बेटे थे, जबकि शत्रुघ्न के पुत्र शंभुधाति ने विदिशा पर राज किया। इस समय सतपुड़ा और विंध्याचल में निषाद जाति का राज हुआ करता था। एक बात और आपको लोगों के मन में कई बार आप लोग पूछते भी रहते हैं, क्या ये इतिहास है? तो आप लोग देखिए, रामायण क्या इतिहास है, क्या सही में ऐसी घटना घटी है या फिर मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई है? देखिए, कुछ भी रहा हो उस पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप समझिए कि अगर रामायण मान लीजिए कि अगर उसे आप लोग मनगढ़ंत कहानी भी कह दीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या दिखाया गया आप लोगों को कि एक मानव की ज़िंदगी किस तरह होना चाहिए, एक स्त्री की ज़िंदगी क्या होना चाहिए। बड़ा अच्छा कहा जाता है कि आप समझिए कि अगर भगवान श्री राम दशरथ के पुत्र रहकर अगर अयोध्या में ही रुक जाते तो वे केवल दशरथ के पुत्र बनकर रह जाते। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसने बनाया, उनकी उस तपस्या ने, उनके घर निकल कर जाने ने, समझ रहे हैं आप लोग। आप देखते हैं कि किस तरह से आप समझते हैं कि एक राजा का पुत्र जंगल चला जाता है। और आप समझिए, जंगल कोई एक तरह से आप समझ सकते हैं पार्टी वार्टी करने नहीं गए होंगे, आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से राज्य में से निकल कर जाना और वहाँ आप समझ सकते हैं किस तरह से रहना। उसी में आप देखते हैं सीता माता का अपहरण हो जाता है, फिर आप देखते हैं क्या स्थिति रहती है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि राजा को तो एक से ज़्यादा शादी करने की छूट मिलती थी उस समय, लेकिन भगवान श्री राम ने एक ही शादी की। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने आप अयोध्या से आप जो सोचिए सीधा दक्षिण भारत पार करते हुए श्रीलंका जाते हैं और सीता माता को वहाँ से लाते हैं। उस समय कोई टेलीफोन भी नहीं रहा होगा कि उन्होंने करके कॉल एक तरह से ढूंढ लिया होगा कि सीता माता को वो अपहरण करके ले गया है, समझ रहे हैं आप लोग। और एक तरह से आप सीता माता को भी देखिए कि आप समझिए कि सोने की लंका आज किसी के सामने आप लोग खड़ा कर दीजिए, किसी के सामने रख दीजिए, वो आपका हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो बड़ा दोनों ने तपस्या की है, इसलिए हम लोग पूछते हैं। आप लोग भी देखते हैं कि हम लोग कई तरह के आप लोगों से सीख ले सकते हैं, ठीक है। आगे है आपका रामायण कालीन त्रेता युग की समाप्ति के बाद महाभारत कालीन द्वापर युग शुरू होता है, जिसकी महत्वपूर्ण घटनाएं थी महाभारत युद्ध। और इस युद्ध में मध्य प्रदेश स्थित अनेक राज्यों ने भाग भी लिया था। इनमें से वर्तमान बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्रों में अवस्थित राज्यों ने पांडवों की ओर से भाग लिया था। ये राज्य कौन से थे, वत्स, काशी, चेदी, कारुस, दर्शार्ण और मत्स्य। कुछ राज्यों ने कौरवों की तरफ से भाग लिया था। इसमें कौन कौन से शामिल थे, महिष्मति, नील राजा, अवंती भोज, आथंग, विदर्भ, निषद, दृष्णी आदि मध्य प्रदेश में अवस्थित हुए, जिन्होंने किसकी, कौरवों की तरफ से भाग लिया था और इनने पांडवों की ओर से भाग लिया था, ठीक है।
महाभारत में आप देखेंगे महिष्मति हो गया, उज्जैनी हो गया, कुंतलपुर हो गया, विराटपुरी, ये सभी मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर बताया गया है। ठीक है, इन्हें भी आप लोग याद रखिए। यहाँ भी कुछ पॉइंट दिए गए, इन्हें भी आप लोग याद रखिए, इनसे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो ये स्थान हो गए आपके, ये महत्वपूर्ण सामग्री, यहाँ से क्या क्या मिली है, एक खोजकर्ता विद्वान उसका नाम हो गया। ठीक है, अगर आपसे बात करें महादेव पिपरिया नर्मदा घाटी की, तो यहाँ से आपको 860 औजार देखने को मिलेंगे और इसके खोजकर्ता विद्वान रहे सोपेकर। ठीक है, फिर आप देखेंगे हथनौरा नर्मदा घाटी जिला सीहोर, तो यहाँ आप देखने को मिलेगा नरम देव शिष्य मानव की खोपड़ी आप लोगों को यहाँ एक तरह से मिली है। और यहाँ के खोजकर्ता विद्वान रहे HD सांकलिया, मैक ब्राउन, अरुण सोन किया। ठीक है, मंदरसौर चंबर घाटी की बात करें तो यहाँ से काफ़ी आपको बिलर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ के खोजकर्ता विद्वान रहे हैं प्रोफेसर वाकनकर। ठीक है, भीमबैठका की बात करें नर्मदा घाटी, तो यहाँ से आपको ब्लेड उपकरण देखने को मिलेंगे और शैलाशय काफ़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। इस समय के इसके खोजकर्ता रहे हैं बीबी मिश्रा। आदमगढ़ शैलाशय की बात करें, ये होशंगाबाद में देखने को मिलेगा और 25,000 लघु पाषाण उपकरण यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके खोजकर्ता रहे हैं द्वार वी जोशी। इन नामों को आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं महाजनपद योग के बारे में। तो इसमें क्या याद रखना है आपको कि वैदिक काल के अंतिम समय अर्थात 600 ईसा पूर्व के लगभग भारत में 16 महाजनपद थे। अतएव इस काल को महाजनपद काल कहते हैं आप लोग। और आप सभी ने सुना होगा कि 16 महाजनपद हुए थे, हम लोगों ने विश्व के यानी कि भारत के इतिहास में पढ़ा भी है। इनमें से आप देखेंगे दो महाजनपद यानी कि एक चेदी बुंदेलखंड, दूसरा अवंती उज्जैन वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिए। अगर चैदी जनपद की हम लोग बात करें तो आप देखेंगे बघेलखंड के क्षेत्र के पूर्व में विस्तारित था और इसकी राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती, ये भी आप लोग याद रखिए। इसकी एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई और खारवेल वहाँ का प्रसिद्ध शासक भी हुआ और चैदी वंश के राजा शिशुपाल का महाभारत में वर्णन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका सिर कृष्ण ने अपने चक्र से काटा था। कृष्ण भगवान के बारे में आप लोग पढ़ते हैं ना, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। चैदी बाद में कमजोर पड़ा और मगध ने इसे अपने रम राज्य में मिला लिया था। अगर अवंती के बारे में बात करें तो इसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में एक सशक्त महाजनपद हुआ करता था और अवंती को बौद्ध ग्रंथों में अच्युत गामिनी भी कहा जाता है। इसके दो भाग थे, एक उत्तरी अवंती जनपद जिसकी राजधानी आप देखते हैं उज्जैनी हुआ करती थी, दूसरा था आपका दक्षिणी जनपद जिसकी राजधानी महिष्मती यानी कि महेश्वर हुआ करती थी। ठीक है, दोनों को पृथक करती बैदवा यानी कि बैत्रावती नदी प्रवाहित होती थी। तो आप लोग याद रखिए बैदवा नदी एक तरह से, इसे पुराना नाम इसका बैत्रावती है। ठीक है, और अवंती के दो प्रमुख नगर कुररधर और सुदर्शनपुर का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलेगा। 6वीं सदी ईसा पूर्व में अवंती बौद्धों का प्रसिद्ध केंद्र भी बन गया था और यहाँ का शासक चंड प्रबोध अपनी वीरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी रहा है। और इसके पिता पुलिक जो बेहदत वंशीय राजा रिपुंजय के अमात हुआ करते थे ने रिपुंजय को हटाकर प्रगोद को राजा बनाया था और यहाँ आप देखेंगे महात्मा बौद्ध का समकालीन हुआ करता था ये राज्य। ठीक है, चंड प्रगोद के समय मगध का राजा बिंबिसार था और उसने अपने राजवैद जीवक को प्रगोद का इलाज करने के लिए भेजा था। हाथी पालन का कला का विशेषज्ञ भी माना जाता है इसे प्रगोद को। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध के दूसरे राजा अजातशत्रु ने प्रगोद के आक्रमण से सुरक्षार्थ पाटलिपुत्र दुर्ग भी बनवाया था और मगध में आप देखेंगे शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अवंती को एक तरह से अंततः मगध में मिला लिया था। ठीक है, उस समय यहाँ का शासक नंदीवर्धन हुआ करता था। ठीक है, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये आपके प्राचीन नगरों के नवीन नाम हो गए, यानी कि ये पहले ये प्राचीन नाम थे और आप इन्हें वर्तमान में किस नामों से जानते हैं। विराटपुरी, इसे आप लोग सुहागपुर के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ ले कि सुहागपुर का पुराना नाम क्या है या विराटपुरी का नया नाम क्या है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। महिष्मती की बात करें तो महेश्वर आज का नाम है। इंद्रपुट इंद्रप्रस्थ का नया नाम इंदौर है। कुंतलपुर का नया नाम
केडिया है, उज्जैनी का नया नाम उज्जैन, भोजताल का भोपाल, धारानगरी का धार, भथा या भरहूत इसका रीवा, अंछरा सतना। ठीक है, अब बात करते हैं त्योथर रीवा। तो बौद्धकालीन स्तूप के खंडहर यहाँ से मिले हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नंदवंश की अगर बात करें हम लोग, तो मगध में नंदवंशी राजा महापद्म नंद ने साम्राज्य विस्तार को की अपनी नीति के तहत चैदी को मगध राज्य में मिला लिया था। बड़वानी से नंदवंश की मुद्राएं भी आप लोगों को मिली हैं एक तरह से। मौर्य युग की बात करें हम लोग, तो मौर्यों के समय भी अवंती चैदी मगध के भाग बने रहे। सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती का प्रांतपति बनाया, जिसके विदिशा की शकवंशी श्रीदेवी या फिर आप लोग इसे महादेवी के नाम से भी जानते हैं, बैस की बेटी से विवाह किया उन्होंने। और इससे ही आप लोग देखते हैं महेंद्र और संगमिता उत्पन्न हुए, और जिन्हें आप देखते हैं कि श्रीलंका भेजा जाता है बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, और इसी अशोक ने सम्राट बनने के उपरांत सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण भी करवाया। ये भी कई बार पूछ लेता है आपसे, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, किस मौर्य शासक ने? तो आप लोगों को याद रखना होगा, अशोक ने। ठीक है, संभवतः महादेवी के लिए भी एक स्तूप उज्जैन में अशोक ने बनवाया था, जिसे आज बैस टेकरी के नाम से जानते हैं आप लोग। और आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग भी बड़े बड़े वादे करते रहते होंगे कि किसी से आप लोग नया नया प्यार होता है तो उसके लिए आप कहते हैं ताजमहल बनवा दूंगा। तो यही उनने भी किया कि उनकी याद में आप कह सकते हैं उनकी खुशी के लिए एक तरह से स्तंभ बनवा दिया, स्तूप बनवा दिया, उसे आप लोग बेस्ट टेकरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अशोक के लघु शिलालेख मध्य प्रदेश रूपनाथ जबलपुर में, अशोक का नाम वाला गुर्जर दतिया में, सारो मारो ये सीहोर में देखने को मिलेगा, पान गुराडिया ये आपको सीहोर में, सांची रायसेन में देखने को मिलेगा। गुर्जर लेख में अशोक देवनाम प्रिय प्रियादसी का उल्लेख भी किया गया है, ये दतिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ आप लोग देखिए मौर्यकालीन स्तूपों के बारे में, इनके बारे में याद रख लीजिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे सांची का स्तूप, सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, और जो मूल रूप से ईंटों से निर्मित था, और 1818 में जनरल टेलर ने सांची स्तूप को खोजा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, तो 1818 में जनरल टेलर ने। ठीक है, फिर आप देखेंगे तुमैन का स्तूप, तुमैन जिला गुना विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाली प्रमुख व्यापारिक मार्ग का स्थित था, और यहाँ से तीन मौर्यकालीन बौद्ध स्तूपों के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। और जैन का बौद्ध महास्तूप, सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया था, और जिसके अवशेष बैस टेकरी कानीपुरा नामक टीले के रूप में विद्यमान है। फिर आप देखेंगे कसरावद की स्तूप, कसरावद जिला खरगोन में स्थित इतवाड़ी नामक टीले के उत्खनन से 11 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी कुछ आपके पॉइंट हैं, इन्हें भी आप लोग याद रख लीजिए। भारत में मानव उपस्थिति का प्रथम साक्ष्य हथनौरा जिला सीहोर नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। इसका टाइम समय काल क्या रहा है, 5 लाख से लेकर 2.5 लाख वर्ष पूर्व के मध्य की बात की जा रही है। तो आपसे पूछे कि भारत में मानव उपस्थिति का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो याद रखिए हथनौरा ये स्थल है आपका नर्मदा घाटी के पास, और जिला सीहोर में मध्य प्रदेश में। इसके खोजकर्ता की बात करें तो अरुण सोनकिया ने 1982 में किया था, और हथनौरा जिला सीहोर होशंगाबाद से आपको देखने को मिलेगा, 20 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा। मौर्यकालीन अगर अन्य स्तूप की बात करें तो देव कुठार जिला रीवा में मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। फिर आप देखेंगे पनगुड़िया का स्तूप, पनगुड़ारिया सीहोर से भी मौर्यकालीन दक्षिणापथ युक्त स्तूप प्राप्त हुए हैं। फिर आप देखेंगे सांची का काकनाद वोट, तो 1818 में सर्वप्रथम जनरल टेलर ने यहाँ के स्मारकों की खोज की थी, और 1818 ईस्वी में मेजर कोल ने स्तूप संख्या 1 को भरवाने के साथ उसके दक्षिण पश्चिम तोरण द्वारों तथा स्तूप के तीनों गिरे हुए तोरणों को पुनः खड़ा करवाया था, क्योंकि आप देखते हैं कि क्षति होती रहती है, और कब तक ये टिके रहें
आजकल तो आप लोग देखते हैं कि जब किसी एक तरह से आप पुल का देखते हैं कि उद्घाटन करने से पहले ही गिर जाता है, तो आप समझ सकते हैं कम से कम आज अगर उनके साक्ष्य मिल रहे हैं तो आप समझिए कि हजारों साल के बाद भी काफ़ी अच्छी सामग्री उपयोग की जाती होगी इस समय बनाने में, ठीक है। और कई के लिए तो आप लोगों को आज भी सुरक्षित देखने को मिलेंगे, समझ रहे हैं, वरना आज का घर तो आप लोग आज बनाते हैं 2-4 साल बाद लटकने लगता है। इस प्रकार यहाँ 3 स्तूप हैं, इसमें एक विशाल तथा 2 लघु स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय में अशोककालीन धर्म के और तृतीय में बौद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र महामोदगलायन के दंत अवशेष सुरक्षित देखने को मिलेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महास्तूप किससे संबंधित है, तो याद रखिए भगवान बुद्ध से, ठीक है। और अगर आपसे पूछे द्वितीय में क्या कहा गया है, तो याद रखिए अशोककालीन धर्म के, और तृतीय बौद्ध स्तूप में क्या कहा गया, 2 प्रमुख, जो तृतीय स्तूप में आपका 2 बुद्ध के 2 जो प्रमुख शिष्य थे सारिपुत्र महामोदगलायन, इन दोनों के दंत के अवशेष यानी कि दावत के अवशेष सुरक्षित देखने को मिलेंगे। इस महास्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के समय में ईंटों की सहायता से किया गया था और उनके चारों ओर काष्ठ की वेदिका भी बनी है। अशोक का संघभेद रोकने की आज्ञा वाला अभिलेख यहीं से मिलता है और सांची के स्तूप के पास ही अशोक का एक शिलालेख भी उत्कीर्ण है, ठीक है। फिर आप देखते हैं बेसनगर, विदिशा। प्राचीन जैन तथा ब्राह्मण ग्रंथों में विदिशा का नाम बेसनगर मिलता है, ठीक है। 1913-14 में श्री डी आर भंडारकर ने यहाँ उत्खनन करवाया था और बेसनगर में हेलियोडोरस का स्थल प्राप्त हुआ जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। यहाँ मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमाण भी मिले हैं और बेसनगर गुप्त शासकों के समकालीन माना जाता है, ठीक है। ये बेसनगर के बारे में याद रख सकते हैं। आगे चलते हम लोग बात करते हैं मौर्योत्तर युग के बारे में। इसमें आप लोगों को क्या देखना है, मौर्योत्तर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आप लोग देखेंगे नगरीय युग, और इसका समय पीरियड आप लोग याद रखिए 200 ईसा पूर्व से 150 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। देखिए एडी आ गया कि नहीं आया। नगरीय युग, मौर्यों के समय अनेक नगर विकसित हुए, इनमें से एरन, त्रिपुरी, महिष्मति, भागेल, विदिशा, अवंती, उज्जैनी, पद्मावती प्रमुख रहे। इस समय के 8 सिक्के यानी कि पंचमार्क हमें उपलब्ध हुए हैं और इन सिक्कों पर ब्रह्मी लिपि में लिखी में लेख भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर शुंग काल की बात करें, मौर्योत्तर काल में आप लोग देखेंगे शुंग काल भी हुआ, और तो इसका समय आप लोग देखेंगे 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व देखने को मिलेगा। शुंग मूलतः उज्जैन के थे और यहाँ मौर्यों की सेवा में रहते थे। मौर्यों के बाद शुंग वंश ने मगध पर राज किया और इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और अंतिम मौर्य राजा बेहदत्त की हत्या करके की थी। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि अंतिम मौर्य राजा बेहदत्त की हत्या किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी और एक नए वंश की स्थापना की थी, वो था शुंग वंश, ठीक है। पर आप देखेंगे उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का प्रांतपति बना और मालविका के साथ उसके प्रेम प्रसंग को आधार बनाकर कालिदास ने अपनी पहली रचना मालविकाग्निमित्र लिखी। ये भी आपसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया गया है कि कालिदास मालविका अग्निमित्र किसके द्वारा लिखित रचना है, तो याद रखिए कालिदास से संबंधित है यानी कि कालिदास ने लिखा। और किससे संबंधित है, तो याद रखिए अग्निपुत्र, उनका जो पुत्र अग्निमित्र विदिशा का प्रांतपति था, उसी से संबंधित है। मालविका के साथ उसके जो भी प्रेम प्रसंग, लव एक तरह से चक्कर रहा है, उसी के बारे में लिखा गया। मालविका अग्निमित्र के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के यज्ञसेन को हराया था और उसकी यहाँ भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था, जिसने विदिशा बेसनगर में प्रसिद्ध गरुण स्तंभ, आप लोग देखते रहते हैं गरुण स्तंभ कहाँ है, विदिशा में बेसनगर ने खाम बाबा ब्रह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाया और अपने को परम भागवत यानी कि भागवत धर्म का अनुयायी घोषित किया। अग्निमित्र के समय ही सांची स्तूप के आसपास परिक्रमा स्थल यानी कि जंगला निर्मित किया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सांची स्तूप के आसपास जो परिक्रमा स्थल बनवाया गया था किसके समय बनवाया गया था, तो याद रखिए अग्निमित्र के, ठीक है। पर आप देखेंगे भरहूत, शुंग द्वारा ही सतना जिले में एक विशाल स्तूप का निर्माण हुआ था और जिसे अवशेष उसकी बेष्टनी का एक भाग और तोरण भारतीय संग्रहालय कोलकाता तथा प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित हैं और 1875 में
कनिंघम द्वारा जिस समय इसकी खोज की गई थी उस समय तक इसका केवल 10 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा धागी शेष रह गया था, बाकी नष्ट हो गया था एक तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट हैं आप लोग या इन्हें भी याद रखिए। ए प्राचीन जनपद हो गए और नवीन नाम हो गया, जैसे अवंती अवंतिका, इसका नया नाम क्या है? उज्जैन। वत्स ग्वालियर आज इसका नया नाम है। चेदी, इसका नया नाम क्या है? खजुराहो। अनूप, इसका नया नाम क्या है? निवाड़ या खंडवा। दर्शाण, इसका नया नाम क्या है? विदिशा। तुंडीकेर, इसका नया नाम दमोह। नलपुर, इसका नया नाम नरवर या शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी। आगे चलते हैं हम लोग सातवाहन वंश के बारे में बात करते हैं। तो इसका समय काल क्या रहा है आप लोग देखेंगे, इसका समय काल रहा है 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, यानी कि एक बहुत लंबे समय तक आप कह सकते हैं कि इसका समय रहा है। दक्षिण भारतीय शक्ति सातवाहनों ने कन्नों का एक तरह से अंत किया, लेकिन वे उत्तर के बजाय दक्षिण महाराष्ट्र केंद्र से ही शासन करते रहे और इसके पराक्रमी राजा सातकर्णी की पूर्वी माला विजय का उल्लेख सांची में उत्कीर्ण एक लेख से होता है और उसके यहाँ मिले सिक्कों में श्री सातकर्णी उत्कीर्ण किया गया है। एक तरह से इन्हीं से आप लोग इस सातवाहन वंश के बारे में जानकारी इकट्ठी मिल जाती है, एक तरह से मालूम चल जाती है। सबसे महान सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ, इसका समय रहा है 106 से लेकर 130 ईस्वी तक और सिक्के सबसे ज़्यादा इसके सिक्के आपको जैन से देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके समय शक सातवाहन संघर्ष हुआ और शकों को उसने करारी शिकस्त दी, यानी कि हार हुई उनकी, किनकी? शकों की। और उसने शक राजा नहपान नासिक को हराकर उसके सिक्कों पर अपना नाम मुद्रित भी कराया है और उसके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलवामियों ने भी मध्य भारत के बड़े भाग को अपने अधीन रखा, लेकिन उज्जैन के एक शक क्षत्रप रुद्र दामन ने उसे जबरदस्त शिकस्त यानी कि पराजित किया और अंततः दोनों में वैवाहिक संबंध हुए और पुलवामी को उसका राज्य वापस मिला और अंतिम सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के विदिशा देवास आदि से मिले हैं, ठीक है। तो ये भी अगर आपसे पूछे कि अंतिम सातवाहन राजा कौन था, यज्ञश्री सातकर्णी, इसका भी काफ़ी क्षेत्र एक तरह से मध्य प्रदेश पर शासन रहा है विदिशा देवास पर, ठीक है। फिर आप देखेंगे इंडो यूनानी काल की, तो ये इसका समय रहा है आपका 200 ईसा पूर्व से 50 ईसवी पूर्व तक, ठीक है। मौर्यों के उपरांत आप देखेंगे पश्चिमी भारत में यूनानियों ने अपने राज्य स्थापित किए और इनमें डेमेटियस वंश के राजा मेनेंडर का नाम उल्लेखनीय है, ठीक है। सियालकोट को राजधानी बनाकर मेनेंडर मिलिंद ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया, उसे नांगसेन ने बुद्ध बनाया था, किसने? नांगसेन ने, ठीक है। मेनेंडर ने पाटलिपुत्र तक धावे बोले, यानी कि वहां तक इसने एक तरह से राज किया या चढ़ाई की। उसके सिक्के बालाघाट से देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। समकालीन रोमन शासकों के सिक्के भी आहोरा यानी कि मंदसौर से आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी इंडो यूनानी काल के जो भी राजा हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर आपके आते हैं शक, और इनका समय रहा है आपका 50 BC यानी कि ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। पश्चिम भारत में यूनानी राज्य के स्थान पर शक राज्य स्थापित हुए और पश्चिमी चीन से भारत आने वाले शक जाति ने अपने नासिक उज्जैन मथुरा पंजाब में अपने क्षत्रप राज्य स्थापित किए और मध्य प्रदेश के संदर्भ में नासिक उज्जैन के शक राज्य ही महत्वपूर्ण है, जहाँ क्रम से आप देखेंगे छहरात हो गया, करदमक हो गया, वंश के शक राज्य थे, ठीक है। इसमें आप छहरात वंश की बात करें तो भूमक और नहपान नामक दो प्रसिद्ध राजा इस वंश में हुए और नहपान का संघर्ष गौतमीपुत्र सातकर्णी गौतमीपुत्र जो सातकर्णी था इससे हुआ और नहपान मारा गया। नहपान इसके पूर्व मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अधिकार भी कर चुका था और जुगल थुम्बी से नहपान के पुनर्मुद्रित सिक्के भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। शिवपुरी से भी नहपान के ढलवाई सिक्के मिले हैं जिन्हें सातकर्णी ने पुनर्मुद्रित करवाया था और स्कंदगुप्त द्वारा इंदौर की तेली श्रेणी को मंदिर के लिए दान का उल्लेख एक अभिलेख भी मिलता है। फिर आप देखें करदमक वंश यशोमती उसके पुत्र चष्टन द्वारा स्थापित उज्जैन का शक राज्य कार्दमक वंशीय था और इसके प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन संस्कृत का महान पंडित भी था।
आप समझ रहे हैं कि संस्कृत के बारे में काफी ज्ञाता ज्ञानी था ये रुद्रदामन। ठीक है, उसके गिरनार स्थित संस्कृत अभिलेखा अनुसार सौराष्ट्र में सुदर्शन तट का सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था और उसने ही सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के मध्य प्रदेश में चलवाए थे। तिथि युक्त, ठीक है, सबसे पहले रुद्र सिंह तृतीय न सिर्फ उज्जैन का अपितु संपूर्ण शकों में अंतिम था और उसी मार्ग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन का विलय गुप्त साम्राज्य में कर लिया और इसके साथ ही भारत से शक सत्ता समाप्त हो जाती है आपकी। फिर आता है आपका कुषाण राज्य। क्या आता है? कुषाण राज्य, इसके बारे में क्या पॉइंट है आपके? कुषाणों का भारत प्रभाव मध्य प्रदेश में मात्र आक्रमणों या फिर कतिपय सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में कभी कभी आया है और इसके सबसे प्रतापी राजा कनिष्क के सिक्के शहडोल से आपको देखने को मिलेंगे। वासिक नामक राजा की सांची अभिलेखानुसार उसके समय दोहिता मधुकरी ने एक बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करवाया था और उसके उत्तराधिकारी होविस्क के सिक्के शहडोल और हरदा से और तथा कुषाण राजा वासुदेव के सिक्के तेवर जबलपुर से मिले हैं। भेड़ाघाट से कुषाणकालीन दो मूर्ति लेख और बौद्ध प्रतिमाएं भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये कहानी होगी आपकी कुषाण वंश के बारे में। ठीक है, मालव जाति ये कौन थी? मालव जाति, इसके बारे में आप लोग याद रखिए। इसका समय रहा है, मालव जाति का समय रहा है 600 BC से 200 AD तक। सिकंदर पर आक्रमण से प्रकाश में आई मालव जाति कालांतर में मालवा में आकर बस गई थी और यही उसने शासन स्थापित किया है। संभवतः मालव जाति के नाम पर ही मालवा का नाम पड़ा है। पड़नी ने अपने संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी में मालव जाति का उल्लेख आयुधजीवी के रूप में किया है। तो इससे क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है कि मालवा का नाम किस जाति पर रखा गया, तो याद रखिए मालव जाति पर। ठीक है, या आपसे पूछे कि मालव जाति का एक तरह से शासन किस क्षेत्र में रहा है मध्य प्रदेश के, तो मालवा के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिए। और ये भी कई बार आपसे पूछ लिया है कि अष्टाध्यायी व्याकरण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह है पाणिनि। ठीक है, फिर आप देखते हैं नागवंश। तो मथुरा के नागवंश की एक शाखा मध्य प्रदेश में शासन स्थापित किया इन्होंने और इसके संस्थापक थे वृषनाथ का सिक्का विदिशा से आपको देखने को मिलेगा। वृषनाथ की राजधानी विदिशा थी और जिसे भीमनांग पद्मावती ले गया था। भीमनांग पद्मावती ले गया था। समुद्रगुप्त एक गुप्त शासक था। समुद्रगुप्त ने अंतिम नांग राजा गणपति नांग को परास्त कर उसका राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मथुरा के नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह भी किया है। आप समझिए इस समय के राजा क्या किया करते थे कि एक राज्य जीता इन्होंने, उसी के राज्य की जो भी कन्या हुई, जो भी पुत्री हुई इस राजा की, उन्हीं से शादी भी कर लेते थे और ये कई शादियाँ किया करते थे। आप समझ रहे हैं, दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंतिम चरण में मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में कुषाण या कुषाण साम्राज्य का मध्य प्रदेश में प्रभाव खत्म हो चुका था और भारसिव नागों का प्रभुत्व जम चुका था। पुराणों के विवरण से पता चलता है कि पद्मावती में नांग कुलों का शासन था। पद्मावती की पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित आधुनिक पवया नामक स्थान से की जाती है। यहाँ पर 9 नागवंशीय राजाओं ने शासन किया और यहीं के नांग चूंकि अपने कंधों पर शिवलिंग बहन करते थे अतः भारसिव कहलाते थे। इन लोगों का गुप्तों एवं बकाटकों के साथ वैवाहिक संबंध था। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि समय क्या करते थे कि अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, या आप समझिए कोई राजा दूसरे से नहीं जीत पा रहा है तो उसमें आप वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लेते थे। इससे क्या रहेगा कि रिश्तेदार बन जाएंगे और ये लोग क्या करेंगे बाद में, अपना मतलब शांति रहेगी। फिर समझ रहे हैं आप लोग, तो ये कहानी हुआ करते थे। इस के शासक भवनाग 300 इसका समय रहा है 305 से 40 ईस्वी की पुत्री का विवाह वकाट नरेश प्रवर सैन प्रथम के पुत्र के साथ हुआ और प्रयाग प्रशस्ति में से स्पष्ट है कि गुप्तकाल के शासक समुद्रगुप्त के समय पद्मावती में इस वंश का शासक नागवंश था और चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य ने नांग कन्या कुबेर नामा नागा से विवाह किया था। पुराणों के अनुसार विदिशा की पद्मावती तथा क्रांतिपुरी वर्तमान में कुटवार में नागों की दो राजधानियाँ भी हुआ करती थी। तो ये नागों के बारे में भी कुछ एक सामान्य जानकारी मिल जाती है। फिर आप देखते हैं बौद्धि या फिर एवं मग वंश के बारे में। जबलपुर का बौद्धि वंश
त्रिपुरी तेवर जबलपुर से बौद्धी राजवंश के 4 शासकों के सिक्के मिले हैं। इसमें आप देखेंगे श्री बौद्धी, वसु बौद्धी, चंद बौद्धी और शिव बौद्धी, ठीक है। इन शासकों को भी आप लोग याद रख सकते हैं। बघेलखंड का मग वंश की बात करें तो बघेलखंड के मग राजाओं के सिक्के मिले हैं। इनमें आप देखेंगे भीमसेन हो गया, भद्दमग हो गया, शिवमग हो गया, इनका उल्लेख देखने को मिलेगा। इन्होंने कुषाणों से सफल संघर्ष भी किया था। नागों की राजधानी पद्मावती के दक्षिण पूर्व में ही मग राज्य स्थित हुआ करता था। पहले यह राज्य केवल बघेलखंड रीवा मंडल तक ही था और इस वंश का प्रथम ज्ञात राजा वशिष्ठपुत्र भीमसेन हुआ करता था। उसके पुत्र का नाम कौशिकपुत्र पोटश्री मिलता है। वह योग्य शासक था और इसकी राजधानी बंधुगढ़ हुआ करती थी, ठीक है, हुआ करती थी, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तो आप लोग देखेंगे है नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गुप्त काल, इससे भी काफ़ी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गुप्त काल से भी। गुप्त काल से क्या होता है, क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। गुप्तों के समय एक बार फिर भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ और मध्य प्रदेश में उनके प्रतापी राजाओं की उपस्थिति और अभियान इस क्षेत्र के राजनीतिक महत्व को स्थापित करती है। जब गुप्तों का पाटलिपुत्र के उदय हो रहा था तो मध्य प्रदेश में अनेक क्षेत्रीय शक्तियां थीं। जैसे आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में शक और आगे आप देखेंगे अत्यंत मजबूत राज्य था। मध्य प्रदेश में आवीर, नागवंश जैसे राज्य भी शक्तिशाली थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार वह मध्य प्रदेश के जंगलों से होकर दक्षिण विजय की ओर बढ़ा और उसके आर्यावर्त के जिन 9 राजाओं को जीता था उसमें नागवंशी भी थे, शामिल थे, और जिनके राज्य का कुछ भाग उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ता था और उसकी अधीनता स्वीकारने वाली 9 गढ़ राज्यों में आभीर हो गया, सनकानिक हो गया, खरपरीक हो गया कि राज्य मध्य प्रदेश में विदिशा, झांसी, दमोह उसके आसपास एक तरह से रहा करते थे। एरन सागर में पड़ता है, यहाँ से क्या मिला है, समुद्रगुप्त का सौभोग नगर बन गया था एरन। और इस प्रकार समुद्रगुप्त शक राज्य को छोड़कर शेष मध्य प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था और उसके सिक्के यहाँ से मिले हैं। कहाँ से, एरन से। कांच नामक सिक्के भी गुप्तों के अधिपत्यता की पुष्टि करते हैं जो आपको विदिशा से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक राज्य उज्जैनी के कार्दवमग वंश का अंत कर लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था। किसने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। उसकी शक विजय देवी चंद्रगुप्तम से और उसकी सकारी उपाधि से पता चलता है। सांची अभिलेख भी उसके एक दीर्घकालीन अभियान की पुष्टि करता है। देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त ने शक राजा से परास्त होकर अपनी पत्नी ध्रुव देवी को उसे सौंपना स्वीकार किया था, लेकिन उसके स्वाभिमानी भाई चंद्रगुप्त ने शक को मारकर ध्रुव स्वामी को मुक्ति दिलाई और रामगुप्त का एक तरह से वध करके गुप्त सम्राट बन गया। क्योंकि आप समझिए, एक तरह से सोचा होगा उसने कि मेरा भाई अयोग्य है तो उसे मार दिया और उसकी बीवी को एक तरह से उससे मुक्ति दिला दी है और वो खुद सम्राट बन गया। कौन, चंद्रगुप्त, ठीक है। विदिशा संग्रहालय से में स्थित मूर्ति रामगुप्त का ऐतिहासिक दर्शाती है और चंद्रगुप्त ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया और यही उसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। उसने उसके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त की मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार उसके सामंत बंधु वर्मा ने सूर्य मंदिर को दान दिया था और स्कंदगुप्त के समय सफ़ेद हूणों का आक्रमण फायदा उठाकर वकाटकों ने मालवा पर अधिकार कर लिया, लेकिन स्कंदगुप्त ने उसे पुनः छीन लिया और गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, याद रखिए। फिर आता है आपका वर्मा वंश, इसके बारे में भी याद रख लीजिए, बड़े नए नए आपको वंश देखने को मिल रहे हैं। गुप्त काल में मालवा पर समुद्रगुप्त के समकालीन सिंह वर्मा का शासन रहा है और सिंह वर्मा के 2 पुत्र थे, पहला चंद वर्मा जिसने मारवाड़ में राज किया और दूसरा था नर वर्मा जिसके 2 पुत्र थे, बंधु वर्मा और भीम वर्मा हुआ करते। बंधु वर्मा कुमारगुप्त प्रथम गुप्त नरेश का सामंत हुआ करता था और जिसकी दसपुर में जुलाहा सैनी को सूर्य मंदिर हेतु दान का उल्लेख भी आपको देखने को मिलेगा। एक उत्तरकालीन गुप्त राजा भानुगुप्त गुप्त साम्राज्य पर शासन करता था। यहाँ इन्हें भी आप लोग पॉइंटों को याद रख सकते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है।
तो इनमें आप देखेंगे कालिदास हो गया, वैताल भट्ट, वराह मिहिर, धनवंतरी, अमर सिंह, वर रुचि, घट करपर, छणवक, ठीक है, ओसो। तो ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। वकाटक वंश के प्रमुख राजाओं की अगर बात करते हैं तो प्रवरसेन प्रथम, चार अश्वमेघ यज्ञ किए थे इसने, प्रवरसेन द्वितीय, सेतुबंध काव्य की प्राकृतिक भाषा में रचना की थी, सर्वसेन प्रथम, इसने गाथा सप्त सती और हरि विजय की रचना की थी, ठीक है। महेश्वर की स्थापना महेशपंथी के नाम से हेयर राजा महेशमंत ने की थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। जब उसने हूणों को परास्त किया और इसी युद्ध में उसका सैनिक गोपीराज मारा गया और जिसकी विधवा की सती होने का जिक्र एरन के अभिलेख में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप लोग एक और बात कर लीजिए, हूण आक्रमण, ठीक है। तो मूलतः चीन की खूंखार जनजाति हूण का प्रमाणिक पहला आक्रमण स्कंद गुप्त के समय 459 ईस्वी में माना जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हूणों का पहला आक्रमण किसके समय हुआ था, तो स्कंद गुप्त के समय, ठीक है। स्कंद गुप्त ने इसे इतनी बुरी तरह परास्त किया कि 50 वर्षों तक वे भारत पर पुनः आक्रमण नहीं कर पाए और 5वीं सदी के अंत में तोरमण के नेतृत्व में पुनः हूण आक्रमण हुआ और मध्य प्रदेश में एरन सागर जिला का वराह मूर्ति अभिलेख तोरमाड़ की उपस्थिति दर्शाता है। यहाँ से उसकी महाराजाधिराज की उपाधि वाला तांबे का सिक्का भी मिला है और उसके पुत्र मेहरकुल के साम्राज्य में पश्चिमी मालवा शामिल था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार मेहरकुल ने मंदसौर में सूर मंदिर भी बनवाया था, किसने, मेहरकुल ने, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश के अन्य राजवंशों की बात करें हम लोग, तो इसमें आप देखेंगे वकाटक वंश विंध शक्ति द्वारा स्थापित वकाटक राज्य मूलतः मध्य प्रदेश के राजवंश था जो बाद में आप देखेंगे नर्मदा के दक्षिण में केंद्रित हो गया और विंध शक्ति का पुराणों में विदिशा का शासक बताया गया है। विंध शक्ति को एक तरह से आप कह सकते हैं पुराणों में विदिशा का शासक बताया गया है और उसके पुत्र प्रवरसेन ने अश्वमेघ यज्ञ किया और नागवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसके चार पुत्रों ने साम्राज्य बांट लिया और लेकिन इसकी कुल दो शाखाएं राज करती दिखाई देती हैं। इसमें आप देखेंगे नंदीवर्धन शाखा या इसे आप लोग पुरिक शाखा भी कहते हैं जो नागपुर के निकट स्थित था। इसका संस्थापक रुद्रसेन प्रथम था और इसके एक उत्तराधिकारी नरेंद्र सेन ने हूण आक्रमण का लाभ लेकर गुप्तों से मालवा छीन लिया था, ठीक है। दूसरी शाखा थी इसकी वत्स गुल्म शाखा। सर्वसेन ने इस वकाटक शाखा की स्थापना की थी और अंततः हरिसेन ने इन दोनों शाखाओं को पुनः एकीकृत कर लिया था। अगर ओलिकर वंश के बारे में भी क्वेश्चन अगर आए तो प्राचीन दसपुर जिसे आप लोग मंदसौर के नाम से जानते हैं में 4वीं मतलब 4वीं सदी ईस्वी में ओलिकर वंश की सत्ता स्थापित हुई। इसकी राजधानी हुआ करती थी दसपुर, ठीक है। जय वर्मन हो गया, सिंह वर्मन हो गया, नर वर्मन हो गया, इसके प्रारंभिक शासक थे, किसके, ओलिकर वंश के। और एक शासक बंधु वर्मन का प्रसिद्ध शिलालेख आपको मंदसौर में देखने को मिलेगा जिसके अनुसार बंधु वर्मन स्कंद गुप्त का सामंत बन गया था और इस अभिलेख में उसके द्वारा सूर मंदिर हेतु जुलाहा सैनी को दान देने का उल्लेख भी देखने को मिलेगा। यहीं से प्राप्त एक और शिलालेख में राजा यशो वर्मन का उल्लेख भी देखने को मिलेगा जिसमें भारत की दिग्विजय और ज्ञानेन्द्र नराधिपति राजाधिराज परमेश्वर आदि उपाधियाँ भी देखने को मिलेंगी। और यशो वर्मन संभवतः मौकरी वंश या ओलिकर वंश से संबंधित था और मालव संबत 589 में दसपुर पर यशो वर्मन और विष्णु वर्मन शासकों की अधिपत्य की जानकारी भी मंदसौर से प्राप्त दो अभिलेखों में आप लोगों को देखने को मिलेगी। मंदसौर शिलालेख में यशो वर्मन ने सुता को ज्ञानेन्द्र नराधिपति राजाधिराज परमेश्वर आदि उपाधियों से अलंकित भी किया था। तो याद रखिए यशो वर्मन की उपाधियाँ थी, ठीक है। अभिलेख में उसके ब्रह्मपुत्र से लेकर महेंद्र पर्वत तक तथा हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र के क्षेत्रों तक अधिकार को बताता है कि इसका अधिकार इन क्षेत्रों में रहा है। हूणों ने नरेश मेहरकुल को भी पराजित किया था। फिर आता है आपका आभीर वंश। दक्षिण के सातवाहन को सामंत रहे आभीरों ने ईश्वर सेन के नेतृत्व में अनूप प्रदेश यानी कि निवाड़ में राज्य स्थापित किया और इसका विस्तार मालवा तक
किया किंतु से घी मालवा व काटकों से छीन लिया था। एक इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि आभीर वंश का शासक किस क्षेत्र में रहा है मध्य प्रदेश के, तो याद रखिए अनूप देश, ठीक है, निवाड़ क्षेत्र में। फिर आप देखेंगे परिव्राजक वंश आता है जिसे आप लोग उत्कल वंश भी कहते हैं। पन्ना में स्थित परिव्राजक वंश की सत्ता पूरे बुंदेलखंड तक व्याप्त थी और इसका पहला राजा देवाध्य था। प्रभंजन, दामोदर और हस्तिन इसके उसके उत्तराधिकारी हुए, जिसने हस्तिन प्रतापी राजा था, यानी कि महान राजा कह सकते हैं आप लोग। खोय और मजगवा ताम्रपत्र हस्तिन से संबंधित हैं और इसकी राजधानी उच्चकल्प यानी कि सतना में वर्तमान ऊंचेरा हुआ करती थी। ठीक है, उच्चकल्प राज्य की अगर बात करें तो उच्चकल्प सतना में स्थित ऊंचेरा का प्राचीन नाम है और यहाँ महाराज की उपाधि धारण करने वाले ओगदेव और कुमार देव, जय स्वामी, ब्राग, जयनाथ, सर्वनाथ आदि प्रमुख राजा हुआ करते थे। संभवतः ये आपके उत्कल वंश के ही हुआ करते थे। ठीक है, फिर आप देखेंगे राजर्षि तुल कुल, इस वंश के 6 राजाओं ने दक्षिण कोसल में राज किया और इसकी जानकारी इस वंश के अंतिम राजा भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र जी रायपुर से होती है। और ये 6 राजा थे, इसमें आप देखेंगे सूरा हो गया, दायित प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। गुप्त संबंध के प्रयोग से यह पता चलता है कि यह वंश गुप्तों की अधीनता मानता था और आरंग ताम्रपत की तिथि 182 या फिर आप देखेंगे 282 गुप्त संबंध है। ठीक है, फिर आप देखेंगे नलवंश, ये आप देखेंगे 400 से 1100 ईस्वी के बीच रहता है। बस्तर कोसपुट क्षेत्र में स्थापित नलवंश का पहला राजा वराहराज था, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक आप देखेंगे भावदत्त वर्मा था। वराहराज की 29 स्वर्ण मुद्राएं इडेंगा कोंडा गांव तहसील से मिली है और भावदत्त वर्मा के बारे में जानकारी ऋषिपुर अमरावती ताम्रपत्र और प्रोण गण शिलालेख से मिलती है। और उसने वकाटकों से नागपुर छीन लिया था और भावदत्त के बाद अर्थपति राजा बना और जिसकी जानकारी आप देखेंगे केसरी बड़ ताम्रपत और पंडिया पत्थर लेख से मिलेगी आप लोगों को। अर्थपति अपनी राजधानी पुष्करी में वापस ले गया था और इसके समय वकाटकों ने नागपुर पुनः प्राप्त कर लिया था। किन्होंने? बकाटकों के शासक ने। ठीक है, इसके उत्तराधिकारी स्कंद वर्मा ने पुष्करी का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद आप देखेंगे विलास तुंग राजा हुआ जिसका एक अभिलेख आपको राजिम से मिला और विलास तुंग ने राजिम छत्तीसगढ़ में क्षेत्र, ठीक है, प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ये 700 से 740 ईस्वी की बात की जा रही है। कुलिया दुर्ग से प्राप्त मुद्राएं नंदन राज और स्तंभ नामक 2 नल राजाओं का उल्लेख करती है और 10वीं सदी के मध्य में एक नल राजा भी मसेन दिखाई देता है। और अंततः आप देखेंगे 800 वर्षों का नल राज 12वीं सदी की शुरुआत में समाप्त हो जाता है। फिर आप देखेंगे सरमपुरीय वंश, लगभग 5वीं सदी ईस्वी के अंत में दक्षिण कौशल में एक नए राजवंश की स्थापना हुई और भानुगुप्त के 13 स्तंभ लेख में गुप्त संबत 191 यानी कि अथवा 510 ईस्वी में सवर राज्य का उल्लेख मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और जो संभवतः सरमपुरीय देश का संस्थापक माना जाता है। आगे आप चलते हैं, सरम का उत्तराधिकारी नरेंद्र था। इसके 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। इसके पश्चात प्रसन्नमात नामक एक शक्तिशाली राजा हुआ। परवर्ती अभिलेखों में वंशावली इसी नरेश से प्रारंभ की गई है और इसने अपने नाम से प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की जो निडेला नदी के किनारे स्थित था और प्रसन्नपुर का तदात मल्हार से स्थापित होता। और प्रसन्नमात ने भारी मात्रा में स्वर्ण तथा रजत मुद्राएं भी प्रचलित की थी चलाई थी जिसमें आप देखें गरुड़, शंख तथा चक्र अंकित यानी कि मुद्राएं छपी हुआ करती थी। इसके पश्चात जय राज, मानमात, दुर्गराज, देव सुदेवराज, प्रवरराज आदि राजा हुए समय। ठीक है, प्रवरराज प्रथम अत्यंत महत्वाकांक्षी राजा था और अतः उसे श्रीपुर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। प्रवरराज द्वितीय इस वंश का अंतिम राजा हुआ और जिसके 2 ताम्रपत्र लेख आपको ठाकुर दिया
और मल्हार से प्राप्त होते हैं। इंदवल राज्य उसका सामंत था और इंदवल सुदेव राज की मृत्यु के पश्चात प्यवरसेन द्वितीय के काल में अवकर अवसर पाकर दक्षिण कोसल में उत्तर पूर्वी भाग में पर अधिपत्य स्थापित करके स्वयं राजा बन गया और श्रीपुर पांडुवंश की स्थापना की, श्रीपुर के पांडुवंश की स्थापना की। फिर आप देखेंगे वल्लवी का मैत्रक वंश, वल्लवी का मैत्रक वंश। तो छठी सदी के ईस्वी के मध्य में जब आप देखेंगे जब गुप्त शासकों की सत्ता पतन गामी हुई यानी कि पतन की ओर बढ़ी, तो इसके पूर्व मैत्रकों ने अपने अभिलेखों में गुप्त अधीनता का उल्लेख करना बंद कर दिया और इनसे स्वतंत्र होकर मैत्रक वंशी शासकों ने अपना साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। और चीनी यात्रा ह्वेन सिंह बताता है, चीनी यात्री था ह्वेन सिंह, ये क्या बताता है कि मैत्रक वंशी शासक महाराज शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य वल्लवी में राज्य कर रहा था उस समय, ठीक है। उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार पश्चिमी मालवा तक कर लिया था और इसी वंश का ध्रुव सेन द्वितीय बालादित्य हुआ जो चीनी यात्री का समकालीन था, ठीक है। और उसके पश्चिमी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का पता रतलाम जिले से प्राप्त ताम्रपत्रों से चलता है। मैत्रक का राजवंश आप देखेंगे 766 ईस्वी तक चलता रहा और 766 ईस्वी से 783 ईस्वी के बीच यह वंश समाप्त हो जाता है। फिर आप देखेंगे मैकल का पांडव वंश आता है जो आप देखेंगे भरतपान अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक तथा उसके आसपास के क्षेत्र कभी मैकल कहलाता था। मैकल के पांडव वंश की जानकारी राजा नांगवल के वसनी ताम्रलेख से मिलती है और इस अभिलेख में वंश का सर्वप्रथम राजा जयवल था और फिर उसका पुत्र वत्सराज था, फिर उसका पुत्र आप देखेंगे महाराज नांगवल हुआ और महाराज नांगवल की रानी इंद्रभट्टिका से महाराज भरतवल का जन्म होता है। और जयवल और वत्सराज संभवतः साधारण सामंत थे और समकालीन गुप्त वंश के अधीन थे। गुप्त वंश की शक्ति का ह्रास होने पर परिस्थिति का लाभ उठाकर वे भी स्वतंत्र बन बैठे और भरतवल इस वंश का अंतिम सम्राट हुआ, किसका, मैकल का पांडव वंश का, ठीक है। फिर आप देखेंगे वर्धन वंश, कौन से, वर्धन वंश, जिसे आप लोग पुष्य भूति वंश भी कह देते हैं। और हर्षवर्धन इसमें सबसे महान शासक हुआ हर्षवर्धन, इसका समय रहता है 606 से 643 ईसा पूर्व तक, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, ये आपको देखने को मिलेगा 647 के करीब, ठीक है। कुछ भाग उसके अधीन आया तब आया था जब वह अपनी बहन राजश्री को खोजने यहाँ आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन सिंह भारत भ्रमण पर आया था और हर्ष ने अपने राज्यकाल में गौंडों के अतिरिक्त चालुक्य वल्लवी तथा सिंध के शासकों के साथ युद्ध करना पड़ा और मध्य प्रदेश में बिंध का 8वीं क्षेत्र उसके राज्य के अंतर्गत था और उसके साम्राज्य के विभिन्न भागों में उसके द्वारा विचलित हर्ष संबत लंबे समय तक चला और खजुराहो से गुप्त एक मूर्ति पर हर्ष संबत यानी कि 218 की तिथि उत्कीर्ण मिलती है। यह प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था जो अपने शासनकाल के दौरान वर्धमान मध्य प्रदेश के प्राचीन प्रांतों यथा पूर्वी मालवा हो, पश्चिम मालवा हो, उज्जैन हो आदि प्रांतों पर शासक था। यमुना तथा नर्मदा के बीच का संपूर्ण पश्चिम भूभाग इसके साम्राज्य में शामिल हुआ करता था। पांडव राज्य की बात करें तो अमरकंटक अनूपपुर के आसपास मेकल श्रेणियों में पांडव वंश की स्थापना राजा जयबल ने की थी और भारत बल इस वंश का अंतिम राजा हुआ, किसका, पांडव राज्य का, ठीक है। फिर आप देखेंगे सैल वंश, महाकौशल क्षेत्र में स्थित सैल राज्य से संबंधित जानकारी राधौली बालाघाट ताम्रपत्र से होती है और इसका प्रथम राजा श्रीवर्धन और अंतिम राजा जयवर्धन हुआ, ठीक है। राधौली ताम्रपत्र जयवर्धन से ने उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है। राधौली ताम्रपत्र किसने उत्कीर्ण करवाया था, जयवर्धन ने, ठीक है, सैल वंश के। फिर आप देखेंगे राष्ट्रकूट वंश, मूलतः मानखेत महाराष्ट्र में स्थापित राष्ट्रकूट वंश की एक शाखा 9वीं सदी में बैतूल क्षेत्र में भी शासन कर रही थी और इसके राजा युवासुर सूर के ताम्रपत्र तेसरखेड़ी और मूलताई से मिले हैं। मानखेत के राजा गोविंद द्वितीय नांगभट्ट को परास्त कर उज्जैन में दरबार लगाया था। फिर आप देखेंगे आता है गुर्जर फितिहार वंश, इसके बारे में क्या जानकारी है, मूलतः जोधपुर मेड़ता राजस्थान में
हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा नागभट्ट प्रथम यानी कि इसका समय रहा है 730 से 756 ईस्वी के समय उज्जैनी में स्थापित हुई और इसने अरबों के आक्रमण को विफल किया। इसके एक उत्तराधिकारी वत्सराज ने राज्य विस्तार किया जिससे राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार की मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन एक तरह से साम्राज्य यानी कि वंश शामिल थे, तो इसमें राष्ट्रकूट भी था, पाल भी था और प्रतिहार इन तीनों के बीच हुआ था। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय ने अंततः कन्नौज पर अधिकार कर त्रिपक्षीय संघर्षों में प्रतिहारों को विजय बनाया, लेकिन राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने उसे शिकस्त दी और मेहभोज के समय प्रतिहार शक्ति का उत्थान हुआ और अरब यात्री सुलेमान ने मेहरभोज को उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा बताया। ग्वालियर और कहला अभिलेख मेहरभोज से संबंधित हैं और उसके एक उत्तराधिकारी महिपाल 915 ईस्वी के आसपास रहता है का जिक्र अरबी यात्री अल मसूदी ने भी किया है। और पृथ्वीहार राजा राजपाल को चंदेल नरेश गंड विद्याधर ने मारकर त्रिलोचन पाल को राजा बनाया और यशपाल के साथ ही पृथ्वीहार वंश का रामनाम सत्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर आप देखते हैं जिजाक भुक्ति, इससे भी आपके कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। जिजाक भुक्ति ये बुंदेलखंड के क्षेत्र का एक तरह से क्षेत्र है, चंदेल वंशेस यहाँ का। 9वीं सदी के प्रारंभ में बुंदेलखंड में स्थापित चंदेल राज्य का संस्थापक नन्नुक था। एक क्वेश्चन कई बार आपका पूछ लेता है कि चंदेल राज्य का संस्थापक कौन था, नन्नुक। इसकी राजधानी महोबा हुआ करती थी। चंदेलों को राजपूत के 36 राजवंशों में से एक माना जाता है। लेखों में इन्हें चंद्रातेय ऋषि का वंशज कहा जाता है जो आत्री के पुत्र हुआ करते थे चंदेल। ठीक है, वाक्यति नन्नोक पश्चात उसका पुत्र वाक्पति राजा बना और वाक्पति अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। अपना राज्य विंध्य पर्वत तक विस्तृत कर लिया था इसने। विंध्य पर्वत को उसका आनंद धाम कहा जाता था और वाक्पति का पुत्र जय शक्ति जिजाग या फिर जेजा हुआ जिसके नाम पर चंदेलों का प्रदेश जिजाग भुक्ति वर्तमान बुंदेलखंड कहलाया। जय शक्ति के पश्चात उसका भाई विजय शक्ति या फिर विजयक राजा बना जिसने आसपास के कुछ क्षेत्रों को जीतकर चंदेल साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। और उसके पश्चात आप देखेंगे उसका पुत्र राहिल गद्दी पर बैठा जिसने महुआ को जीत लिया था और राहिल के बाद उसका पुत्र हर्षदेव खजुराहो का शासक बना। ये 900 से 925 के समय की बात है। फिर आप देखेंगे हर्ष 900 से 925। इसके बाद आप देखेंगे इसका पुत्र यशोवर्मन गद्दी पर बैठा और जिसने कन्नौज के प्रतिहारों को समाप्त कर राष्ट्रकूटों से कलिंजर का दुर्ग जीता और मालवा के चेदी शासकों को अपने अधीन कर लिया। यशोवर्मन लक्ष्मण वर्मन ने ही खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो याद रखिए ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और ये छतरपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, खजुराहो इस मंदिर में उसके वैकुंठ का चतुर्भुज मूर्ति स्थापित करवाई और जिसे उसने प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त किया था। यह मूर्ति मूलतः तिब्बत के राजा कर्ण नरेश राही ने प्राप्त कर देवपाल के पिता को सौंपी थी। फिर आप देखते हैं इस समय इसका राजा हुआ राजा धंग, इसका नाम भी काफ़ी रहा है। यशोवर्मन का पुत्र और उत्तराधिकारी धंग चंदेल शासकों का सबसे महान शासक हुआ और उसने कुछ समय पश्चात अपने ही प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त घोषित कर दिया, उनके पूर्वी राज्य का अधिकार कर लिया और कलिंजर पर अपना अधिकार सुदृढ़ कर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद आप देखेंगे ग्वालियर पर अपना अधिकार किया और उसने पाल शासकों से बनारस को भी छीन लिया, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को। कोंतल कोसल आंध्र के शासकों से भी युद्ध किया इसने और उसने हिंदूशाही शासक जयपाल को सोवक्तगीन के विरुद्ध सहायता भी भेजी थी। धंग ने दलित कलाओं एवं विद्वानों को संरक्षण भी दिया और बुंदेलखंड खजुराहो में अनेक मंदिर भी धंग ने बनवाए थे। मध्य भारत के शासकों में धंग एक यशस्वी यानी कि महान शासक था। धंग ने 100 वर्ष से अधिक आयु होने पर स्वेच्छा से गंगा यमुना के संगम में समाधि लेकर प्राण त्याग दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि आज तो आप देखते हैं कि गद्दी छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, शासक ही कह सकते हैं नेताओं को आप लोग। ठीक है, और धंग ने ललित कलाओं और विद्वानों को संरक्षण भी दिया था। धंग एक विजेता के साथ उच्च कोटि का निर्माता भी था और उसके शासनकाल में निर्मित खजुराहो के विश्वविख्यात पार्श मंदिर और विश्वनाथ मंदिर स्थापत्य कला की अनुपम उदाहरण है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि खजुराहो के जो पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर है किसके समय बनवाए गए थे, तो याद रखिए राजा धंग है। ठीक है,
फिर आप देखते हैं राजा गंड, ये 1002 से 1700 माफ करिए 1002 से 1017 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। धंग का पुत्र हुआ गंड भी एक शासक था। इसने अपने पुत्र विद्याधर के द्वारा कन्नौज के भगोड़े पीतिहास शासक राज्यपाल महमूद राजस्वी के विरुद्ध वह भाग खड़ा हुआ का वध करवाया था। और गंड ने अपने शासनकाल के समय खजुराहो में जगदम्बी नामक वैष्णव मंदिर और चित्तगुप्त नामक सूर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगर पूछे आपसे कि वैष्णव मंदिर खजुराहो का वैष्णव मंदिर और चित्तगुप्त नामक सूर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा गंड ने, ठीक है। फिर आप देखेंगे विद्याधर, ये 1017 से 1029 के बीच रहा। यही एक ऐसा भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनबी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया और इसने मालवा परमार के शासक भोज व त्रिपुरी के कलचुरी शासक गंगे देव को भी हरा कर उसे अपने अधीन कर लिया था। विद्याधर ने न सिर्फ महमूद गजनबी से अपने राज्य की सुरक्षा की बल्कि इसने अभी तो उसके विरुद्ध हिंदू संघ को सहायता भी दी थी। और इस संघ से भाग आए पीतिहार राजा राज्यपाल की उसने हत्या भी की थी। कंदरिया महादेव खजुराहो मंदिर उसके काल में ही बना था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, ठीक है। महमूद गजनबी ने संधि उपरांत विद्याधर को मित्र बनाकर 15 के लिए इनाम में दिए थे। फिर आप देखेंगे कीर्ति वर्मन, इसका समय रहा 1060 से 1100। कृष्णामित्र द्वारा रचित प्रभेद चंदोदय नामक नाटक से ज्ञात होता है कि चंदे शक्ति का पुनरुद्धान किया और कीर्ति वर्मन ने सोने के सिक्के भी चलवाए थे। फिर आप देखेंगे मदन वर्मन, इसका समय रहा है 1129 से 1163, ठीक है। मदन वर्मन एक पराक्रमी शासक के रूप में बैठा। मालवा में विदिशा के समीप चंदोलों के पुनः अधिपत्य की पुष्टि विदिशा अभिलेख से होती है और इसमें यह अभिलेख है कि मदन वर्मन राहुल शर्मा नामक ब्राह्मण को 10 हल भूमि दान में दी थी। रीवा जिले के त्योंथर तहसील के पनवार गांव में मदन वर्मा द्वारा जारी चांदी के 48 सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर आप देखेंगे इसमें आता है परिमार्दी देव, ठीक है, और इसका समय रहता है 1165 से 1200 का समय ईस्वी का, ठीक है। मदन वर्मन का उत्तराधिकारी उसका पोता परिमार्दी देव हुआ। परमार्दी देव परिमल अंतिम स्वतंत्र चंदेल राजा था और जिसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने हराया और अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे मारकर चंदेल राज को और कलिंजर दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। आलाउदल परमार्दी देव के साले और योद्धा हुआ करते थे। ये भी कई बार पूछ लेता है, आलाउदल के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप लोग बुंदेलखंड के क्षेत्र से होंगे तो इनके बारे में काफ़ी पढ़ते होंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे तिलोक वर्मन, ये आपका 1203 से 1250 के बीच रहता है। अपने पिता परमार्दी देव का उत्तराधिकारी हुआ। उसने तुर्कों को पराजित कर कलिंजर को पुनः जीता, रीवा को जीता और डाहल मंडल यानी कि बघेलखंड के एक भाग पर अधिकार भी कर लिया था। तिलोक वर्मन का पुत्र वीर वर्मन इसका शासन रहता है 1250 से 1286 ईस्वी और इसका उत्तराधिकारी था। वीर वर्मन का उत्तराधिकारी भोग वर्मन था जिसे अजयगढ़ के समीप क्षेत्रों में राज किया। चंदेल वंश का अंतिम ज्ञात शासक हमीर वर्मन 1288 से 1330 था। आप लोगों से ये क्वेश्चन सामान्यतः पूछ लेगा, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था, हमीर वर्मन, ठीक है। फिर आप देखेंगे चरखारी शिलालेख में हमीर वर्मन को कलिंजराधिपति कहा गया है और अजयगढ़ के सती शिलालेख में उसे शासक बताया गया है और कीरत सिंह चंदेल वंश का अंतिम ज्ञात शासक था, ठीक है, कीरत सिंह। फिर आप देखेंगे परमार वंश आता है। वर्तमान पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा में इस वंश ने राज किया और ये पहले पीतिहारों के अधीन थे। बाद में आप देखेंगे राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने इन्हें सामंत नियुक्त किया और इस वंश का संस्थापक था उपेंद्र कृष्ण राज, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है परमार वंश का संस्थापक कौन था, उपेंद्र कृष्ण राज, जिसकी राजधानी धारा हुआ करती थी। धार पहला स्वतंत्र इसमें शासक हुआ सिमुख श्रीहर्ष, ठीक है। फिर आप देखेंगे वाकपति मुंज, आरंभिक शासकों में मुंज अधिक शक्तिशाली था और इसने चालुक नरेश तेलफ द्वितीय को कई बार परास्त किया और उसके दरबार में परिमल पदम गुप्त
नव सहाय सांकचरित धनिक यशो रूपावलोक धनंजय हलायुद्ध अधिधानर रत्नमाला और अमित गति जैसे विद्वान रहते थे इसके, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसके शासन काल में। फिर आप देखेंगे सिंधु राज के बारे में भी आप लोग पढ़ते हैं, परिमल गुप्त ने मुंज के पुत्र सिंधु राज के ऊपर नव सहाय सांक चरित लिखी थी और यह सिंधु राज की उपाधि थी और परिमल इसका भी दरबारी रहा है। और अन्य उपाधियों की बात करें तो श्री वल्लभ हो गया, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष, इसकी उपाधियां हुआ करती थी। राजा भोज, इनके बारे में तो आप लोग काफ़ी पढ़ते हैं ना। राजा भोज की बात करें तो इनका समय रहा है 1010 से 1060। सिंधु राज का पुत्र भोज वंश का योग्य एवं पिताभी शासक था और उसने आरंभ में चदी, कलचुरी, गुजरात, लाट, कर्नाट आदि राजाओं को परास्त किया, किंतु बाद में आप देखेंगे सोलंकियों और कलचुरियों ने सम्मिलित आक्रमण कर उसकी नवनिर्मित राजधानी धारापुर में उज्जैनी थी जिसे धारा भोज लाया को लूटा काफी। भोज ने आरा के पास भोजपुर नामक नगर बसाया। भोज ने हिंदू शाही शासक आनंदपाल को महमूद गजनबी के विरुद्ध सहायता भी दी थी, उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को अपने यहाँ शरण भी दी थी। 1043 की बात है, ठीक है। उसने अन्य राजपूत शासकों के साथ मिलकर हासी, थानेसुर, नगरकोट आदि स्थानों को मुसलमानों से छीनने में सफलता भी पाई थी। वह स्वयं एक विद्वान भी था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था और उसने सम रांगण सूत, शिल्प शास्त्र, आयुर्वेद, सर्वस्व, श्रृंगार मंजरी, काव्य नाटक था, युक्ति, कल्प तरु, विधि ग्रंथ, तत्व प्रकाश, शैव ग्रंथ, श्रृंगार शतक, शब्दानुशासन, पतंजल योग और सूत वृत्ति योग शास्त्र एक तरह से लिखे हैं, इनकी रचनाएं की हैं, ठीक है। निर्माण कार्यों की बात करें तो भोजताल, भोपाल धारा, धारा की सरस्वती मंदिर में संस्कृत विद्यालय और मंदिर के समीप विजय स्तंभ, आप लोग देखते होंगे, मध्य प्रदेश से होंगे आप लोग तो भोपाल के बारे में आप लोग सुनते होंगे, तो इसी के द्वारा बसाया गया था, ठीक है, भोजताल। फिर आप देखेंगे कलचुरी वंश, इसका समय रहता है 550 से 1740 ईस्वी में तक, ठीक है। पहले महेशमती महेश्वर में स्थापित कलचुरियों ने अधिकांश समय त्रिपुरी जबलपुर में शासन किया और कृष्णराज महेशमती का पहला ज्ञात शासक है और इसके बाद शंकरगण एवं बुद्ध राज हुए। बुद्ध राज को चालुक्य राजा मंगलेश ने मार भगाया और कलचुरी त्रिपुरी में आ बसे, ठीक है। त्रिपुरी तेवर जबलपुर में कलचुरी वंश का संस्थापक आपको देखने को मिलेगा वामराज देव था और इसके राज्य को चेदी राज्य कहा गया, लेकिन कुक्कल पिथम के समय ही कलचुरी शक्ति का उत्थान हुआ और बाद में एक शासक गंगे देव ने अनेक युद्धों में भाग लिया, उसके पुत्र लक्ष्मीकरण ने भी यही किया और उसने गुजरात के चालुक्यों के साथ मिलकर परमार राजा भोज को मार गिराया और इसके बाद आप देखेंगे कलचुरी शक्ति का पतन शुरू होता है। इस राज्य पर मुस्लिम शासक स्थापित हो गया, कलचुरी शासन प्रजाहित कारी था और सैन्य व्यवस्था की बात करें तो राजा ही इस समय सर्वोच्च हुआ करता था। विदेश विभाग की बात करें तो विदेश विभाग का नाम इस समय संधि विग्रहाधिकरण हुआ करता था और संधि संयुक्त विग्रह युद्ध इस विभाग के प्रमुख कार्य थे और इसके मुख्य अधिकारी को महासंधि विग्रह कहा जाता था, ठीक है। पुलिस विभाग की बात करें तो आप समझ सकते हैं इस समय भी पुलिस व्यवस्था हुआ करती होगी, ठीक है, इनसे तो यही मालूम चल रहा है। तो पुलिस विभाग में दंड फासिक या फिर दंड नायक के नेतृत्व में पुलिस विभाग था। राज्य का प्रशासनिक विभाजन इस प्रकार था, इसमें 7 जनपद सात देशों, जिनमें जनपदों में आप देखेंगे मध्य प्रदेश, वढ़हर, भट्टविल, विरमरवद, काकरण, काकरय, तमनाल, विट्टरादेश का और मंडलों का उल्लेख कलचुरी अभिलेखों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अधिकारियों की बात करें तो इसमें अमात्य एवं विभिन्न विभागों के अध्यक्ष शामिल हैं और महाध्यक्ष नामक अधिकारी सचिवालय का मुख्य अधिकारी होता था और महासेनापति अथवा सेनाध्यक्ष सैन्य प्रशासन की व दंड पासिक अथवा दंड नायक आरक्षी पुलिस विभाग की प्रमुख थी और महाभांडागारिक महाकोटपाल दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला होता था, ठीक है। और अमात
अधिकारी हुआ करता था, शक्तिशाली थे। मंत्री परिषद की बात करें तो राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद थी, यद्यपि राजा का निर्णय अंतिम होता था। एक तरह से आप कह सकते हैं जिस समय आप लोग मंत्रिमंडल देखते हैं ना आजकल, उसी तरह का। राजस्व व्यवस्था की बात करें तो राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी महा प्रमात हुआ करता था। कर की बात करें तो नमक कर हो गया, खान कर, लोहे खनिज आदि पर, वन चारागह, बाग बगीचा, आम महुए आदि पर लगने वाली कर राजकीय आय के स्रोत थे। और मंडी में सब्जी बेचने के लिए योगा नमक परवाना परमिट लेना पड़ता था। स्थानीय शासन की बात करें हम लोग तो गांव नगरों में जनता द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यीय पंचकुल नामक परिषद स्थानीय शासन व्यवस्था संभालती थी और इन्हें काफ़ी अधिकार थे और इसके सदस्य महत्तर कहलाते थे और नगर के प्रमुख अधिकारी को पूर्व प्रधान कहते थे, यानी कि पुरागा प्रधान एक तरह से। ग्राम को ग्राम कूट या फिर ग्राम भौगिक कर वसूल करने वाले को सौलकिक और जुर्माना वसूल करने वाले को दंड फांसी कहा जाता था। कलचुरी संबंध की बात करें तो आभीर रानी ईश्वरसेन द्वारा 248 से लेकर 250 सी यानी कि एडी में पिछलित इस संबंध का प्रयोग कलचुरियों ने बहुतायात में किया है। फिर आप देखेंगे गुहिल वंश 1000 से 1050, जीरण मंदसौर में अबलीग से मंदसौर में गुहिल वंश के शासन की पुष्टि होती है। दिग्रहपाल इसका पहला ज्ञात शासक था। ठीक है, देवगिरी के यादवों के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य देवगिरी औरंगाबाद जिले में स्थित आधुनिक दौलताबाद के यादव शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर विदर्भ के अधिकांश भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और देवगिरी के यादव वंश के महान 3 शासकों विल्लम जेतुगी तथा सिंघन से ने मालवा पर आक्रमण कर तत्कालीन परमार शासकों को पराजित किया और बालाघाट अभिलेख के अनुसार सिंघन का साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। यादव वंश के चतुर्थ शासक कृष्ण तथा पंचम शासक महादेव के समय में भी मालवा पर आक्रमण किया गया और रामचंद्र राय के शासनकाल में यादव साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ और यह उसे और अलाउद्दीन का समकालीन था और उसे और उसके पुत्र सिंघम को अलाउद्दीन ने हराकर मालवा पर अपना प्रभाव भी जमाया। फिर आप देखेंगे कच्छाव घाट वंश। अभिलेखों में कच्छाव घाट राजवंश की 3 शाखाओं का पता चलता है जो ग्वालियर, दो कुंड और नरवर में राज करती थी। अगर ग्वालियर शाखा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ग्वालियर की सास बहु मंदिर में 2 बिस्तरों पर उत्कीर्ण तथा ग्वालियर से प्राप्त इसे खंडित अभिलेखों में इस वंश की वंशावली तथा उपलब्धियों का वर्णन मिलता है और इस वंश के प्रथम नरेश लक्ष्मण के उत्तराधिकारी वज्र दामन ने कन्नौज नरेश को पराजित कर ग्वालियर में अपना राज्य स्थापित किया था। वज्र दामन का उत्तराधिकारी मंगलराज तथा उसका उत्तराधिकारी कीर्तिराज राजा हुआ और सन 1121 में ग्वालियर पर गजनी के महमूद का आक्रमण हुआ जिसमें ग्वालियर नरेश ने आत्मसमर्पण कर दिया यानी कि अपनी हार मान ली। कीर्ति राजा के पश्चात आप देखें कि क्रमशः इसमें मूलदेव हो गया, महीपाल हो गया, भवनपाल हो गया, मधुसूदन हुए, अंतिम नरेश मधुसूदन के बाद इस वंश का के इतिहास के का कुछ भी पता नहीं है, एक तरह से डूब गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे दो कुंड शाखा। ग्वालियर में 76 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित दो कुंड प्राचीन चंडोब में दो कुंड शाखा राज्य करती थी। दो कुंड अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस वंश में अर्जुन, उसका पुत्र अभिमन्यु का पुत्र विजयपाल तथा विजयपाल का पुत्र विक्रम सिंह हुआ करते थे। ठीक है, फिर आप देखेंगे नरवर शाखे की बात करें अगर हम लोग तो इसमें आप देखेंगे कि कच्छप घाट राजवंश की नरवर शाखा प्राचीन नलपुर में राज करती थी। नरवर से प्राप्त ताम्रपाषाण में गगन सिंह शरद सिंह वीर सिंह नरेश राज्य के करने का पता चलता है। फिर तोमर वंश के बारे में भी आप लोग पढ़ते होंगे। मुस्लिम सत्ता के डवाडोल होने पर वीर सिंह देव ने ग्वालियर में तोमर राजवंश की नींव डाली थी और इसके एक राजा डोंगर रेंद सिंह ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था और इसी का वंशज मानसिंह मिंगनैनी से प्रेम के कारण काफ़ी चर्चित रहा है। मानसिंह तोमर मानसिंह, ठीक है।
और इसे लोधी शासकों ने से निरंतर शासन संघर्ष करना पड़ा। इसके पुत्र विक्रमादित्य ने इब्राहिम लोधी की तरफ से पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था और विक्रमादित्य से ही इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर का किला छीना था। विक्रमादित्य एक तरह से शासक हुआ करता था, उसी समय ग्वालियर को इब्राहिम लोधी ने छीना था। यहाँ आप लोग पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं आराम से। इनका क्षेत्र देखिए, इनसे क्वेश्चन आपका पूछ लेगा। मध्य प्रदेश के राजवंश उनके क्षेत्र। कारोस वंश किस क्षेत्र से संबंधित है? बघेलखंड। चंदेल वंश, चंद वंश या एल साम्राज्य, ये बघेलखंड से बुंदेलखंड तक इनका क्षेत्र था। यादव वंश चंबल बैतवा के नदियों का मध्य भूभाग हुआ करता था इनके शासन में। सुंग वंश की बात करें तो विदिशा बेसनगर, काम मरहक वंश शकों का उपवंश हुआ करता था, उज्जैन के क्षेत्र में ये शासन करते थे। नागवंश विदिशा ग्वालियर के क्षेत्र में शासन करते थे। बौद्धि वंश तो ये आप देखेंगे जबलपुर त्रिपुरी या फिर तेवर में शासन किया करते थे। मग वंश या बघेलखंड में देख सकते हैं इनका क्षेत्र। आहिर वंश या आप अहिरवाड़ा विदिशा झांसी में के आसपास का क्षेत्र। वकाटक वंश ये आप देखेंगे विंध्य प्रदेश मालवा विदिशा के आसपास किया करते थे। औलीकर वंश की बात करें तो दसपुर मंदसौर के आसपास से इनका शासन हुआ करता था। मौखरी वंश की बात करें अगर हम लोग तो मालवा दसपुर मंदसौर के आसपास इनका राज हुआ करता था। परिव्राजक वंश बुंदेलखंड के आसपास इनका क्षेत्र हुआ करता था। उच्च कल्प राजवंश अंचहरा सतना के आसपास राज किया करते थे। सैल वंश महाकौशल के आसपास। पांडवंश मैकल प्रदेश अमरकंटक के आसपास। गुर्जर फितिहार वंश उज्जैन। गुट्टिल वंश ये मंदसौर के आसपास। चंदेल वंश बुंदेलखंड। कच्छप छाट वंश ए ग्वालियर। तोमर वंश ग्वालियर। परमार वंश मालवाधार। बुंदेला वंश राजवंश बुंदेलखंड। होलकर वंश मालवा इंदौर के आसपास। सिंधिया वंश गुना ग्वालियर। ग्वालियर नवाब वंश भोपाल के आसपास। ठीक है, इनका शासन हुआ करता था। इनसे क्या रहता है कि कई बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है, लेकिन इस बुक्स में आप लोग देख रहे होंगे कई जगह गलतियाँ छपी हुई हैं, तो आप लोग इतने तो समझदार हो गए हैं मुझे लगता है, तो आप लोग आराम से पढ़ पढ़ के निकल जाना। ठीक है, आप लोगों को तो पास करना है, कौन सा इतिहास का ज्ञाता बनना है आप लोगों को, और मुझे लगता है कि इतिहास में अगर हासिल ही करनी है आप लोगों को ज्ञाति तो आप लोग कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख अभिलेखों के बारे में भी आप लोग याद रख लीजिए, इनसे भी आपका क्वेश्चंस पूछ लेता है। दसपुर मंदसौर अभिलेख, विक्रम संवत 529 की बात है और वैसे आप लोग देखेंगे तो 473 ईस्वी की बात है। का यह लेख प्रशांत के रूप में है और जिसकी रचना संस्कृत विद्वान वत्स भट्टी ने की थी और इसमें यहाँ के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है जिसने सूर्य मंदिर का निर्माण हेतु तंतुवाय सैनी को दान दिया था। मंदसौर का नाम दसपुर भी है। ठीक है, आप समझ सकते हैं दसपुर मंदसौर मंदोसुर मंदोदरी, आप समझ रहे हैं रावण की एक तरह से बीवी का नाम था। ठीक है, उन्हीं से। सांची अभिलेख, यहाँ से प्राप्त लेख गुप्त संवत यानी कि 131 से लेकर 450 ईस्वी के आसपास मिलता है। इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का विवरण भी मिलता है। फिर आप देखेंगे उधर गिरी गुहालेख गुप्त संवत 106 से या फिर 6वें या फिर आप देखेंगे वैसे ईस्वी की बात करें तो 425 ईस्वी के जैन अभिलेख में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का विवरण मिलता है। फिर आप देखेंगे तुमैन अभिलेख, तुमैन अशोकनगर जिले में है और यहाँ से गुप्त वंश का 116 गुप्त संवत या वैसे आप देखेंगे 435 ईस्वी का उल्लेख मिलता है। इसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र जाति का शासन नर्मदा नदी के मुहाने के समीप मैकल में था। इस राज्य में मध्य प्रदेश के हिरण प्रदेश पूर्व मालवा पर भी कुमारगुप्त प्रथम का शासन स्थापित था। अभिलेख में प्रांतीय पदाधिकारियों की सूची में इसे एरन प्रदेश के शासक घटोत्कच गुप्त का नाम भी था। फिर आप देखेंगे सूफिया का लेख, ये रीवा जिले में आपको देखने को मिलेगा। इसमें गुप्त संवत 141 से लेकर 400 गुप्त संवत की बात करें तो 141 और अगर ईस्वी में बात करें तो 460 की तिथि लिखी हुई है। इसमें गुप्तों को वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है। फिर आप देखेंगे एरन,
ये आप देखेंगे तोरमांड का वहाय पितिमा एरन अभिलेख वा मेहरकुल का ग्वालियर अभिलेख हूणों की मौजूदगी दर्शाता है। भारत में हूणों का द्वितीय बार आक्रमण नरसिंह गुप्त बालादित्य बुद्ध गुप्त का छोटा भाई था कि शासनकाल में हुआ, जिसने हूण नरेश मेहरकुल को पराजित होना पड़ा और गुप्त नरेश द्वारा बंदी बनाकर माँ के कहने पर उसे मुक्त कर दिया था, यानी कि माँ की बात को भी मानता था। जीरन, 11वीं सदी के जीरन अभिलेख में मंदसौर के गुहिल शासकों का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछेगा कि जीरन अभिलेख किससे संबंधित थे, किन शासकों से, तो गुहिल शासकों से। फिर आप देखेंगे खोए या फिर उच्च हरा अभिलेख, इन अभिलेखों में सतना के आसपास के उच्च कल्प शासकों का उल्लेख मिलता है। फिर आप देखेंगे बल्ख के महाराजाओं का के अभिलेख, इंदौर बाग सिरपुर के अभिलेख में बल्ख के महाराजाओं का उल्लेख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतनी कहानी है आपकी, प्राचीन भारत हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब लोग बढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। तो सल्तनत के दिन मध्य प्रदेश का शासन क्या, कौन सा क्षेत्र आया, सबसे पहले हम लोग मध्यकालीन इतिहास में यही देखते हैं। ठीक है, भारत में मोहम्मद गौरी ने इस्लामिक राज्य की स्थापना की, लेकिन सल्तनत का प्रारंभ ऐबक कुतुबुद्दीन जो ऐबक था इसने इससे शुरुआत होती है इसकी, जो दास वंश का प्रारंभ करता रहा है, या फिर आप कह सकते हैं गुलाम वंश। ठीक है, गुलामों का वंश रहा है। ठीक है, ऐबक, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल की बात करें तो ये 1206 से लेकर 1210 तक रहता है। नहीं पहले गौरी के भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में और बाद में सल्तनत के पहले शासक के रूप में भारतीय राज्यों का को जीता। मध्य प्रदेश में भी गौरी और ऐबक ने हमले बोले। गौरी ने ग्वालियर के लोहंग देव संलक्षण को हराया और ऐबक ने अंतिम चंदेल राजा परिमल देव को हराकर कलिंजर जीता था। ये 1202 की घटना है। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे इल्तुतमिस आता है और ये 1200 से 1210 से लेकर 1236 तक रहता है। इसने मांडू ग्वालियर और मालवा की विजय की और तथा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। आप जानते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर और उज्जैन में काफ़ी चर्चित एक मंदिर है, आप समझ रहे हैं, और छिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, फिर आप देखेंगे खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, ये 1290 से लेकर 1296 में आया भारत में और इसका शासन रहा और इसने मांडू को लूटा था। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसने ग्वालियर में एक गुम्मद आकार का विश्राम गृह भी बनवाया था। एक खिलजी वंश का था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। फिर आप देखते हैं कि इसका भतीजा आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मानिकपुर के हाकिम रूप में उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटा। सुल्तान 1296 से 1216 बनने के बाद भी उसने कलिंजर हो, भीलसा हो, चंदेरी हो, धार हो, मांडू जैसे नगरों को लूटा और 1305 में उसने मालवा के शासक मलहक देव को अपने सेनापति एन उल मुल्क के माध्यम से हराया था। ठीक है, फिर आप देखते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक जो ग्यासुद्दीन तुगलक साहब थे, इन्होंने 1320 से लेकर 1325 के प्रांतपति ने दमोह में एक महल बनवाया था और जिनका उल्लेख बटियागढ़ शिलालेख से मिलता है। राजकुमार जूना खां मोहम्मद तुगलक ने इसी समय चंदेरी और मालवा पर पूर्ण अधिपत्य भी स्थापित किया था। मोहम्मद तुगलक की बात करें तो ये 1325 से 1351 तक रहता है और ने बाटियागढ़ में प्राणियों के लिए गौमठ, बावड़ी और बगीचा बनवाया। संस्कृत अभिलेख भी यहाँ इसने खुदवाया एक तरह से। फिर आप देखेंगे फिरोज तुगलक, इसका समय रहता है 1351 से 1389 तक का जिक्र दुलनीपुर सागर अभिलेख में मिलता है। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी 1506 से 1526 के समय मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, लेकिन उस पर प्रभाव प्रधानमंत्री मैदनी राय का था, जो राणा सागा के अधीन चंदेरी का शासक भी था। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि 14वीं से 16वीं सदी के बीच तोमर वंश के बारे में भी काफी चर्चा में सुनते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए कि तोमर राजपूत काल में भी स्थानीय शक्ति थी, बाद में उनका पतन हो गया। तोमर वंश का संस्थापक वीर सिंह देव था, तो ये भी आप लोग याद रखिए। इस समय जो तोमर वंश था इसका संस्थापक कौन था, वीर सिंह देव।
और इसने तैमूर आकमड़ लाभ लेकर अपनी सत्ता स्थापित की थी और वीर सिंह देव के उत्तराधिकारी क्रमशः उद्धर देव और विक्रम देव हुए। और विक्रम देव के राज्यकाल में 1402 में नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के सेनापति मल्लू इकबाल खान ने ग्वालियर पर आक्रमण कर किले की जीतने का असफल प्रयास किया था। उसने पुनः आक्रमण किया तथा विक्रम देव उनको धौलपुर के निकट पराजित किया। और 1416 ईस्वी में खिज्जी खान ने विक्रम देव से कर वसूल करने के लिए अपने वजीर मालिक ताज उल मुल्क को भेजा था। विक्रम देव का उत्तराधिकारी डूंगर रेंद्र सिंह 1424 में हुआ। ठीक है, उसके प्रारंभ में ही मालवा की शासक होसंग साय ने ग्वालियर किले की घेराबंदी की और होसंग साय ने पीछा छुड़ाने के लिए डूंगरेंद्र सिंह को जौनपुर के शासक मुबारक साय की सहायता लेनी पड़ी और उसे कर भी देना पड़ा। आप देखेंगे 1438 में डूंगरेंद्र सिंह ने नरवर की गढ़ को घेर लिया जो कुछ समय मालवा सुल्तान के अधीन था। यद्यपि डूंगरेंद्र सिंह असफल रहा परंतु बाद में नरवर तोमरों के अधीन हो गया। डूंगरेंद्र सिंह का उत्तराधिकारी कीर्ति सिंह हुआ और इसने अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कभी जौनपुर तो कभी दिल्ली के मुस्लिम शासकों को मित्र बनाना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि इसी दौरान आप देखिए, आप समझिए मध्यकालीन भारत में ही आप लोग देखिए कि कई ऐसे शासक भारत के देखने को मिलेंगे जो एक तरह से इन मुस्लिमों के गुलाम बन जाते थे, अपना राज्य बचाने के लिए अपने पड़ोसियों के राज्य को बलिदान चढ़ा देते थे, समझ रहे हैं आप लोग। और कई लोग अपने दुश्मन मतलब भारत के दुश्मनों की मदद भी करते थे हमारे यहाँ के शासक। ठीक है, आज भी आप लोग देखते रहते हैं इसी तरह के लोग होते हैं जो कभी पाकिस्तान की खुफिया विभाग को जानकारी देते हैं, कभी किसी और देश की मदद करते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे मुगलों के अधीन अगर मध्य प्रदेश की हम लोग बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि मुगल संस्थापक बाबर था और इसने क्या किया कि चंदेरी के राजा मेदिनी राय को 1528 में हराया था। ठीक है, हरकर उसकी पुत्री का विवाह हुमायूं और कामरान के साथ कर दिया था और बाबर का पुत्र था, याद रखिए हुमायूं। ठीक है, कलिंजर का दृढ़ दुर्ग मुगलों के अधिपत्य में आ गया और इसके पूर्व राणा सागर को खानवा युद्ध 1527 में इसने परास्त कर उसने मालवा पर भी नियंत्रण कर लिया था। किसने? बाबर ने। तो दो युद्ध आप लोगों को याद रखना होगा, चंदेरी का युद्ध बाबर और राजा मेदिनी राय के बीच हुआ था, ये 1528 की बात है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि इसमें खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये भी बाबर और राणा सागर के बीच हुआ था। ठीक है, दोनों में बाबर विजयी हुआ था। फिर आप देखते हैं शेरशाह सूरी आता है, इसका समय रहता है 1540 से 1545, यानी कि 5 साल का समय रहता है, लेकिन बहुत कुछ कर जाता है इन 5 सालों में। हुमायूं को परास्त कर सूरवंश की स्थापना की और इसने मालवा रायसेन ग्वालियर को अपने अधीन कर लिया था और रायसेन में पूरनमल को सांझा देकर मारा गया जो शहनशाह का पर एक कलंक माना जाता है। कलिंजर दुर्ग के घेरे के समय यज्ञपी से ऐसा अंतिम दिन है विजय हुआ लेकिन विस्फोट में मारा गया। कहा जाता है कि कलिंजर का जो किला था उससे कोई गोला टकरा के आया और वो फट गया और एक तरह से शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर आता है अकबर। वैसे तो आप देखते हैं कि सत्ता में रहता है 1555 से 1606 तक, के समय मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण किया गया और उसकी राजधानी मांडू ऐश्वर्य के साथ रानी रोमती और बाज बहादुर की प्रेरणा स्थल के रूप में भी विख्यात हो गई थी। बाज बहादुर परास्त होता है यानी कि हार जाता है, रोमती ने आत्मदाह किया गया और बाज बहादुर को अकबर ने अपने नवरत्नों में स्थान दिया। क्योंकि आप समझिए, पहले आप समझिए कि इस तरह की रानियां हुआ करती थी कि दूसरे राजाओं के गुलाम बनने से पसंद नहीं करती थी, वो खुद अपनी आत्महत्या कर लेती हैं, आग में खून जाती थी। ठीक है, क्योंकि आप समझिए कि अकबर की पटरानी बन के रहना पड़ता या गुलाम बन के रहना पड़ता वो इन्हें मंजूर नहीं था। ठीक है, अकबर के समय की महत्वपूर्ण विजय की बात करें तो गौड़वाना जो वर्तमान में आप देखेंगे मंडला और आपको देखने को मिलेगा जबलपुर तक व्याप्त गौड़वाना राज्य की कीर्ति रानी दुर्गावती के समय चरण पर थी। ठीक है, और अकबर की सेनापति आसफ खान ने हमला बोला और दुर्गावती ने परास्त होने के पश्चात कटार घोंपकर आत्महत्या की है। यानी कि आप समझिए दुर्गावती जो यहाँ की रानी थी, इन्हें लगा कि मैं हार रही हूँ
तो इन्होंने दूसरे के हाथों मरने से अच्छा है कि अपने हाथों से मरना पसंद किया। इन्होंने अपनी जो कटार थी इसे घोप कर आत्महत्या कर ली। दुर्गावती की समाधि बरेला में बनी हुई है, ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो दुर्गावती की समाधि कहाँ बनी हुई है? बरेला में। ठीक है, याद रहे कि गढ़ कटंगा गढ़ मंडला की इस राज्य की स्थापना यादव राव राय ने खिलजी पतन के समय की थी और इसकी इसका उद्धार संग्राम साहेब में के अधीन हुआ था, जिसने 52 गढ़ों तक राज्य विस्तार किया था और उसने स्वर्ण रजत मुद्राएं भी चलाई थी। उसके पुत्र दलपत राज साय का विवाह रानी दुर्गावती से हुआ था जो चंदेल राजकुमारी थी। कौन? रानी दुर्गावती। दलपत साय की मृत्यु 1541 में हो जाती है। उसके बाद रानी दुर्गावती अल्पायु पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर शासन संभाल रही थी। अकबर ने विजय के उपरांत गौड़वाना गौड़वंश के ही चंद साय को अपनी अधीनता में सौंप दिया था। ठीक है, एक तरह से कह दिया कि जाइए आप लोग इस पर राज कीजिए किसी को। ठीक है, आगे है आपका उज्जैन के समीप धर्मत का युद्ध। याद रखिए 1658 में होता है। औरंगजेब ने शाहजहां दारा को पराजित कर बादशाहत प्राप्त की थी, यानी कि बादशाही प्राप्त की थी, यानी कि सम्राट बन गए थे। ठीक है, खानदेश वर्तमान निवाड़ दक्षिण मालवा में विस्थित दक्षिण में प्रवेश द्वार था और यहाँ फारूकी वंश दाऊद मीर बहादुर ने शासन किया। अकबर की अंतिम विजय खानदेश मानी जाती है 1600 में। ठीक है, दाऊद खानदेश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें कि बुंदेलखंड और मुगल के संबंध की बात करें तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि बुंदेला से रक्त सिंह सम्राट ने बुंदेलखंड छीना और खंबार वंश की स्थापना की थी। उन्होंने गढ़कुडर उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई थी गढ़कुडार, और इस समय बुंदेलखंड के क्षेत्र का नाम जूझोटी हुआ करता था। बुंदेला वंश के नाम पर इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा। ठीक है, बुंदेला शासक सोहन पान ने खंगारों की शक्ति का दमन कर बुंदेला राज की नींव रखी थी और इनकी राजधानी ओरछा, आप लोग भी जानते हैं कि ओरछा एक अच्छा दर्शनीय स्थल है, राजा सरकार का वहाँ मंदिर है। आप देख लोग देखते होंगे हरदौल की मनोती मांगी जाती है वहाँ। आप लोगों को मालूम होगा कि वहाँ शादी से पहले हरदौल के मंदिर में कार्ड भेजना अनिवार्य होता है, एक तरह से आप समझ रहे हैं। और बेतवा नदी भी वहीं से बहती है आज, और आप समझिए नया जो जिला बना हुआ है निवाड़ी उसके अंतर्गत अब आता है। पहले टीकमगढ़ में आता था, लेकिन आप सभी लोगों को मालूम है कि निवाड़ी जब से जिला बना हुआ है तो आपका उसमें पहुंच चुका है। ठीक है, जब रामचंद्र शासक बना तब मुगलों का ध्यान बुंदेलखंड तरफ गया और उसके छोटे भाई वीर सिंह देव का दोस्ताना संबंध मुगल राजकुमार सलीम यानी कि अकबर पुत्र जहांगीर से हुआ करता था। सलीम के कहने पर वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। सलीम जब जहांगीर के नाम से मुगल सम्राट बना तो उसने वीर सिंह देव को ओरछा नरेश बनाया। इसके बाद आप देखेंगे जुझार सिंह ओरछा नरेश हुआ और जिसने शाहजहां के समय विद्रोह किया था, और आप लोग इसीलिए देखते हैं कि जहांगीर महल भी आप लोगों को ओरछा में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे चंपत राय का विद्रोह। तो औरंगजेब की नीति से असंतुष्ट चंपत राय ने विद्रोह किया। औरंगजेब की सेना से धीरे चंपत राय ने आत्महत्या कर ली, यानी कि घिरे होने के कारण एक तरह से आत्महत्या कर ली। 1661 की बात है। छत्रसाल का विद्रोह और स्वतंत्रता बुंदेला राज्य की स्थापना। ठीक है, ये आपका 1661 से 1707 के बीच होता है। चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह जारी किया, और आप सुनते हैं छत्रसाल के काफ़ी एक तरह से योद्धा रहे हैं। 1675 में पन्ना जीत कर उसे राजधानी बनाया था इन्होंने, और छत्रसाल ने मराठों से संधि भी की थी। अंततः औरंगजेब ने 1707 में छत्रसाल की संधि को की ओर उसे राजा की उपाधि दी थी, और इस प्रकार छत्रसाल स्वतंत्र शासक बना और बाद में उसने ओरछा को राजधानी बनाया था। ठीक है, फिर आप देखेंगे बघेलखंड बघेल वंश और मुगल संबंध की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोग देखने को मिलेगा कि बघेल राज्य का क्षेत्र का नाम भत्ता था जो वर्तमान में रीवा क्षेत्र है। ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र में बघेल राजपूतों ने अपनी सत्ता उस समय स्थापित की जब अलाउद्दीन खिलजी ने के गुजरात आक्रमण के समय करण बघेल के साथ कुछ राजपूत कलिंजर क्षेत्र भागकर आए थे। ठीक है, यहाँ पर प्रथम सोलंकी राजा ब्राग्यदेव जो गुजरात था, और बघेलखंड के शासक के कारण ही क्षेत्र का नाम बघेलखंड
पड़ा। और इस राज्य के एक शासक वीर सिंह देव की मित्रता सिकंदर लोदी से थी और इसके पुत्र वीरभान ने हुमायूं की चौसा पराजय के बाद के युद्ध में एक तरह से सहायता भी की थी पराजय के बाद। ठीक है, राजा रामचंद्र के समय भत्ता राज के दरबार में तानसेन, तोमर आप समझते हैं, तानसेन रहता था। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि तानसेन का असली नाम, मूल नाम क्या था, तो याद रखिए तन्ना मिस या फिर रामतनु पांडे। ठीक है, अकबर के दूत जलाल खान ने तानसेन को रामचंद से लेकर अकबर के दरबार में पहुंचाया था। ठीक है, तो रामचंद से लेकर अकबर के दरबार में, इसके अधीन कलंजा दुर्ग की भी था जो 1589 में मुगलों ने ले लिया था। भत्ता राज्य विंध्य प्रदेश के अंतिम शासक मार्तंड सिंह थे जिन्होंने इसका विलय 1947 में भारतीय संघ में किया। और मार्तंड सिंह रीवा से सांसद भी चुने गए थे। रीवा के जंगलों से सफ़ेद शेर पकड़ने का पहला श्रेय मार्तंड सिंह को ही दिया जाता है, तो इनका भी याद रखिए नाम। तो यहाँ तक आपका होता है, देखिए मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो भी मध्यकालीन भारत का इतिहास रहा है उन्हें हम लोगों ने देख लिया है। अब चलते हैं हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में, यानी कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आधुनिक इतिहास को देखते हैं। ठीक है, 1732 ईस्वी तक मध्य प्रदेश में निम्न 5 मराठा राज्यों की नींव पड़ चुकी थी। इंदौर में आप देखेंगे होलकर राजवंश, धार में आप देखेंगे आनंद राव पवार वंश, देवास बड़ी पांति में देखेंगे तुकोजी राव पवार वंश, और देवास छोटी पांति में देखेंगे आप लोग जीबाजी राव वंश, और ग्वालियर में आप देखेंगे सिंधिया वंश। ये भी कई बार आपसे पूछ लेता है, इन वंशों को भी आप लोग याद रखिए और इनके क्षेत्र को भी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होलकर वंश के बारे में। मुगलों के पतन के बाद मालवा पर होलकर वंश का राज स्थापित हुआ। वस्तुतः होलकरों को मालवा मराठा साम्राज्य के 5 सरदारों में विभाजनीकरण स्वरूप मिला था। आप देखेंगे 1727 में मल्हार राव होलकर को मालवा के 5 महलों की सनद पेशवा से मिली थी और राज्य के इस भाग में मराठा राज्य शुरू हुआ था। 1729 में धार देवास के पवार राज्य को भी सनद मिली थी, लेकिन 1730 में होलकर के क्षेत्र का सर्वोच्च शासक स्वीकारा गया और 1731 में सिंधिया को ग्वालियर क्षेत्र का शासक भी स्वीकार किया गया है। ये सिंधिया वही खानदान है जो आप समझते हैं रानी लक्ष्मीबाई की हत्या का आरोप इन पर है। ठीक है, पेशवा बाजीराव ने 1732 में मालवा सूबा होलकर सिंधिया और पवार के बीच विभक्त कर दिया गया था। और आप लोग कोई स्पेशल वो बुक्स अगर इतिहास की पढ़ते होंगे तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि सिंधिया गद्दार था, ठीक है, देशद्रोही था। और याद रखिए इतिहास तब तक चलता रहेगा ये शब्द जब तक हमारा इतिहास रहेगा, और आप सभी जानते हैं कि इतिहास तब तक रहेगा जब तक हम लोग रहेंगे। तो एक बात आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि आप लोग 10 साल जीते हैं, 50 साल जीते हैं या 200 साल जीते हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप उस समय जितना भी जीते हैं उस समय आपके कर्म क्या रहते हैं वो जब हमेशा याद रखे जाते हैं, और उसी हिसाब से आने वाले दिनों में आपकी सम्मान आपको दिया जाता है। ठीक है, आज आप देखिए सिंधिया को कितना सम्मान दिया जाता है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को आप लोग देखिए, सब लोग पूछते हैं हम लोग। ठीक है, तो याद ही रखिए। आगे है आपका 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में हारकर लौटी मल्हार राव होलकर की मालवा में स्थिति अधिक सुदृढ़ हुई और 1766 को उसकी मृत्यु जिला भिंड के बाद माले राव होलकर राजा बना। इनकी मृत्यु एक तरह से भिंड में हो चुकी थी, इनके बाद माले राव होलकर राजा बने, लेकिन एक वर्ष बाद ही वो भी चल बसे। ठीक है, तब उसकी माता अहिल्याबाई ने स्वयं शासन 1767 में संभाला और 1797 तक अपने 30 वर्षीय शासनकाल में इतने लोपकारी कार्य किए कि जनता के मध्य वह लोकप्रिय हो गई। उन्हें तुकोजी होलकर नामक सेनापति ने शासन कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। माता ने राज्य भर में कुएं, बावड़ियां, प्याऊ धर्मशालाएं आदि अधिक संख्या में बनवाई। अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की माता अहिल्यादेवी भगवान शंकर की उपासिका थीं और धार्मिक रूप से अत्यंत सहिष्णु भी थीं, और उनके दरबार में सबको न्याय मिलता था। और कहते हैं कि उन्होंने अपने एक प्रिय पुत्र को न्याय के लिए हाथी के पैरों
तले कुचलने देने का निर्णय किया था। आप समझिए, ऐसा शासक मुश्किल में मिलते हैं। आजकल तो आप देखते हैं कि नेताओं के बच्चे अगर बलात्कारी भी निकल आते हैं तब भी नेता अपने बच्चे की अपने लड़कों का ही एक तरह से सपोर्ट करते हैं। और 1797 में माता अहिल्याबाई ने अंतिम सांस ली, यानी कि इनकी डेथ हो जाती है। अहिल्याबाई की मृत्यु के पश्चात तुकोजी राव होलकर ने प्रशासन का एक तरह से कार्य संभाला, किंतु 15 अगस्त 1797 को उनकी भी डेथ हो जाती है, यानी कि वो भी उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात आप देखेंगे काशी राव, यशवंत राव प्रथम, तुलसाबाई, तीनों ने मल्हार राव होलकर के नाम पर शासन किया और अंतिम राजा तुकोजी द्वितीय के समय इस राज्य का विलय मध्य भारत में हो जाता है। होलकर वंश तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने 1857 के गदर में क्रांतिकारियों का गुप्त समर्थन भी किया था, तो अच्छी बात भी है। ठीक है, यहाँ पॉइंट हैं, कुछ नहीं भी आप लोग देख लीजिए, इनसे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकता है। देवी अहिल्याबाई का शासनकाल की अगर आपसे पूछे तो ये 1767 से 1797 तक रहा है। देवी अहिल्याबाई द्वारा राजधानी महेश्वर राजवाड़ा के अतिरिक्त दूसरी बनाई गई थी, ठीक है। और 1770 में अहिल्याबाई ने इंदौर की स्थापना की थी और राजधानी महेश्वर से इंदौर पुनः स्थानांतरित हुई 3 नवंबर 1818 को, ठीक है। गदर 1857 को समर्थन देने वाले होलकर राजा थे तुकोजी राव द्वितीय। होलकर अंतिम मराठा शक्ति थे जो ब्रिटिश सत्ता से परास्त हुए थे। बैली जली के समय आप देखेंगे 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई थी होलकर के बीच, ठीक है। इसमें यशवंत राव होलकर को चंबल का उत्तरी भाग एवं बुंदेलखंड छोड़ना पड़ा था। होलकर रियासत ब्रिटिश सत्ता के अधीन 6 जनवरी 1898 को हुई सहायक संधि के द्वारा आया था। ब्रिटिश सत्ता के अधीन होलकर राज्य को प्रथम दीवान तत्या जोग थे। इंदौर के रेसिडेंसी एरिया और इंदौर के प्रथम औद्योगिक विकास का श्रेय महाराजा तुकोजी राव होलकर को दिया जाता है, ठीक है। तुकोजी राव के समय ही इंदौर में रेलवे का परिचालन 1875 में हुआ था, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए क्योंकि आपके आधुनिक काल के इतिहास से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हम लोग सिंधिया वंश की ओर, जिन्हें आप लोग अपने हिसाब से नाम भी देते रहिए। तो सिंधिया, जैसा ऊपर बताया गया है कि 1731 में मालवा का एक भाग सिंधिया को भी मिला था और उसके शासक रानोजी सिंधिया थे और ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक रानोजी सिंधिया थे। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे रानोजी सिंधिया, ठीक है। 1729 में अमझेरा के युद्ध में रानोजी ने वीरता का प्रदर्शन किया था और पुणे दरबार से रानोजी को होलकर वंश के समान भागीदारी दी गई, जिसमें उन्हें उज्जैन, साजापुर और सुजालपुर आदि क्षेत्र प्राप्त हुए थे। 1766 ईस्वी में उत्तर भारत की आय से बंटवारे से सरकार को 46% और होलकर एवं सिंधिया प्रत्येक को 21% भाग प्राप्त हुआ था। और वर्ष 1745 में रानोजी की मृत्यु के पश्चात सिंधिया वंश का सबसे पिताभी राजा हुआ महादजी सिंधिया सत्तासीन हुए, ठीक है। 1761 में पानीपत के युद्ध से भागकर आए महादजी सिंधिया ने लोकेंद्र सिंह जाट से ग्वालियर का किला भी छीना था। ये 1761 में आपने देखा है पानी युद्ध हुआ है, ठीक है। महादजी वीर योद्धा और कुशल प्रशासक थे। महादजी ने ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना की थी और उन्होंने दिल्ली के मुगल सम्राट पद पर शाह आलम को बिठाया, उस पर अपना नियंत्रण भी रखा था। शाह आलम ने महादजी को अपना वकील प्रधानमंत्री बनाया था, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। फिर आप देखेंगे 1794 में दौलत राव सिंधिया महादजी के उत्तराधिकारी बने और दौलत राव ने उज्जैन के स्थान पर लश्कर यानी कि ग्वालियर को अपनी राजधानी 1810 में बनाया था। और आप लोग ग्वालियर अगर गए होंगे तो आपने लश्कर क्षेत्र देखा भी होगा। इसके पश्चात आप देखेंगे जकोजी जयाजी राव माधव राव प्रथम और जीवाजी राव शासक बने। आप देखते हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी भी आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी। जीवाजी राव के समय ही मध्य भारत के राजाओं का एक संघ बना जिसका नाम मध्य भारत देकर भारतीय संघ में उसके विलय का प्रस्ताव हुआ। मध्य भारत के पहले राजप्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया ने 18 मई
1948 को शपथ ली है। जीवाजी राव को वयस्क होने तक रियासत प्रशासन चलाने के लिए महारानी की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ एजेंसी का गठन भी किया गया था। ठीक है, महाराजा जीवाजी राव सिंधिया का विवाह राजमाता विजयाराजे से हुआ था और विजयाराजे का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। मिदुला सिंगा ने एन एक रानी ऐसी भी के नाम से राजमाता विजयाराजे की जीवनी भी लिखी थी। आप लोग इन्हें भी आप लोग याद रखिए। और याद रहे कि सिंधिया घराने ने 1857 के गदर में अंग्रेजों का समर्थन दिया था, यही सबसे बड़ा उनका एक तरह से उनके पर धब्बा है। ठीक है, मई 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के राज्य के प्रथम राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया को शपथ दिलाई थी। ठीक है, याद रखिए। फिर आप देखेंगे विद्रोह 1857 के समय ग्वालियर महाराजा जीवाजी राव थे और ठीक है, जीवाजी राव ने विद्रोहियों के स्थान पर अंग्रेजों का समर्थन किया था। किसका? अंग्रेजों का समर्थन किया था। सिंधिया वंश का अंतिम शासक ने लंदन से ग्वालियर पर शासन किया था। ठीक है, अंतिम सिंधिया महाराजा जॉर्ज जीवाजी राव ने ग्वालियर रियासत का विलय 1948 में भारत संघ में कर लिया था और जॉर्ज जीवाजी राव सिंधिया 18 मई 1948 को मध्य भारत प्रांत के राज प्रमुख भी बनाए गए थे। अपने राज प्रमुख के रूप में 1956 तक उन्होंने शासन भी किया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये आपके 1857 के मध्य प्रदेश के नायकों के बारे में आप लोग याद रख लीजिए, इनसे भी आपके क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। ये विद्रोही हो गए, विद्रोही से जुड़े उल्लेखनीय तत्व हो गए। शेख रमजान सागर, इनका संबंध सागर से था। इनके नेतृत्व में असरोही सैन्य टुकड़ी ने सागर में विद्रोह किया था 1857 के समय। ठीक है, शंकर साय सकिर साय ये गढ़मंडला से संबंध रखते थे। इन्होंने तथा इनके पुत्र ने गढ़मंडला की स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाया था और इन्हें तोप से उड़ा दिया गया था, क्योंकि आप समझिए उस समय के जो भी विद्रोही हुआ करते थे, जो भी एक तरह से आप उनके लिए तो विद्रोही हुआ करते थे, उनके लिए तो देशद्रोही हुआ करते थे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज जो हम लोग आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ाद देश में रह रहे हैं, तो ये उन्हीं लोगों की है। ठीक है, और राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़ के किशोर राजा ने विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास हुआ था। श्री बहादुर देवी सिंह मंडला में विद्रोह करने पर फांसी हुई थी। शहादत खान इंदौर के समीप महू की छावनी में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी कालपी में तत्या टोपे व रानी की संयुक्त सेना ने ह्यूरोज की अंग्रेजी सेना पर हमला बोला और रानी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गई थी। और ये भी आपका क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म तो बनारस में हुआ था लेकिन इनकी समाधि आप लोगों को ग्वालियर में देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आप देखेंगे सुरेंद्र राय संबलपुर राज्य वर्तमान जिला छत्तीसगढ़ के शासक एक महान योद्धा। उन्होंने अंत तक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह रखा और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड तक आए थे। फिर आप देखेंगे तत्या टोपे, इनका संबंध रहा है कानपुर झांसी और ग्वालियर से। नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, इन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ठीक है, याद रखिए। और भीमा नायक ये मंडलेश्वर से संबंधित थे। इन्होंने निवाड़ में जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व किया। झलकारीबाई झांसी महारानी लक्ष्मीबाई की युद्ध में सहायता करती थी और कटार घोप कर प्राणों की आहुति इन्होंने दे दी थी। टंड्या भील खरगोन से संबंध रखते थे और टंड्या भील का जन्म 1842 में खरगोन के बिरी गांव में हुआ था और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और बहन सुरेखा से राखी बंधवाते समय 1888 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी इन्हें। तो आप समझ सकते हैं कि पहले के लोग बड़े एक तरह से स्वाभिमान हुआ करते थे, स्वाभिमान आप समझ रहे हैं। आजकल तो आप देखते हैं कि एक FIR होती है और व्यक्ति तलवे चाटने लग जाता है, सब सच्चाई का रास्ता छोड़ देता है, आप समझ रहे हैं। कुछ ग्वालियर के बारे में भी कुछ आपके ऐतिहासिक पॉइंट दिए गए हैं, हो सकता है इनसे भी क्वेश्चंस आपके आ जाए, तो आप लोग देख लीजिए। गुप्तेश्वर ग्वालियर के उत्खनन से यहाँ मानव निवास के साक्ष्य मिले हुए हैं, ये 40 से 50 हज़ार वर्ष प्राचीन। ठीक है, इतरे ब्राह्मण में मध्य देश का उल्लेख जिसमें ग्वालियर का क्षेत्र भी शामिल था।
नागवंश ने पद्मावती को राजधानी बनाकर यहाँ पर कई वर्षों तक शासन भी किया है। ग्वालियर अभिलेखानुसार यहाँ मेहरकुल होन ने भी शासन किया है। राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों ग्वालियर को हराकर तेली मंदिर का निर्माण भी करवाया था। आप लोग देखेंगे ग्वालियर में कभी घूमने गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर। चंदेलों ने कच्छाव घाटस को ग्वालियर में अपना प्रशासक नियुक्त किया था। कच्छप घाटस को ही सासबहु सहस्त्रबाहु मंदिर और आप देखेंगे कनकन मठ निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। और अनंगपाल क्या है, अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाई थी और आनंदपाल भी कह देते हैं। उसके वंशज वीर सिंह तोमर ने 1394 में तोमर वंश की स्थापना ग्वालियर में की थी। इब्राहिम लोदी ने विक्रमाजीत से ग्वालियर छीन लिया था, बाद में यह मुगलों के अधीन रहा। राणोजी सिंधिया ग्वालियर के पहले मराठा सरदार बने। इसके पूर्व माधवजी सिंधिया पेशवा के अधीन प्रशासक नियुक्त हुए थे। महादजी सिंधिया ने ग्वालियर जाटों से छीना था, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से छीनते ही रहे जिंदगी भर सभी, ठीक है। 1857 के अगर प्रमुख विद्रोहियों की बात करें और पूछ लेता है इस तरह की इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो शेख रमजान का सागर से संबंध था, टंड्या भील खरगोन, शंकर साय गढ़मंडला, राजा ठाकुर प्रसाद राघोगढ़, नारायण सिंह रायपुर, शहादत खान महू, रानी लक्ष्मीबाई झांसी कालपी, सुरेंद्र राय संबलपुर छत्तीसगढ़, तात्या टोपे कानपुर झांसी ग्वालियर, भीमा नायक मंडलेश्वर उज्जैन, रानी अवंतीबाई रामगढ़, झलकारी बाई झांसी, लक्ष्मीबाई की अंगरक्षक थी, गिरधारी बाई अवंतीबाई की अंगरक्षक थी, इन दोनों को याद रखिए। श्री बहादुर एवं देवी सिंह ये मंडला से संबंध रखती थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस तरह से रहा है, इसका प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी का मध्य प्रदेश में किस तरह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आंग्ल मराठा संबंध। तो पानीपत की पराजय के बाद आप देखेंगे पेशवा के स्थान पर मराठा सरदार ही मराठा नीति को तय करने लगे। विशेषकर आप देखेंगे माधव द्वितीय की मृत्यु के बाद इनमें दो प्रमुख थे, एक तो आपका ग्वालियर का सिंधिया, दूसरा आप देखते हैं इंदौर का होलकर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों से हुए युद्ध में विजय कर मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में प्रवेश किया और अंग्रेजों एवं तत्कालीन मराठाओं के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के दौरान निम्न संधियां हुई, जिसमें अंग्रेजों को मध्य क्षेत्र में प्रवेश करने का, यानी कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका मिला है। और याद रखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि पुरंदर की संधि आपका 1776 में होती है, क्योंकि कई बार आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। फिर आप देखेंगे बड़गांव की संधि 1779 में हुई और सालवाई की संधि आप देखेंगे मार्च 1782 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ये कब तक चलता है, 1803 से लेकर 1806 तक चलता है। लॉर्ड वेलेजली के नेतृत्व में सिंधिया एवं भोसले को की संयुक्त सेना को आसर तथा अरगांव में पराजित कर उन पर सहायक संधि लाद दी गई थी। और इस समय आप समझ सकते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली का समय था, ठीक है। और इसमें सिंधिया हो या फिर भोसले हो, इन दोनों की पराजय हुई थी। फिर आप देखते हैं इसके बाद आपकी होती है देवगांव की संधि, ये 1803 की बात है, ठीक है। भोंसले ने यह संधि करके अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और एक आपकी होती है सूरज अर्जुन गांव की संधि, ये 1803 में ही होती है, ठीक है। उत्तर में लॉर्ड लेक ने सिंधिया की सेना को दिल्ली के बाहर आत्मसमर्पण करवा दिया था और अंततः सिंधिया के सेनापति अंबाजी इंगले की गद्दारी से ग्वालियर का दृढ़ किला अंग्रेजों को मिला और सिंधिया को सूरज अर्जुन गांव की संधि के तहत गंगा यमुना के बीच का संपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिंधिया को इनके एक तरह से सेनापति ने एक तरह से इनके साथ गद्दारी की और आगे चल के आप देखते हैं कि सिंधिया रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रख सकते हैं, यानी कि इनके साथ जो दूसरे ने किया और इनने
किसी दूसरे के साथ किया। एक तरह से आप देखते होंगे आज की एक पावरफुल व्यक्ति होता है वो किसी निचले तबके पर, पुलिस को ले लीजिए आप लोग, पुलिस व्यवस्था को, कोई नेता आपने देखा होगा कि जब पुलिस वाले को परेशान करता है तो पुलिस वाला क्या करता है, वो गरीबों में जाके जो कमज़ोर होते हैं उससे, या आप देख सकते हैं कि रोड पर कोई ठेला लगाने वाला हो, रेडी लगाने वाला हो, उस पर गुस्सा निकालने लगते हैं। ठीक है, तो यही किया इन्होंने भी। और अंग्रेज़ों ने ग्वालियर किला और राजधानी गोहद के राजा को दिलवाई थी। अंततः आप देखेंगे अतः गवर्नर जनरल बोरिंग हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के नेतृत्वकर्ता सरदार करीम खान, वासिल मोहम्मद और चिलू को प्रभावहीन बनाने का सैनिक प्रयास भी किया। एक आपकी राजपुर घाट की संधि होती है 1805 में, इसे भी आप लोग याद रखिए। यशवंत राव होलकर को चंबल का उत्तरी भाग एवं बुंदेलखंड अंग्रेजों को देना पड़ा था। किस संधि के तहत? राजपुर घाट की संधि के तहत। एक आपकी ग्वालियर की संधि होती है, ये नवंबर 1817 में। पिंडारियों के विरुद्ध अपनी तैयारी के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं ग्वालियर रियासत के शासक दौलत राव सिंधिया के मध्य 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि हुई थी। और संधि में क्या प्रावधान था, तो आप लोगों को याद रखना हो चाहिए कि अंग्रेज एवं सिंधिया पिंडारियों के विरुद्ध सेना तैयार करेंगे और सिंधिया पिंडारियों को मदद नहीं देंगे, यानी कि अंग्रेजों से ये मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आपकी एक होती है मंदसौर की संधि, इसमें क्या कहा गया, ये जनवरी 1818 में हुई थी। महितपुर युद्ध में होलकर परास्त हुआ और मंदसौर की संधि होती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों और होलकर के बीच ये संधि हुई थी। ठीक है, जिसके तहत राजपूत राज्यों पर से उसने अपने अधिकार वापस ले लिए। और इसमें होलकर की सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि अगर आप हारते हैं और उनसे आप लोग समझौता करते हैं अपने दुश्मन से, तो आपको अब कुछ तो उसकी कीमत चुकानी होगी, तो इन्होंने भी यही कीमत चुकाई। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख विद्रोहों की बात अगर हम लोग करें, तो 1818 से लेकर 1857 तक के सभी विद्रोह हैं। इनसे भी आपका कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए महाकौशल के विद्रोह। तो 1818 में प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम विद्रोह की चिंगारी दिखाई पड़ी, जब अंग्रेजों ने नागपुर के तत्कालीन देशभक्त शासक अप्पाजी भोंसले को मंडला, बैतूल, छिदवाड़ा, सिवनी, नर्मदा कछार का क्षेत्र छोड़ देने हेतु बाध्य किया। और ऐसी स्थिति में अप्पाजी साहेब ने अरबी सैनिकों की सहायता से मुलताई के समीप अंग्रेजों के से युद्ध किया, किंतु उन्हें पराजित होकर भागना पड़ा, क्योंकि आप समझिए इस समय तक अंग्रेज काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे। फिर आप देखेंगे सन 1833 में रामगढ़ नरेश जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, किंतु वे भी असफल रहे हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध हीरापुर के हेरद साय ने 1842 में विद्रोह किया। और इस प्रकार सागर, दमोह, नरसिंहपुर से लेकर जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद तक के सारे क्षेत्रों में विद्रोह की आग भड़ उठी। एक प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि आप समझिए कि एक एक करके ये लोग विद्रोह करते थे। आप समझ सकते हैं कि अगर सभी लोग एक होकर मिलते तो अंग्रेजों, आप समझ सकते हैं कि कितनी कड़ा मुकाबला होता, समझ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपका पड़ोसी क्या करता था कि आप अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और आपका पड़ोसी अंग्रेजों की मदद कर रहा है। ठीक है, विद्रोह के प्रमुख नायक भरहूत के मधुकर साय और चंदपुर सागर के जमींदार जवाहर सिंह बुंदेला, हीरापुर के हिरत साय और मदनपुर नरसिंहपुर के गौंड जमींदार दिलहन साय थे। ठीक है, इन्हें भी आप लोग याद रखिए किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। और आपसी सामंजस्य और तालमेल के अभाव के कारण इस प्रयास को अंग्रेज दबाने में सफल हो गए हैं, क्योंकि इनमें फूट डली हुई थी एक तरह से। फिर आप देखेंगे नर्मदा घाटी विद्रोह, ये 1842 की बात की जा रही है। इसका कारण था ब्रिटिश अत्याचार। आपने देखा होगा कि किस तरह से अत्याचार ब्रिटिशों ने, यानी कि अंग्रेजों ने किस तरह से अत्याचार किया, किसानों के ऊपर अत्याचार किया, कोई भी वर्ग उन्होंने नहीं छोड़ा, आप समझ रहे, सभी का शोषण किया। और आगे चल के आप देखते हैं कि यही कारण रहा है कि आगे सभी लोग इकट्ठे हुए और देश को आज़ादी भी मिलती है। ठीक है, नेतृत्व की बात करें तो इसके नेतृत्व करता रहे हैं जवाहर सिंह बुंदेला, ये चंदपुर के थे, और मधुकर साय
नारहूत के थे। ठीक है, सहयोगी की बात करें तो दिल्लन शाह है मदनपुर के, और राजा हिरद शाह हीरापुर के थे। नरसिंहपुर के अन्य नेतागढ़ भी इसमें इनके सहयोगी रहे। परिणाम की बात करें तो मधुकर शाह हो गया, हिरद शाह को जनता के बीच फांसी दी गई और जनता में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश चरम पर पहुंच गया। तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में गदर यानी कि 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव रहा है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। इससे आपका क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, और याद रखिए इससे आपका मेंस में भी क्वेश्चंस आ जाता है। एमपीपीएससी की छोड़िए, आप लोग यूपीएससी में भी कई बार आपका क्वेश्चंस पूछ लिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में गदर की बात करें 1857 की क्रांति, तो मेरठ विद्रोह 10 मई के लगभग एक माह बाद मध्य प्रदेश में भी ये क्रांति की आग भड़क उठी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नीमच छावनी से विद्रोह उठा, जब सैनिकों ने 3 जून को अंग्रेजी बंगलों में आग लगा दी। और ये कई बार पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ से 1857 की क्रांति की बिगुल फूंकी गई थी, तो याद रखना चाहिए नीमच छावनी से, 3 जून की घटना है। ठीक है, और यहाँ किले पर अधिकार करने का प्रयास कर्नल सोवर्स ने विफल किया था। राज्य में आप देखेंगे तत्या टोपी नाना साहब की प्रयत्नों से सैनिकों किसानों ग्रामीणों के मध्य क्रांति संदेश कमल और रोटी के माध्यम से पहुंच गया था। ये भी आप लोगों से कई बार पूछ लेता है कि 1857 की क्रांति को फैलाने के लिए किन पितुकों का उपयोग किया गया था, तो ये कमल और रोटी। ठीक है, ग्वालियर के मोरार छावनी के सैनिकों ने विद्रोह का संचार व्यवस्था भंग कर दी थी। ये 14 जून 1857 की बात है। शेख रमजान के नेतृत्व में सागर छावनी में विद्रोह हुआ था। ये भी कई बार पूछ लेगा आपकी, जो सागर में छावनी में विद्रोह हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था, शेख रमजान के। ठीक है, गढ़मंडला में शंकर शाह गौंड वंश ने विद्रोह किया था, और 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ था। फिर आप देखेंगे राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ श्री बहादुर और देवी सिंह ने मंडला, और जमींदार वी नारायण सिंह ने रायपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इनसे। ठीक है, आप लोग याद रखिए किसने कहाँ का नेतृत्व किया था। ठीक है, फिर आप देखेंगे 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह के पश्चात बुंदेलखंड के स्थानीय सैनिकों ने भी विद्रोह किया, और 1857 को बुंदेलखंड के राजा बकत बली ने भी विद्रोह किया था। ठीक है, और इसी के कारण इन्हें आप देखेंगे कि 1858 में गिरफ्तार कर लाहौर में कैद रखा गया था, और उनके सेनापति बोधन धोवा ने सागर के इलाकों में तत्या टोपे जैसी भूमिका निभाई, और अंत तक पकड़े नहीं गए, यानी कि काफ़ी आप कह सकते हैं इन्होंने अंग्रेजों को परेशान किया। इसी समय आप देखेंगे मऊ छावनी में सादत खान के नेतृत्व में जबरदस्त विद्रोह हुआ, और अंग्रेजी सेना परास्त कैप्टन स्टुअर्ट कर दी गई थी, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों को परास्त होना पड़ा। महाराजा होलकर विद्रोहियों को सहायता दे रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस घड़ी में अंग्रेजों के सभी अधिकारी कर्नल स्टाकटो टेवर्न और कैप्टन लुडो, कैप्टन कीथ, कर्नल ड्यूरेंड इंदौर में ही मौजूद थे, लेकिन विद्रोहियों के आक्रामक रूप के कारण वे सब अपने मित्रों एवं परिजनों के साथ सीहोर चले गए, और यहाँ उनकी सहायता भोपाल की बेगम सिकंदर के द्वारा की गई थी। तो याद रखिए बेगम सिकंदर भी गद्दार थी, देश के साथ गद्दारी की इन्होंने। ठीक है, कर्नल ड्यूरेंड होशंगाबाद के रास्ते पुनः मऊ छावनी आए, और सन 1857 की क्रांति में भोपाल के फाजिल मोहम्मद खान ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक तरफ अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं कुछ लोग, और एक तरफ विद्रोहियों का यानी कि भारतीय लोगों का मदद कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। फिर आप देखेंगे अमझेरा सरदारपुर के विद्रोह का लाभ उठाकर शाहजहां हुमायूं ने मंदसौर के कुछ क्षेत्रों का अपने को शासक घोषित कर दिया। बानपुर साहेगढ़ के राजाओं ने भी विद्रोह कर दिया था, यानी कि यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों को लगने लगा कि अब भारत में रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन 1857 की क्रांति को देखिए सफल क्रांति नहीं कहा गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि देखिए पूरी तरह से दबा दी गई है कुछ समय के बाद, और उनके नेतृत्वकर्ता एक तरह से आप कह सकते हैं कि आगे की रणनीति नहीं थी उनके पास, पढ़े लिखे लोग इस क्रांति में शामिल ही कम हुए थे। ठीक है, सभी की भागीदारी भी नहीं रही है। और आगे आप देखेंगे मंडलेश्वर धार में घुड़सवार व पैदल सेना की टुकड़ी ने यहाँ के सेंट्रल जेल पर हमला बोल दिया, और इस प्रकार विद्रोहियों द्वारा जेल पर 2 वर्ष तक कब्जा कर अपने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। इस घटनाक्रम में बंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बेंजामिन हेप्स मारे गए थे।
ठीक है। यह पर भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासी विद्रोह भी हुआ था, भीमा नायक के, ठीक है। इस क्रांति की मुख्य पात्र थी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने तात्या टोपे के साथ ग्वालियर का घेरा किया और इसी समय जनरल हिरोज आ गया और रानी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है। फिर आप देखेंगे 17 जून 1858 में रॉयल आइस के विरुद्ध युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंगरक्षिका झलकारी बाई के साथ ग्वालियर के समीप कोटा की सराय वीरगति को प्राप्त हो गई। और 1857 के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, मूल नाम इनका क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। एक क्वेश्चन से भी कई बार आपका वनडे एग्जाम में भी पूछ लेता है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम उनका क्या था, तो याद रखिए रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। ने अपनी छापामार रणनीति से अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई और तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ भी कहा जाता है, ठीक है। बाघ आप समझ रहे हैं, वही बाघ। तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग 2 वर्षों तक गुरेला युद्ध छिड़े रहे, लेकिन नरवर के गद्दार सामंत मान सिंह ने, अब देखिए आप लोग यहाँ गद्दार अलग लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं, उस समय भली इन्होंने भाई भाई लूट ली हो लेकिन आज हम लोग इन्हें गद्दार कहते हैं। मानसिंह ने उन्हें अंग्रेजों की सपोर्ट कर दिया, यानी कि धोखे से पकड़वा दिया और शिवपुरी में 1859 में उन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। एक और आप देखेंगे वीरांगना अवंतीबाई ने रामगढ़ रियासत मंडला में झांसी की रानी जैसी भूमिका निभाई और अंग्रेज सेनापति वार्डन को भगा दिया और अंततः वार्डन ने रेवा रियासत की सहायता से रानी को परास्त किया, यानी कि यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि रेवा की रियासत ने अंग्रेजों की मदद की रानी अवंतीबाई की मदद करने की बजाय, और रानी ने दुर्गावती के अनुरूप अपनी शहादत दी और उसकी सहायता सहायक गिरधारी बाई ने भी ऐसा ही किया। आप समझिए, आप लोगों ने एक बड़ी अच्छी कविता सुनी होगी कि पेड़ कटने का मामला ही ना होता अगर कुल्हाड़ी के साथ वो डंडा ना होता, यानी कि अपने का कटने का मतलब है अपना उसमें कटने का योगदान सबसे अपने ही लोगों को जाता है। यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ एक तरफ अवंतीबाई मतलब सशक्त हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रीवा की रियासत के राजा एक तरह से मदद कर देते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं कि अगर अपने साथ हों तो लड़ाई आसान हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही है। आप लोगों ने टॉपिक भी देखा है और इससे क्वेश्चंस कई बार आपके पूछ लेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत 1906 में जबलपुर अधिवेशन के साथ हुई है और इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र तथा हरि सिंह गौर आदि सक्रिय कांग्रेसी सम्मिलित थे। हरि सिंह गौर आप समझते हैं कि सागर यूनिवर्सिटी का नाम भी आप देखते हैं हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसके पूर्व आप देखेंगे कांग्रेस के अधिवेशनों में मध्य प्रांत से बाबूराव किनखंडे और चिटनिस अब्दुल अजीज आदि भाग लेते रहे। खंडवा से सुबोध सिंधु व जबलपुर से जबलपुर टाइम्स का विकासन भी प्रारंभ हुआ है। इनको भी आप लोग इस तरह के जो भी आपके अखबार हैं इन्हें भी आप लोग याद रखा करिएगा, ठीक है। 1899 के लाहौर अधिवेशन में इस राज्य के डॉक्टर हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग प्रशासन को पृथक पृथक करने की मांग उठाई और उन्होंने 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का कड़े शब्दों में विरोध भी किया था और 1907 में जबलपुर में एक क्रांतिकारी दल का गठन भी किया है। और लगभग इसी समय आप देखेंगे कि खंडवा से सुबोध सिंधु और जबलपुर से जबलपुर टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी अपने समाचार पत्र करमवीर के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने। तो ये भी कई बार पूछ लिया है कि जो समाचार पत्र करमवीर था ये किसके द्वारा निकाला गया था, तो याद रखिए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। इसी तरह के आपके प्रीलिम्स में फैक्ट पूछ लेता है, समझ रहे हैं आप लोग। आप चलते हैं हम लोग आगे और 1916 में सिवनी सत्याग्रह से मध्य प्रदेश में वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हो गया है और जबलपुर में होम रूल लीग की इकाई का गठन किया गया था। जब महात्मा गांधी ने असहयोग, आप समझ रहे हैं 1920 के करीब की बात की जा रही है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन की घोषणा की तो राज्य में प्रभाकर डुंडीराज जाटव तथा अब्दुल जफ्फार खान ने खिलाफत आंदोलन संगठित किया। और आप समझिए कि 20 मार्च 1919 को खंडवा में मध्य प्रांतीय राजनीतिक परिषद की बैठक हुई और जिसकी अध्यक्षता दादा साहेब खापड़े ने की थी और इसमें रॉलेक्ट एक्ट विरोधी प्रस्ताव भी पारित हुआ था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जबलपुर झंडा सत्याग्रह से, क्योंकि इससे भी कई बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन चुके हैं।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो 1923 की बात है, ठीक है, जबलपुर में ही झंडा सत्याग्रह की नींव पड़ी थी और असहयोग आंदोलन की तैयारी के सिलसिले में पहुंचे अजमल खान और आपके कांग्रेसियों के सम्मान के साथ जबलपुर नगरपालिका भवन पर तिरंगा फहराने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी। पुलिस कमिश्नर ने गुस्सा कर उस तिरंगे को उतरवाया और पैरों तले कुचल दिया, यानी कि अपमान किया। इस अपमान के विरोध में तपस्वी पंडित सुंदरलाल, नाथूराम मोदी और सुमद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान, नरहरि अकबाल आदि ने जुलूस निकाला और जिन्हें पुलिस ने रोक दिया, लेकिन दूसरे जत्थे ने विक्टोरिया टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया। यानी कि आप समझ सकते हैं उस समय भी काफ़ी शक्तिशाली लोग हुआ करते थे, हम जैसे और आप जैसे आज के लोग नहीं है कि आजकल कितना भी बुरा होता रहे हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, ठीक है। यह कार्य दमोह निवासी श्री प्रेमचंद जैन उस्ताद ने किया था। उदय कांग्रेस ने एक इस सत्याग्रह के महत्व को समझकर अखिल भारतीय स्तर पर इसे मानने हेतु नागपुर को चुना था और 23 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू इस सत्याग्रह के साथ जबलपुर में पुनः झंडा सत्याग्रह का आयोजन हुआ। और सत्याग्रह का नेतृत्व आप देखेंगे तो इसमें देवदास गांधी साहब हो गए और राम गोपालाचार्य तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे आप देखते हैं कि हमारे पहले राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर सुंदरलाल को 6 माह की सजा हुई थी। सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद की जबलपुर में उपस्थिति के मध्य आप देखेंगे कंचोड़ीलाल, बंसीलाल और काशी प्रसाद ने टाउन हॉल पर फिर तिरंगा लहरा दिया और 18 अगस्त 1923 को वेटर्स ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वयंसेवकों को जुलूस की अनुमति दी और जुलूस का नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो ये कहानी आप लोग जबलपुर के झंडा सत्याग्रह की कह सकते हैं, ठीक है। आगे है आपका नमक सत्याग्रह। उधर आप देखेंगे गांधी जी दांडी में नमक बना रहे थे, इधर जबलपुर में 6 अप्रैल 1930 को सेठ गोविंददास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने नमक सत्याग्रह किया था। तो ये भी अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में जो नमक सत्याग्रह चला था इसका नेतृत्व करता कौन कौन रहे हैं, तो सेठ गोविंददास और आपके पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, ठीक है। नमक सत्याग्रह में आप देखेंगे सिवनी जिले के दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत की थी और यहाँ जेल में सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र और शरद चंद्र बोस व HV कामत बंद थे इसी में, ठीक है, इसी समय की बात कर रहा हूँ। ये इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया है और आपने देखा होगा कि MPPCS प्रीलिम्स में भी आ चुका है। चरण पादुका नरसंहार, ये बात है 14 जनवरी 1931 की। छतरपुर जिले में चरण पादुका ग्राम उर्मिल नदी के तट पर है, ठीक है, याद रखिए। स्वतंत्रता सेनानियों की शांतिपूर्ण बैठक पर अंधाधुंध गोलियां कर्नल फिशर के आदेश से पुलिस ने चलाई जिसमें आप देखेंगे 6 सेनानी शहीद हो गए थे और इसे आप लोग मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहते हैं, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिए, कई बार पूछ लिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। अब बात करते हैं हम लोग पंजाब मेल हत्याकांड की, तो 23 से 24 जुलाई 1931 की बात है। वीर यशवंत सिंह दमोह, देवनारायण तिवारी और दलपत राय ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर अंग्रेज हैक्सल की हत्या की और हत्या के आरोप पर खंडवा अदालत ने 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा तथा दलपत राय को काला पानी की सजा सुनाई गई है, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो 1922 ईस्वी में राज्य के भोपाल रियासत की सीहोर कोतवाली के सामने विदेशी फेल्ट कैप की होली जलाई गई और आप देखते हैं कि भोपाल में 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है, जिनमें मौलाना तरजी मसरीकी को सदर व चतुर नारायण मालवीय को मंत्री के रूप में चुना गया था। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से हुआ था, कहाँ, रतलाम में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 1931 में स्त्री सेवा दल, 1931 में स्त्री सेवा दल और 1935 में प्रज्ञा परिषद की स्थापना भी की गई थी। राज्य के झाबुआ जिले में 1934 में प्रज्ञा मंडल की सहायता से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराबबंदी और हरिजन उद्धार संबंधी आंदोलन प्रारंभ किए गए। और आज भी आप लोग देखते रहते हैं कि चीनी सामानों का आप लोग बहिष्कार करते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इस समय आप लोग सफल नहीं होते हैं। क्यों सफल नहीं होते हैं? क्योंकि आप समझिए कि अधिकतर सामानों के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं,
आप चाइना के सामानों पर निर्भर रहते हैं, आपके पास दूसरा विकल्प नहीं रहता था। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि हम लोग ना के बराबर एक तरह से विदेशों के सामानों पर हम लोग निर्भर रहते थे। हमारे पास ज़रूरत की सामान की जो भी चीज़ें हुआ करती थी वो आराम से उपलब्ध हो जाती थी। ठीक है, आप समझिए कि अभी आप लोग मोबाइल चाइनीज फ़ोनों का अगर विरोध करें, बहिष्कार करें, तो आपके पास दूसरा विकल्प तो होना चाहिए मोबाइल ख़रीदने का। समझ रहे हैं आप लोग। 1934 में ही भोपाल रियासत में मौलाना तरजी मसरीकी खान व साकिर अली खान के नेतृत्व में अंजुमन खुद्दामे वतन तथा मास्टर लाल सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंघल और डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरिया व पंडित उद्धव दास मेहता, पंडित चतुर नारायण मालवीय के नेतृत्व में भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव डाली गई और हिंदू कॉन्फ्रेंस के लिए मास्टर लाल सिंह लक्ष्मी नारायण सिंघल, पंडित उद्धव दास मेहता व डॉक्टर मुखरिया महोदर को 1937 में जेल भी हुई थी। ठीक है, इसी के कारण फिर आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या देखेंगे आप लोग, सोहाबल का नरसंहार या फिर माजन गोलीकांड, ये आपका 19 जुलाई 1938 की बात है। हिनौता गांव सतना जिले में वीर सिंहपुर के समीप में सोहाबल रियासत में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में पगार खुर्द के लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन था और इस सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मंदिर पांडे की माजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ कुछ पॉइंट हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि इनसे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह 1930 की घटना है। अपनी जमीन और जंगल को बचाने के लिए आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक जंगल सत्याग्रह किए और सत्याग्रह संपूर्ण भारत के विभिन्न हिस्सों में हुए, किंतु इनका प्रभाव छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलेगा आप लोगों को। आप समझिए, आपने देखा होगा कि कितने भी हमारे यहाँ राजा महाराजा हुए लेकिन आदिवासियों के क्षेत्र में कभी कोई उन्होंने रुकावट नहीं डाली। वो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे जीते रहे, लेकिन अंग्रेजों के आने बाद के बाद आप देखेंगे उनकी ज़िंदगी में भी दखल देने लगे अंग्रेज, तो उन्हें भी आंदोलन करना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा। ठीक है, आगे है आपका जंगल सत्याग्रह, ये 1930 की घटना है। जबलपुर में सर्वप्रथम जंगल सत्याग्रह की रणनीति बनी और सिवनी टूरिया सिवनी जिला तथा घोड़ा डोंगरी बैतूल में के आदिवासियों ने नमक सत्याग्रह के दौरान जंगल सत्याग्रह किया और टूरिया में 4 आदिवासी पुलिस की गोली से मारे गए और घोड़ा डोंगरी में गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू ने पुलिस का प्रबल प्रतिरोध भी किया था। तो जंगल सत्याग्रह आपका कब होता है, 1930 में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह, तो इसमें आपका 1942 में बीरसा गोंड एवं जिर्रा गोंड, 1942 में घोड़ा डोंगरी साहेपुर बैतूल जिला में आदिवासियों ने 19 अगस्त 1942 को बिरसा गोंड के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की पटरियां उखाड़ फेंकी और पुलिस थाने और घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित लकड़ी के विशाल डिपो को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने बिना चेतावनी दिए गोलियों की बौछार कर दी और बिरसा गोंड की कारावास में मौत हो गई। इन्हें कारावास की सजा मिली, वहीं इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इससे भी आपका त्रिपुरी अधिवेशन से कई बार आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो ये 1939 की बात है। ठीक है, जबलपुर त्रिपुरी में कांग्रेस का नियमित वार्षिक अधिवेशन हुआ और यह अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए प्रसिद्ध है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को 203 मतों से हरा दिया, चूंकि पट्टाभी सीतारामैया गांधी के उम्मीदवार थे और अतः कांग्रेस में संकट गहरा गया, वैसे त्रिपुरी संकट भी आप लोग कहते हैं। और गांधी जी ने क्या कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार। आगे आप देखते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस साहब थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपना। ठीक है, कि गांधी जी की हार हम नहीं देख सकते हैं, समझ रहे हैं आप। फिर आप देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 की बात है। गांधी जी ने राजनीतिक चेतना के केंद्र बन चुके जबलपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। इससे भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया और आप समझिए क्या रहता है कि आपका UPSC हो या UPPCS हो या BR PCS हो या फिर आप देखते हैं मध्य प्रदेश PCS यानी कि MPPSC हो, इनमें आपका क्रम से लगाने के लिए कई बार ये आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में जुड़ने वाले कौन व्यक्ति थे, पहले सत्याग्रही थे आपके विनोबा भावे, 1940 की बात है। इसे किसने चलाया था, गांधी जी ने। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि अब टाइम आ चुका है अंग्रेजों का जाने का।
ये 1942 की बात है। सर्वप्रथम विदिशा से इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ जब मराठी नाविकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय प्रतिरोध की नीति अपनाई। गांधी जी के करो या मरो से प्रेरणा लेकर 2 अक्टूबर 1942 को मंडलेश्वर में क्रांतिकारी बंदियों ने जेल तोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध सभा की। यज्ञ भी पुनः जेल में डाल दिया गया। भोपाल के नवाब के विरुद्ध भारत छोड़ो के बाद एक तीव्र आंदोलन हुआ जिससे घबराकर नवाब ने अपना विलय भारत में स्वीकार कर लिया। आप देखेंगे रीवा का चावल आंदोलन, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है। तो ये 28 फरवरी 1947 की बात है। जबरिया लेवी के विरुद्ध चावल आंदोलन रीवा में चला था और रीवा रियासत में जबरिया लेवी वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी भदवार गांव तथा भैरव प्रसाद और मालिया सेवराजपुर की रीवा रियासत के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और चरूर हईवा चावल वसूली प्रकरण सीधी जिले से संबंधित हैं। आजकल आप लोग सीधी जिला देखते हैं, उसी की बात की जा रही है। इनमें मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय इतिहास की भी बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ देख लेते हैं। और एक बात आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें कई शब्दों को लेकर आपका डाउट है, कई शब्दों को आप देख रहे होंगे कि गलत छप गए। तो मुझे लगता है कि आप लोग इतने तो समझदार हो ही गए होंगे कि आप लोग आराम से कुछ अगर गलत शब्द उच्चारण होता है तो उसका आराम से सेट कर सकते हैं। ऐत्रेय ब्रह्मण वैदिक ग्रंथ में मध्य प्रदेश के भूभाग का उल्लेख मिलता है। और प्राचीन मध्य एवं आधुनिक ब्रिटिश युग के समय मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों एवं वंशों का शासन भी रहा है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक भूभाग निम्न स्वरूपों में थे। एक तो आपका मालवा निवाड़ क्षेत्र, भौगोलिक दृष्टि से मालवा निवाड़ केंद्रीय भारत का पश्चिमी हिस्सा है और यह दक्कन के पठार का लावा निर्मित भाग है। और मालवा निवाड़ समय समय पर अलग अलग राजवंशों के अधीन शासित भी रहा है। मालवा के इतिहास की अगर हम बात करें तो इसमें प्राचीन युग की अगर हम बात करें तो मालवा साम्राज्य आपका 620 से 200 एडी के बीच सिकंदर के आक्रमण से विकास में आई मालवा जाति के कलांतर में मालवा में आकर बस गई और यहीं उसने शासन स्थापित किया। संभवतः मालव जाति के नाम पर ही मालवा नाम पड़ा। और पन्नी ने अपने संस्कृत व्याकरण में अष्टाध्यायी में मालव जाति का उल्लेख आयुधजीवी के रूप में किया। पीछे भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। और ये वस्तुतः रावी चेनाव नदियों के मध्य वहीं रहते थे। इनके योगदान की अगर हम बात करें तो राजा विक्रमादित्य जिन्होंने 57 में विक्रम संवत प्रारंभ किया संभवतः मालवा वंश से संबंध रखते थे। तो इसे भी आप लोग याद रखिए, 57 में विक्रम संवत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं महाजनपद युगीन मालवा की अगर हम बात करें तो अवंती क्या है, अवंती मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में एक सशक्त महाजनपद हुआ करता था। इसके दो भाग थे, पीछे हम लोग इसे अधिकतर देख चुके हैं, फिर भी आप लोग देख लीजिए क्या रहेगा, आराम से इसे आप लोग याद भी रहेगा। उत्तरी अवंती जनपद जिसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी और जो दक्षिणी जनपद थी जिसकी राजधानी महिष्मती यानी कि महेश्वर हुआ करती थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती बौद्धों का प्रसिद्ध केंद्र भी बन गया था और यहाँ का शासक चंड प्रबोध अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। मगध में शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अवंती को अंततः मगध में मिला लिया था। उस समय यहाँ का शासक नंदीवर्धन हुआ करता था। फिर आप देखेंगे मौर्युगीन मालवा, मौर्यों के साथ ही अवंती चैदी मगध के भाग बने रहे। सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती का प्रांतिपति भी बनाया था। अशोक ने सम्राट बनने के उपरांत सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण भी करवाया था। और अशोक के लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के रूपनाथ जबलपुर अशोक का नाम वाला गुर्जर एक शिलालेख आपका दतिया में मिलेगा। सारो माटो ए सीहोर में, पान गुराड़िया ए सीहोर में, सांची रायसेन में मिलेगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे बकाटक वंश आता है। बिंद शक्ति द्वारा स्थापित बकाटक राज्य मूलतः मध्य प्रदेश का राजवंश था जो बाद में नर्मदा की दक्षिण केंद्रित हो गया। और उसके पुत्र प्रवसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया और नागवंश से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और उसके चार पुत्रों ने साम्राज्य को आपस में बांट लिया था। इसमें आप देखेंगे लेकिन इसकी कुल दो शाखाएं राज करती दिखाई देती हैं आगे। एक तो नंदीवर्धन शाखा पुरिक शाखा और दूसरा है आपका वत्स गुलम शाखा, ठीक है। ओलीकर वंश की बात करें तो प्राचीन दसपुर मंदसौर में 4वीं सदी ईस्वी में
ओलिकर वंश की स्थापित हुई और इनकी राजधानी दशपुर थी। जयवर्मन, सिंहवर्मन, नरवर्मन इसके प्रारंभिक शासक हुए और एक बंधुवर्मन का प्रसिद्ध शिलालेख आपको मंदसौर से देखने को मिलेगा और जिसके अनुसार बंधुवर्मन स्कंदगुप्त का सामंत बन गया था और इस अभिलेख में उसके द्वारा सूर मंदिर हेतु जुलाहा सैनी को दान देने का उल्लेख भी आपको मिलेगा। और यहीं से प्राप्त एक और शिलालेख में राजा यशोवर्मन का उल्लेख मिलता है जिससे भारत की दिग्विजय की। और यशोवर्मन संभवतः मौकरी वंश या ओलिकर वंश से संबंध रखता था और अभिलेखानुसार उसने ब्रह्मपुत्र से लेकर महेंद्र पर्वत तक और हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और हूण नरेश मेहरकुल को भी पराजित किया था। फिर आप देखेंगे परमार वंश, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन्हें पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन क्रम में दिया गया है तो इन्हें आप लोग एक बार और देख लीजिए क्या फर्क पड़ता है। वर्तमान पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा में इस वंश ने राज किया और ये पहले प्रतिहारों के अधीन थे। बाद में आप देखेंगे राष्ट्रकूट शासक दुंती या दंती दुर्ग ने इन्हें सावंत नियुक्त किया और इस वंश का संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज था और जिसकी राजधानी धारा हुआ करती थी। और पहला स्वतंत्र शासक की बात करें तो सिमुक था श्रीहरस, ठीक है। फिर आप देखेंगे वाक्पति मुंज आता है। आरंभिक शासकों में मुंज अधिक शक्तिशाली था और इसने चालुक्य नरेश तिलप द्वितीय को कई बार परास्त भी किया। फिर आप देखेंगे सिंधु राज, परिमल गुप्त ने मुंज के पुत्र सिंधु राज के ऊपर नव सांक चरित भी लिखी थी। फिर राजा भोज के बारे में तो आप लोग काफी सुनते रहते हैं। सिंधु राज का पुत्र भोज वंश का योग्य एवं प्रतापी शासक था और उसने आरंभ में चेदी कलचुरी गुजरात लाट कर्नाट और आदि राज्यों को परास्त किया किंतु बाद में आप देखेंगे सोलंकी और कलचुरियों ने सम्मिलित आक्रमण कर उसके नवनिर्मित राजधानी धारा यानी कि पूर्व में उज्जैनी थी जिसे धारा भोज लाया था, ठीक है, कुलूटा। भोज ने हिंदू शाही शासक आनंदपाल को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता दी और उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को अपने यहाँ शरण भी दी थी। गरकोट आदि स्थानों को मुसलमानों ने छीनने में सफलता भी पाई थी। वह स्वयं एक योग्य विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता भी थी यानी कि खुद भी विद्वान था और विद्वानों को भी इज्जत सम्मान देता था। आप समझ रहे हैं, अगर आप कवि हैं तो आप लोग कवि भी हैं और साथ में कवियों को एक तरह से क्या दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, इज्जत सम्मान दे रहे हैं। फिर आप देखेंगे मध्ययुगीन इतिहास में मालवा का क्या एक तरह से इतिहास रहा है तो अधिकांश समय मुस्लिम प्रभुत्व रहा, कुछ स्थानीय हिंदू राजा भी बने रहे। इल्तुतमिस 1210 से 1236 तक रहता है और इसने मांडू ग्वालियर मालवा की विजय की तथा उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। खिलजी वंश के संस्थापक आप देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी के बीच रहता है। इसने मांडू को लूटा और उसने ग्वालियर में एक गुम्बद आकार का विश्राम गृह भी निर्मित करवाया था यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये लोग जहाँ भी जाते थे अपने आराम के लिए भी घर बनवा लेते थे, समझ रहे हैं, इनके पास इतनी व्यवस्था होती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मानिकपुर के हाकिम के रूम में उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटा। सुल्तान 1296 से 1218 बनने के बाद 1305 में उसके मालवा की 1296 से आप देखेंगे 1316 है, ठीक है, ये बहुत डेटों में गलती है इसमें आप देखेंगे 1305 में उसने मालवा के शासक मलहक देव को अपने सेनापति एल उल मुल्क के माध्यम से हराया था। अगर हम मालवा में सल्तनत की बात करें तो इसमें संस्थापक आप देखेंगे दिलावर खान लोदी था और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो हौसंग शाह था, ठीक है। 1390 में फिरोज ने दिलावर खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और 1398 में तैमूर के आक्रमण के अवसर पर सुल्तान महमूद तुगलक ने अपने गुजरात और उसके पश्चात मालवा में शरण ली थी और उसके वापस जाने के उपरांत आप देखेंगे 1401 में दिलावर ने अपने को पूर्ण स्वतंत्र शासक बना लिया था यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, ठीक है। फिर आप देखेंगे हौसंग शाह, ये 1405 ईस्वी में दिलावर की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र अल पखान ने होसंग शाही की उपाधि ग्रहण की और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण किया और होसंग शाही को कैद कर लिया परंतु आप बाद में देखेंगे विद्रोह हो जाने पर उसने होसंग शाह को ही उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। होसंग शाह ने एक बार फिर मालवा पर अधिकार कर लिया और होशंगाबाद के स्थान पर मांडू को जिसको उसने स्वयं बसाया को अपनी राजधानी बनाई। मांडू को सादियाबा के नाम से भी आप लोग सादी याबा के नाम से भी आप जानते हैं, सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। हौसंग साय ने नियंत्रण गुजरात के शासक अहमद साय
जो मुजफ्फर शाही की मृत्यु के पश्चात सुल्तान बना से युद्ध किया और गुजरात पर कई बार आक्रमण भी किया था। अहमद शाह ने भी अवसर पाकर मालवा पर आक्रमण किए, परंतु मालवा गुजरात के उन युद्धों का कोई विशेष लाभ भी नहीं निकला और उसका ग्वालियर को जीतने का प्रयत्न सैयद शासक मुबारक शाही के कारण असफल रहा। उसने कालवी को जीता और उड़ीसा के हिंदू राज्यों में भी लूटमार की। होसंग शाही की 1453 में उसकी मृत्यु हो गई थी। आप लोगों को एक बात बताऊं, आज भी आप देखते हैं कि हमारे मंदिरों में बहुत सोना रहता है, उस समय भी रहा है। आप समझिए कि हर जो भी शासक आ रहा है बाहरी, मंदिरों को क्यों लूट रहा है, क्योंकि सभी को मालूम था कि मंदिरों में बहुत सोना पड़ा हुआ है। और आप समझिए कि अगर अभी भी देखा जाए तो अभी भी बहुत सोना है मंदिरों में हमारे। पर आप देखें मोहम्मद शाह, होसंग शाह के पश्चात उसका पुत्र गजनी खां मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है और इस अयोग्य शासक को एक वर्ष पश्चात उसके वजीर महमूद खान ने जहर देकर सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया और महमूद शाह की उपाधि धारण की। महमूद शाह खिलजी की अगर बात करें तो 1436 से 1469 तक रहता है और इसने मालवा के खिलजी वंश की नींव डाली और मालवा के शासकों में योग्यतम सिद्ध हुआ। उसने गुजरात, दिल्ली, बहमनी और मेवाड़ के राज्यों से युद्ध किए और राज्य का विस्तार करने में सफलता भी प्राप्त की। मिस्र के खलीफा ने उसे सुल्तान स्वीकार किया और महमूद शाह एक उदार न्यायप्रिय विद्वान शासक था, परंतु वह धर्मांध था और उसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई। 1469 ईस्वी में महमूद शाही की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र ग्यासुद्दीन सिंहासन पर बैठता है। यह धर्मांध शासक सिद्ध हुआ और 1500 ईस्वी में उसके पुत्र ने उसको जहर देकर मार दिया और वह स्वयं नासिरुद्दीन शाही के नाम से गद्दी पर बैठा। और इस शासन युग में ईसोसूरी ने ललिता चरित की रचना की है, इसे भी आप लोग याद रखिए। और आप समझ सकते हैं कि राजनीति में एक परिवार, एक आप समझ रहे हैं, आज राजनीतिक परिवार हो जाते हैं, यानी कि बेटा के बाद, उनके बाप के बाद बेटा ही नेता बनेगा। ये बहुत पहले से चला आ रहा है हमारे देश में, कोई नई बात नहीं है। आज भी आप देखते हैं कि नेताओं के बेटे ही नेता बनते हैं अधिकतर मामले में। और सोनिया गांधी को आप लोग देख लीजिए, राहुल गांधी को देख लीजिए आप लोग, हमेशा से उनका एक तरह से रिजर्व सीट है, मुझे लगता है ये कांग्रेस की, उनका ही परिवार का अध्यक्ष बनेगा, समझ रहे हैं। इसी का कारण है कि आज कांग्रेस डूबने पर आ गई। आप देखिए बख्तावर सिंह मालवा के पहले शासक थे जिन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया था और इसका नेतृत्व अमझेरा के एक नायक मोहनलाल द्वारा किया गया था। घुड़सवारों ने भोपाल के पोस्ट ऑफिस, दवाखाने और एजेंसी को लूटा और सारा सामान हाथी और बैलगाड़ियों पर लादकर अमझेरा ले आए। 11 जुलाई को कैप्टन हचिनसन को होलकर की सेना के कमांडर बख्शी खुमान सिंह के साथ भोपाल लौटना पड़ा और बख्शी खुमान सिंह के दबाव के कारण राजा को लूटा सामान पॉलिटिकल एजेंट की सुपुर्द करने को बाध्य होना पड़ा। घर का किला अपने अधिकार में लेने के पश्चात कर्नल ड्यूरेंड ने कैप्टन हर्चंस के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी और लालगढ़ का किला अमझेरा से 7 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित था। ब्रिटिश सेना के पहुंचने के पूर्व ही अजमेरा की सिपाही विद्रोही घने जंगलों की ओर प्रस्थान कर गए, यानी कि बख्तावर सिंह ने भी काफ़ी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए। इसमें आप देखेंगे महमूद शाह द्वितीय हुआ। महमूद शाह द्वितीय के समय हिंदू और मुसलमान सरदारों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और तथा प्रारंभ में रामचंद्र पूर्विया को मेदिनीपुर उपाधि की दी और किंतु सिख ही उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए उसने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय की सहायता ली, परंतु मेदिनी राय ने मेवाड़ के शासक राणा संग्राम से सहायता प्राप्त कर उसके प्रयत्न को विफल कर दिया। बाद में आप देखेंगे महमूद शाह मारा गया और उस समय से मालवा गुजरात राज्य का भाग बना रहा। बादशाह अकबर ने 1569 में से मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। वर्ष 1531 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू पर अधिकार कर लिया और मल्लू खां और कादिर शाह 1537 से 1542 तक इसका समय रहता है को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसी समय शेरशाह ने मालवा पर आक्रमण किया और जिसने भय से कादिर शाह गुजरात चला गया। शेरशाह ने 1543 में रायसेन पर पूरनमल के विरुद्ध आक्रमण कर विजय प्राप्त की और सुजायत खान को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1556 में आप देखेंगे सुजायत खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मियाँ बायजीद खां बाज बहादुर मालवा का सुल्तान बना। उसने अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य गढ़ा राज्य
गोंड शासिका रानी दुर्गावती पर अनेक आक्रमण किए, किंतु वह सभी असफल रहे। इसके बाद वह देखेंगे वो अपनी रानी रूमबत्ती के साथ संगीत पर ललित कलाओं के उन्नयन में व्यस्त हो गया। उसने मालवी गुजरी मूप कल्याण रागनी तोड़ी राग बाजखानी ख्याल आदि रागों की रचना भी की है। फिर आप देखेंगे बाज बहादुर का शासन। शेरशाह ने मालवा जीतकर 1542 में सुजात खान को बनाया था यहाँ का शासक। सुजात खान के उत्तराधिकारी पुत्र बाज बहादुर बयाजीत खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। 1555 की बात है। अकबर के सेनापति आदम खान और पीर मोहम्मद ने बाज बहादुर को सारंगपुर युद्ध 1561-62 में हुआ परास्त किया और यही रानी रूपमती ने आत्महत्या की और रूपमती का मकबरा भी यहाँ देखने को मिलेगा। बाज बहादुर संगीत के रूप में विभिन्न राजदरबारों में सेवा देते रहे हुए अंततः 1570 में अकबर के समक्ष नागपुर में समर्पण करते रहे इन्होंने किया। अकबर ने उन्हें उसे नवरत्नों में स्थान दिया। फिर आप देखेंगे मालवा पर मराठा प्रभुत्व भी रहा है। इसमें कैसा रहा है? अधिकांश मालवा होलकरों के अधीन और कुछ हिस्सा सिंधिया के अधीन रहा है। उज्जैन रतलाम झाबुआ का हिस्सा सिंधिया के अधीन रहा है। मालवा में अगर रेजेंसी की बात करें तो 1806 के बाद 1818 के युद्ध में भी अंग्रेजों ने से परास्त होकर होलकर अंततः सहायक संधि की होलकरों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने रेसिडेंसी एरिया इंदौर बनाया और यहां मालवा रीजेंसी की स्थापना 1818 में की। मालवा रेजेंसी के समय ही इंदौर से लेकर ग्वालियर तक का क्षेत्र मध्य भारत यानी कि सेंट्रल इंडिया के नाम से मशहूर हुआ। CIA ब्रिटिश भारत की सेंट्रल इंडिया एजेंसी 1946 में गठित हुई और 1948 में इसके राज प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया बनाए गए। सेंट्रल इंडिया एजेंसी को वी सैनी का राज बनाकर इसका नाम मध्य भारत यानी कि मालवा यूनियन रखा गया था, ठीक है। फिर आप देखेंगे नेवाड़ की अगर हम इतिहास की बात करें तो मालवा से सटा मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और सतपुड़ा पर्वतमाला इसे दो भागों में विभक्त करती है, उच्च निवाड़ और निम्न निवाड़। निवाड़ मालवा के ही वंशों के अधीन प्राचीन एवं मध्ययुग में रहा और यद्यपि आदिवासी क्षेत्रों में गौड़ वंश का शासन भी रहा। पंधाना साहेबपुर इनके प्रमुख केंद्र है और इसका राजनीतिक केंद्र बुरहानपुर ताजी नदी था और इसका तत्कालीन नाम अहिरगढ़ था जिसका संस्थापक आप देखेंगे अहिर राजा है, ठीक है। यहाँ आपका पॉइंट भील विद्रोह के बारे में भी दिया गया है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। भील विद्रोह होता है आपका 1819 से लेकर 1825 तक। खानदेश और आसपास के इलाकों में बसे भीलों ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरोध विद्रोह किया और इसका नेता था शिवरम भील, इस नाम को याद रखिए। किस कारण ये विद्रोह हुआ था? कृषि एवं वनोपज में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप के कारण और अंग्रेजों के अत्याचार के कारण। ये आपसे क्या होगा कि आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा मेंस में, लिखित परीक्षा में, समझ रहे, मुख्य परीक्षा में। और समर्थन की बात करें तो मराठों ने भीलों को प्रोत्साहित किया था यानी कि एक तरह से मदद की थी। कालावधि की बात करें तो प्रथम चरण 1819 से 1825 तक चलता है और दूसरे आप देखते हैं आगे आपका 1831 एवं 1846 में पुनः विद्रोह हुआ यहां, ठीक है। यहाँ पीछे हम लोगों ने असीरगढ़ में छुड़ा था ना, मुस्लिम शासकों के समय इसका नाम असीरगढ़ हो गया और यह दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसे? असीरगढ़ को। बुरहानपुर नगर की स्थापना मलिक नसीरुद्दीन ने अपने गुरु संत जैनुद्दीन की सलाह पर की और उसने ताप्ती के एक ओर जैनाबाद दूसरी तरफ बुरहानपुर बसाया था। फारूकी वंश के एक शासक आदिल खान द्वितीय ने शाही झारखंड की उपाधि धारण की थी। एक शासक रजा अली खान ने अबुल फजल अकबर का नवरत्नों की बहन से विवाह भी किया था और रजा अली खान ने जामा मस्जिद बनवाई थी और 3 तोए भी ढलवाई थी। रजा की मृत्यु एक तोप के विस्फोट के दौरान हुई थी और 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इस समय बहादुर खान यहाँ का शासक हुआ करता था, ठीक है। खानदेश की बात करें तो वर्तमान निवाड़ दक्षिण मालवा में विस्थित है, दक्षिण का प्रवेश द्वार था और यह फारूकी वंश दाऊद मीरन
बहादुर ने शासन किया है। मलिक राजा फारूकी वहाँ का, जबकि दाऊद खानदेश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अकबर की अंतिम विजय आप देखेंगे खानदेश मानी जाती है 1600 ईस्वी में। नेवाड़ जिला की बात करें तो ब्रिटिश युग में नेवाड़ सेंट्रल प्रोविंस की संभाग नरबोड़ा के तहत एक जिला था। इसका मुख्यालय आप देखेंगे खंडवा था। होलकर के समय भी यही स्थिति थी इसकी। मध्य भारत मालवा रीजेंसी के गठन के समय नेवाड़ दो भागों में बट गया था, एक तो पूर्वी नेवाड़ जिला खंडवा और दूसरा पश्चिमी नेवाड़ आप देखते हैं खरगोन। ठीक है, मध्यप्रदेश के गठन के 1956 के समय यही दोनों प्रशासनिक इकाइयाँ क्रमशः पूर्वी नेवाड़ मुख्यालय खंडवा, पश्चिमी नेवाड़ मुख्यालय इसका खरगोन के रूप में जिला बनी रही और आप भी आज भी देखते हैं आप लोग हैं। भोपाल राज्य की अगर बात करें, इससे भी आपका कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। भोपाल राज्य की 1818 से लेकर 1947 तक क्या घटनाक्रम रहा है इसे देख लीजिए। नवाब दोस्त मोहम्मद खान मुगल सेना के अफगान दरबार ने अफगान सरदार ने 18वीं सदी के प्रथम दशक में भोपाल राज्य की स्थापना की और इसने नवाब उपाधि धारण की। वस्तुतः कमलापति की सहायता करने पर उसे भोपाल उपहार में मिला था, यानी कि इससे दान में मिला था। इस्लाम नगर जगदीशपुर दोस्त मोहम्मद खान से आसपास के क्षेत्रों को जीता और जगदीशपुर को राजधानी बनाकर इसका नाम इस्लाम नगर कर दिया और इसने भोपाल की किलेबंदी की थी। यार मोहम्मद खान की बात करें तो दोस्त मोहम्मद का पुत्र नवाब बना। निजाम के प्रभुत्व की बात करें तो हैदराबाद के निजाम ने भोपाल पर प्रभुत्व सत्ता स्थापित की, यह भी उसे मिलाया नहीं। भोपाल के युद्ध की बात करें तो 1737 में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद निजाम को परास्त किया था और युद्ध के बाद दोरासराय संधि हुई और जिसमें आप देखेंगे निजाम ने नर्मदा व चंबल के मध्य के सभी क्षेत्र पर मराठों का आधिपत्य स्वीकार किया। पालखेड़ युद्ध भी याद रखिए 1796 की बात है। मराठों ने निजाम और नवाब की संयुक्त सेना को हराकर दोनों से चौथ एक मराठा कर हुआ करता था वसूला। ठीक है, फिर आप देखेंगे बेगमों का शासनकाल की बात करें तो 1819 से 1926 तक रहता है भोपाल पर। भोपाल ने के साथ 1818 में सहायक संधि की और इसके तहत वह अंग्रेजों की अधीनस्थ रियासत बनी और 1819 में पुत्रहीन नवाब की हत्या होने के बाद उसकी बेगम कुद सिया ने शासन संभाला। वो यहीं से बेगमों के शासन की शुरुआत थी थी जो 1926 तक चलती रहती है। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं कुद सिया बेगम हुई, इनका समय रहा है 1819 से 1844 तक। इसका एक नाम गोहर बेगम भी था। ठीक है, भोपाल की प्रथम महिला शासक थी, ये भी आप लोग याद रखिए, आपसे पूछ लेगा कि भोपाल की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो याद रखिए गोहर बेगम आए या फिर कुद सिया बेगम आए, तो आप लोगों को टिक लगा देना है। कुद सिया बेगम ने पर्दा त्याग कर शासन किया। निवास गोहर महल नजर बाग तथा जामा मस्जिद का निर्माण भी इन्होंने किया था। फिर आप देखेंगे सिकंदर जहाँ बेगम आती हैं और ये आपकी 1844 से 1868 तक रहती हैं। इन्हें आप समझ रहे हैं अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। कुद सिया बेगम की पुत्री सिकंदर जहाँ ने भी बुरका त्यागा। वह मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित थी, यानी कि काफ़ी आप समझ सकते हैं। सिकंदर जहाँ से अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को शरण प्रदान की इन्होंने। निर्माण की बात करें तो मोती महल हो या मोती मस्जिद हो, ये दोनों इन्हीं ने बनवाए थे। आगे आप देखेंगे शाहजहाँ बेगम, इनका समय रहता है 1868 से लेकर 1901 तक, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहता है। स्थापत्य में अत्यधिक इन्होंने रुचि ली और शाहजहानाबाद नामक लघु शहर भी इन्होंने स्थापित किया। फिर आप देखेंगे के खुसर वजहाँ बेगम 1901 से लेकर 1926 तक, सदर मंजिल नामक अपना निवास बनाया। सदर ए मंजिल वर्तमान में भोपाल नगर निगम का कार्यालय देखने को मिलेगा। 1903 में भोपाल में आधुनिक पैटर्न की नगरपालिका बनाई गई और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर 1920 में बनी। ठीक है, फिर आप देखेंगे नवाब हमीदुल्ला खान, ये 1926 से 1949 तक रहते हैं भोपाल में। भोपाल का अंतिम नवाब था ये, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2 बार चांसलर भी रहे हैं। भारतीय संघ में मिलने से इंकार किया और भोपाल प्रजामंडल के नेताओं शंकर दयाल शर्मा आदि को जेल में डाला था इन्होंने, 1948 की बात है। ठीक है, यहाँ आप लोग एक और पॉइंट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एडजस्ट करिए किसी भी तरह से, आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश का इतिहास। भोपाल का जलियांवाला कांड, क्योंकि गलतियाँ इस बुक्स में बहुत हैं।
15 जनवरी 1949 की मकर संक्रांति के दिन बोरास गांव रायसेन में नर्मदा तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत की नवाबी सेना ने अधिकारी जाफर अली खां के आदेश पर स्थानीय लोगों बिजनाथ गुप्ता, छोटेलाल, बीधन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इस कांड को भोपाल का जलियावाला कांड भी कहते हैं। पूछ लेगा आपसे कि भोपाल का जलियावाला कांड कौन सा था, ठीक है, इसे भी आप लोग कब हुआ था, ठीक है, और किन किन लोगों की हत्या की गई थी, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग याद रखिए। आगे आपका भोपाल का भारत में विलय की मांग का नेतृत्व भाई रतन कुमार, प्रोफेसर अजय कुमार, पत्रकार प्रेम श्रीवास्तव, सूरजमल जैन, मथुरा प्रसाद, बालकृष्ण गुप्त, मोहिनी देवी, शांति देवी, बसंती देवी आदि ने करवाया था, एक तरह से मांग की थी इसकी। भाई रतन कुमार और उनके सहयोगियों ने नई राह अखबार निकाला था, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। आंदोलन का केंद्र जुमेराती स्थित अखबार का कार्यालय रतन कुटी था। नवाब के आदेश पर जब कार्यालय को बंद किया गया तब होशंगाबाद से एडवोकेट बाबूलाल वर्मा ने के घर से भूमिगत होकर आंदोलन चलाया गया। 1 जून 1949 को भारत सरकार और स्थानीय जनता के दबाव से भोपाल स्टेट सी भारतीय संघ का हिस्सा बन गया, यानी कि भारत का हिस्सा बन गया। सजीदा सुल्तान, इनका 1961 से 1995 तक एक तरह से रहते हैं। भारत सरकार ने हमीदुल्ला खान की पुत्री सजीदा सुल्तान को भोपाल बेगम का दर्जा दिए रहे इसमें, और सजीदा सुल्तान की शादी हरियाणा स्थित पदौदी के नवाब से हुई, और जिनके पुत्र नवाब मंसूर अली खान पटौदी भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं। तो ये कहानी होती है आपके भोपाल की, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं बुंदेलखंड के इतिहास की अगर बात करें हम लोग, तो इसकी भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो कुछ क्षेत्र आप देखेंगे बुंदेलखंड का मध्य प्रदेश में पड़ता है, कुछ आपका उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। मध्य प्रदेश के उत्तर भाग में स्थित है, मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है और यह विंध्य क्षेत्र में स्थित पहाड़ी क्षेत्र है। अनेक स्थानों पर गहरी सकरी घाटियां दर्रों से कटाफटा देखने को मिलेगा। नामकरण की बात करें तो बुंदेलखंड नाम लंबे समय तक सत्तासीन रहे बुंदेला राजपूत राज्य के नाम पर पड़ा और महाजनपद युग में चदी जनपद नाम था इसका। मध्य युग में देखेंगे जिजाक भुक्ति नाम था इसका, तो आप लोग याद रख सकते हैं। अगर हम लोग प्राचीन इतिहास की बात करें इसके, तो इसमें आप देखेंगे चैदी जनपद महाजनपद उत्तर वैदिक युग की एक राजनीतिक इकाई थी और यह वर्तमान बुंदेलखंड के पूर्व में विस्तारित था। इसकी राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी। इसकी एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई और खारवेल वहां का प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। चैदी वंश के राजा शिशुपाल का महाभारत में वर्णन मिलता है, जिसका सिर कृष्ण भगवान ने काटा था और चैदी बाद में कमजोर पड़ा और मगध में मिला लिया गया था। रामायण में उल्लेख निषाद, किरात आदि जनजातियां यहां निवास करती थी। इन्हीं जातियों ने प्रारंभ में आर्यों के प्रवेश का विरोध भी किया था। अगर आप बुंदेलखंड से हैं तो आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि कहीं हम समझ रहे हैं, हमारा रामायण में भी मिलता है हमारा इतिहास और आपका महाभारत में भी, आप बड़े योद्धा रहे हैं। चंदेल वंश की बात करें तो राजपूत कालीन प्रसिद्ध वंश जिसकी राजधानी महोबा हुआ करती थी। आला उदल नामक योद्धा अंतिम राजा परमार्दी देव चंदेल के दरबारी थे, तो एक भी आप लोग याद रखिए इनके समय थे आला उदल, सुनते रहते हैं। कवि और योद्धा जगनिक आलाखंड की रचयिता भी इसके दरबार में थे। ये भी कई बार पूछ लिया है कि आलाखंड किसने लिखा था, तो याद रखिए जगनिक ने, ठीक है। चंदेल शासन के समय 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई इसमें। एक तो आप देखेंगे इसमें स्थापत्य कला का विकास जो नागर शैली में, इसमें आप देखेंगे इसमें खजुराहो मंदिर बनाए गए। दूसरा आपका जैन धर्मावलियों का बड़े पैमाने पर आगमन होता है और तीसरा गजनवी एवक के रूप में मुस्लिम आक्रमण होता है। फिर आप पहुंचते हैं मध्ययुगीन इतिहास में, तो इसमें आप देखेंगे लगातार मुस्लिम आक्रमणों से चंदेल वंश कमजोर हो गया और इस समय बुंदेला और खंगार का वंश का उदय हुआ होना शुरू होता है। इसमें आप देखेंगे बुंदेला राज्य की बात करें तो वीर बुंदेला ने 13वीं सदी में मऊ महोनी में अपनी नवीन राजधानी बसाकर बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद आप देखेंगे अर्जुन पाल ने मऊ महोनी के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार जमाया था। फिर आप देखेंगे आगे बुंदेला शासक सोहन पान ने खंगारों की शक्ति का दमन कर बुंदेला राज्य की नींव डाली थी और इसकी राजधानी इन्होंने ओरछा बनाई थी जो आप देखते हैं अभी निवाड़ी जिले में पड़ता है। और 16वीं सदी में इसे बुंदेला वंश का उदय हुआ और बुंदेला सरदार रुद्र प्रताप ने 1531 में ओरछा राज्य की स्थापना की और यह ओरछा का पहला शासक भी था। ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है
कि ओरछा की स्थापना किसने की थी, किस सन में, तो 1531 में रुद्र प्रताप ने। फिर आप देखेंगे 1539 में भारती चंद के समय कुंडार के स्थान पर ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बना था, कुडार भी बोलते हैं इसे, ठीक है। फिर आगे आप लोग देखेंगे बुंदेला से रक्त सिंह सम्राट ने बुंदेलखंड छीना और खंगार वंश की स्थापना की, और उन्होंने 1539 में गढ़कुडार उत्तर प्रदेश को राजधानी बनाया, और इस समय बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम जूझोटी था और बुंदेला वंश का के नाम पर इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड हुआ। जब आप देखेंगे रामचंद्र शासक बना तो तब मुगलों का ध्यान बुंदेलखंड की तरफ गया, और उसके छोटे भाई बीर सिंह देव का दोस्ताना संबंध सलीम अकबर का पुत्र जो जहांगीर था इससे था, और सलीम के कहने पर ही आप देखेंगे कि बीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। सलीम जब जहांगीर के नाम से मुगल सम्राट बना तो उसने बीर सिंह देव को ओरछा नरेश बनाया। इसके बाद आप देखेंगे जुझार सिंह ओरछा नरेश हुआ, जिसने शाहजहां के समय विद्रोह किया और 1635 में उसकी हत्या के पश्चात देवी सिंह बुंदेला और श्री ओरछा की गद्दी पर बैठे। और उसके बाद देखेंगे आप लोग कि 1641 में शाहजहां ने पहाड़ सिंह को ओरछा का शासक नियुक्त कर दिया। फिर आप देखेंगे चंपत राय का विद्रोह होता है आगे। औरंगजेब की नीति से असंतुष्ट चंपत राय ने विद्रोह किया इस क्षेत्र में, और औरंगजेब की सेना से घिरे चंपत राय ने आत्महत्या कर ली थी, यानी कि ये 1661 की बात है, ठीक है। फिर आप देखिए इस क्षेत्र में छत्रसाल का विद्रोह होता है और स्वतंत्र बुंदेला राज्य बनता है। ये समय है आपका 1661 से लेकर 1707 के बीच का समय। चंपत राय की पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह जारी रखा और 1675 में पन्ना जीतकर उसे एक तरह से उसे अपनी राजधानी बनाया, और छत्रसाल को महाबली और चंदेल केसरी कहा जाता है। छत्रसाल ने ही अपना पन्ना राजवंश की स्थापना की थी। आधुनिक भारत में अगर आधुनिक इतिहास में हम लोग बात करें तो छत्रपाल से ही पेशवा बाजीराव का प्रभाव बुंदेलखंड में पर पड़ने लगा, और छत्रसाल की पुत्री मस्तानी पेशवा के प्यार से में पड़ गई थी। आप लोग मूवी में भी देखते भी तो हैं, उसी की बात की जा रही है। इस वंश में आप देखेंगे विक्रमादित्य सिंह बुंदेला 1776 से 1817 तक रहते हैं, पराक्रमी शासक हुए जिन्होंने बलदेवगढ़ आप लोग MP में देखते होंगे निर्माण करवाए, किंतु मराठों की शक्ति के भय से 1783 में अपनी राजधानी ओरछा से टेहर निवाड़ी कर दी गई थी। टेहर का होगा ये, टेहर पुराना नाम होगा, ठीक है। ये बेसिन की संधि को भी याद रखिए 1802 की, इसके तहत बुंदेलखंड पर मराठा प्रभाव समाप्त होकर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हुआ, यानी कि मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई थी ये संधि। बुंदेलखंड अगर रेजेंसी की बात करें तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में बुंदेलखंड पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1811 में यहाँ बुंदेलखंड रेजेंसी स्थापित की। 1854 में यह रेजेंसी इंदौर स्थित सेंट्रल इंडिया रेजेंसी की प्रशासनिक नियंत्रण में लाई गई, और 1985 में आप देखेंगे बुंदेलखंड रेजेंसी और बंगेलखंड रेजेंसी दोनों का पुनर्गठन विंध्य प्रदेश के रूप में हुआ। इसे ही आप लोग विंध्य प्रदेश कहते हैं, ठीक है। इससे आगे बढ़ने से पहले यहाँ आप लोग कुछ पॉइंट दिया गया है, ये भी बता देता हूँ। 1960 के दशक में बुंदेलखंड राज्य की मांग, जिसके तहत 7 उत्तर प्रदेश तथा 6 मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जिले शामिल हैं। आपने देखा होगा इस पर काफ़ी राजनीति होती रहती है, और कि बुंदेलखंड बनाया जाना चाहिए एक नया राज्य, ठीक है। बुंदेलखंड मुक्ता मोर्चा अभिनेता राजा बुंदेला और एकीकृत बुंदेलखंड राजीव पांडे इसकी मांग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री महिला पहली मुख्यमंत्री थी उमा भारती, ये भी कई बार कहती रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग महाकौशल यानी कि गौड़वाना का इतिहास जानते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश के मध्य पूर्वी दक्षिण भाग में स्थित है, और मध्य प्रदेश भारत के सबसे प्राचीन भौगोलिक भाग गौड़वाना लैंड का हिस्सा है, और इसीलिए आप कहते होंगे कि गौड़वाना इसी स्थिति बोल देते हैं, ठीक है। महाकौशल भी, इसके नाम की बात करें तो पूर्व नाम इसका गौड़वाना, यहाँ गढ़मंडला साम्राज्य रहा है। रामायण काल में इसे देखेंगे दक्षिण कौशल का हिस्सा भी रहा है। अगर प्राचीन इतिहास में इसकी अगर बात करें हम लोग तो इसमें आप देखेंगे रामायण काली कौशल राज्य पर लवकुश का शासन रहा है। लवकुश आप जानते होंगे ना, भगवान श्री राम के बेटे।
यही कौशल कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से लेकर रायपुर और जबलपुर तक विस्तृत रहा है। कलचुरियों के शासन की बात करें तो 9 से 10वीं सदी में इस क्षेत्र पर शासन किया है कलचुरियों ने, ठीक है। फिर आप मध्ययुगीन इतिहास में देखेंगे तो इस समय भी कलचुरी वंश का इसमें इस समय शासन रहता है यहाँ। और गौड़ वंश आपका आता है 13 से 16वीं सदी में, इसका संस्थापक था आपका जदुराई यादवराव, ठीक है। प्रथम गौड़ शासक की बात करें तो जदुराई इसकी ही कलचुरियों को मार भगाया था इसने ही, ठीक है। गौंड साम्राज्य के नाम की बात करें तो गढ़मंडला हुआ, और गौंड जाति के दो प्रमुख भाग राजगौंड और धुरगौंड हुआ करते थे। राजगौंड शासक वर्ग था और गौंड साम्राज्य में महाकौशल दंडकारण और छोटा नागपुर तक इसका क्षेत्र शामिल था, ठीक है। इनके बारे में भी देख लीजिए, चार गौंड क्षेत्र थे, एक तो गढ़मंडला, देवगढ़, चांदा और खेला, गढ़कटंगा भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग यहाँ आधुनिक इतिहास की अगर बात करें हम लोग तो इसमें नागपुर के भोंसलों ने राजगौंडों से 1740 में गौड़वाना छीन लिया था और अंग्रेजों ने 1818 में भोंसलों को हराकर क्षेत्र पर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। गौड़वाना क्षेत्र पर इस क्षेत्र को दास सागौर और नेरबोडा क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया था। सेंट्रल प्रोविंस 1861 में स्थापित किया गया और इसके तहत महाकौशल भी शामिल किया गया था। पृथक कौशल की अगर की मांग करें की बात करें हम लोग तो इसमें आप देखेंगे महाकौशल मुक्ति मोर्चा द्वारा इसे पृथक राज्य की मांग की जा रही है। और आप देखते हैं नए नए राज्य बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, उनमें से बंटवारा होता रहता है, जुड़ते रहते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे बुंदेलखंड भी एक नया राज्य बन जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा रेवाखंड की मांग, जिसमें महाकौशल और बुंदेलखंड के 25 जिले शामिल हैं। गौड़वाना गणतंत्र पार्टी प्रणेता एवं संयोजक श्री हीरा सिंह मरकाम द्वारा गौड़वाना राज्य की मांग की जा रही है। इसमें महाकौशल निवार से लेकर छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा शामिल है। और यह मांग जायज भी है क्योंकि आदिवासी समुदाय के समग्र उत्थान पर आधारित है। आखिरकार आदिवासियों ने ही जंगल, जमीन, जानवर को सहेज कर सदियों में रखा है। पर्यावरण मित्र यह समुदाय यदि अपने लिए एक राज्य की मांग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहा है तो इस मांग पर गंभीरता से विचार हो, ऐसा इस लेखक का मत भी है। अब देखिए क्या होता है, ये राजनीति का खेल है, कब क्या होता है आने वाला क्षेत्र बताएगा। इसमें एक और आप लोग नाम याद रख देते हैं, शहीद गुलाब सिंह, इनसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में वीर शहीद गुलाब सिंह ने अगस्त 1942 को कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध में जबलपुर में आंदोलन किया और 11 अगस्त को सत्याग्रहियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और जिसमें आंदोलन उग्र हो गया। पुलिस ने जुलूस पर लाठियां चलाई जिसमें वीर गुलाब सिंह शहीद हो गए थे, ठीक है, याद रखिए। अब बात करते हैं बघेलखंड के इतिहास की। बघेलखंड के बारे में भी आप लोग सुनते रहते होंगे, बघेली भाषा बोलते होंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्षेत्र था, इसके भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो भौगोलिक रूप से गौड़वाना लैंड का भाग है और राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश की रीवा पन्ना पठार और सीधी सिगरौली शहडोल की भूमि पर तक विस्तृत है आपका बघेलखंड, ठीक है। प्राचीन इतिहास की बात करें तो रामायण काल में यह भी कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। कलचुरी सत्ता राजपूत काल में यहाँ प्रभावी रही। मध्यकालीन की बात करें तो प्रारंभ में इस क्षेत्र का नाम भत्ता राज्य हुआ करता था। बघेल वंश का भी इस पर संस्थापक एक तरह से राज रहा है मथा राज, और इसके संस्थापक रहे ब्राग राज। गुजरात के सोलंकी चालुक्य राज पर अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण बघेल राजपूत इस क्षेत्र में प्रवजित हुए और आप देखेंगे आगे बघेला वंश ने बांधवगढ़ को राजधानी बनाया था। और भत्ता शब्द संस्कृत के प्राग का ही अपभ्रंश है। और बघेला शासक वीर सिंह देव सिकंदर लोदी का मित्र भी हुआ करता था। इसके पुत्र वीरभांस ने शेरशाह से परास्त हुमायूं की सहायता भी की थी और राजा रामचंद्र देव के दरबार में तन्ना मिश्र यानी कि रामतनु पांडे तानसेन था। और रामचंद्र देव ने भारत की पहली संगीत सभा का गठन भी किया था और इसके एक सदस्य तानसेन भी थे। और इसके समय बघेलखंड अपने उत्कर्ष पर रहा था, तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिए। महेश दास यानी कि बीरबल का जन्म सीधी जिले में हुआ था, एमपी में आप देखते हैं सीधी आपका जिला है, ठीक है। और कलिंजर किला बघेलखंड का मुख्य किला हुआ करता था उस समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, में रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात अकबर ने उसके पुत्र वीरभद्र देव को राजा की पदवी देकर बांधवगढ़ का शासक नियुक्त किया और वीरभद्र देव की मृत्यु के उपरांत उसका अल्पवयस्क पुत्र विक्रमाजीत
बांधवगढ़ की गद्दी पर बैठा, ये चलता रहेगा। महाराजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा 1817 में स्थानांतरित की थी। अकबर ने विक्रमादित्य को पदच्युत यानी कि पद से हटाने कर त्रिपुरदास को बांधवगढ़ को सूबेदार बनाया और जिसने 1601 में तक मुगल के अधीन बांधवगढ़ राज्य पर शासन भी किया है। 1602 में आप देखेंगे अकबर ने वीरभद्र के दासी पुत्र जिर्जोधन यानी कि दुर्योधन को बांधवगढ़ का राजा बनाया और जिसने 1605 ईस्वी तक शासन किया। 1619 में जहांगीर ने बांधवगढ़ के क्षेत्र वीरभद्र के पुत्र विक्रमजीत को दिया और उसके पश्चात आप देखेंगे अमर सिंह 1624 से 40 तक गद्दी पर बैठा और जहांगीर ने उसे राजा की पदवी दी। और 1640 में अनूप सिंह 1604 से लेकर 1660 गद्दी पर रहा, 1640 से माफ करिए, ठीक है। और इसके समय पहाड़ सिंह बुंदेला ने बघेलखंड पर आक्रमण किया। इस काल में बांधवगढ़ किला नष्ट हो गया और रीवा बघेलखंड की नई राजधानी बना। और रघुराज सिंह के समय में गोविंदगढ़ महल का निर्माण हुआ। इस राजवंश के अन्य शासक की बात करें तो रुद्रराज हो गया, रुद्रराज सिंह, वेंकट रमन सिंह, गुलाब सिंह, मारतंड सिंह हुए, ठीक है। अगर हम लोग बघेलखंड के में आधुनिक इतिहास की बात करें तो इसमें आप देखेंगे क्या देखेंगे कि 1871 में बघेलखंड रेजेंसी का गठन अंग्रेजों ने किया जिसमें रीवा, सतना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली सहित कुछ अन्य छोटे भाग भी शामिल थे। लाल पदम सिंह कृपालपुर सतना के विद्यार्थी यूनियन के तत्वाधान में निकले जुलूस पर जब पुलिस ने गोलियां बरसाई तब लाल पदम सिंह ने राष्ट्रीय झंडा हाथ में लेकर सीना तान कर खड़े हो गए और 13 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में एक शहीद हो गए। फिर आप देखेंगे विंध्य प्रदेश 1931 की, तो बुंदेलखंड बघेलखंड को संयुक्त कर विंध्य प्रदेश का निर्माण 1931 में हुआ और 1950 में इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड रेजेंसी को शामिल किया गया, ठीक है। यहाँ आपके कुछ फैक्ट दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश के हेमवंशी राजा कीर्तिवीर ने लंका नरेश को रावण को हराया है, यानी कि मध्य प्रदेश के अगर आप हैं तो आप लोगों को एक तरह से बड़ा घमंड होना चाहिए, गुरूर होना चाहिए कि राम से पहले आपके जो राजा हुआ करते थे उन्होंने भी इन्हें हराया था, लंका नरेश रावण को। परशुराम राजा जमदग्नि के पुत्र थे और जिनका नाम जानापाव महू है। राजा रतन ने नरवर बसाया था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। निषाद जाति का राज्य सतपुड़ा विंध्याचल के जंगलों में हुआ करता था। शत्रुघ्न प्रभु राम के छोटे भाई के पुत्र शंभु छाती का शासन विदिशा राजधानी कुरावती पर हुआ करता था। छठी सती ईसा में पूर्व में आप देखेंगे भारत के 16 महाजनपद में से दो आपके मध्य प्रदेश में भी थे, एक आपका चेदी, दूसरा आपका अवंती, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी नामक पुस्तक में उज्जैनी नगरी को ओजनी लिखा गया है, ठीक है। जबलपुर के राजा सवाई जयसिंह ने 18वीं शताब्दी में जंतर मंतर वेदशाला का निर्माण उज्जैन में करवाया था, तो याद रखिए। बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी का नाम अच्युतगामी जबकि महाभारत में इसका संदीपनी आश्रम मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित गुजरा में अशोक के लघु शिलालेख में अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी के रूप में देखने को मिलेगा। हेलियोडोरस का विश्वनगर स्थित अभिलेख गरुण स्तंभ मध्य प्रदेश में वैष्णव मत का साक्ष्य मिलता है। मौर्यवीन सम्राट अशोक द्वारा लघु शिलालेख में मध्य प्रदेश के में रूपनाथ जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील का एक गांव है, गुजरा दतिया जिले का एक छोटा सा भूभाग शामिल था। 1824 में कुंवर चैन सिंह अंग्रेजों के साथ शहीद युद्ध करते हुए सीहोर के दशहरा बाग के मैदान में शहीद हुए और यहीं पर उनकी छत्री स्मारक के रूप में निर्मित की गई। 1624 में संग्राम में कुंवर चैन सिंह की ढाल बनकर लड़ने वाले दो अंगरक्षक हिम्मत खान और बहादुर खान थे और इनकी कभी भी आपको सीहोर के दशहरा बाग में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का सूत्रपात अक्टूबर माह में हुआ जब ठाकुर दौलत सिंह के नेतृत्व में विशाल जनमत जनसमूह ने नैमावर तहसील में विद्रोह का झंडा ऊंचा किया, ठीक है। राज्य में संगठित राजनीतिक आंदोलन 1885 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के बाद शुरू हुआ और आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है।
कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता में 1866 में संपन्न में मध्य भारत से बापू राव, दादा किनखंडे, चिटनिस गोपाल हरी पिंडे और अब्दुल अजीज ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व श्री प्रभाकर डुंडी राजा जटार ने और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल खां ने किया था। चंड प्रगोद और पालक अवंती के प्रसिद्ध शासक बौद्ध कालीन समय में हैं और अशोक राजा बनने के पूर्व अवंती चक्र का प्रांतपति हुआ करता था। फयान के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिनमें से आप कुछ मध्य प्रदेश में भी देखते हैं, ठीक है। और इसमें गुर्जरा दतिया अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। अशोक के अभिलेख में मध्य प्रदेश की रूपनाग, जबलपुर, गुर्जरा दतिया, सारो मारो, पान, गुराड़िया ये सीहोर से मिलते हैं। एरन अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है और इसके अनुसार एरन सौभोग नगर के नाम से प्रसिद्ध था। कौच नामक राजा के सिक्के विदिशा और कौंट से मिले हैं और यह समुद्रगुप्त का भाई या इसका दूसरा नाम बताते हैं, ठीक है। उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर को सिंधिया की वंश की राजधानी 1810 में दौलत राव सिंधिया ने बनाई थी, पहले उज्जैन हुआ करती थी, ठीक है। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरिता स्वामी ज्ञानानंद थे। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह से मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इन्होंने 1927 में बनाई थी, ठीक है, याद रखिए। झाबुआ में कर विधि विरोधी आंदोलन 1935 में चलाया गया था। चंद्रशेखर आजाद ओरछा टीकमगढ़ में कुछ समय के लिए भूमिगत रहे थे। आज अब देखिए आप लोग टीकमगढ़ यहाँ लिखा हुआ है, ओरछा लिखना चाहिए, अब माफ करिए निवाड़ी लिखना चाहिए, क्योंकि आपका ये अब ओरछा आपका निवाड़ी में आने लगा है, ठीक है। त्रिपुरी जबलपुर के निकट में कांग्रेस अधिवेशन 1939 में हुआ और चरूर हाइवा चावल वसूली प्रकरण सीधी जिले से संबंधित है आपका। जबरिया लेवी के विरुद्ध चावल आंदोलन रीवा में चला था और 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर नरेश जीवाजीराव हुआ करते थे। नरसिंह के युवराज चैन सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध हुए राज्य के पहले सेनानी थे, ये भी कई बार आपसे पूछ लिया है। तत्या टोपी को सिपुरी के जंगलों में मेजर मिंडे ने पकड़ा था और तत्या टोपी पकड़े जाने के षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार सिपुरी के जो राजा थे मानसिंह हुआ करते थे। इन्होंने एक तरह से गद्दारी की थी, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोगों ने देखा है इतिहास में लिखा हुआ है। पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम आज़ादी का संघर्ष की बात करें तो इन पॉइंटों को आप लोग याद रखिए, इनमें आपका क्या रहेगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ जाएगा या फिर आप लोग और भी किसी एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं उसमें भी आपके फैक्ट आ जाते हैं कई बार। 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह बानपुर और सागर में हुआ था और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश में सबसे पहले सैनिक विद्रोह नीमच छावनी में 3 जून 1857 को पैदल घुड़सवार सैनिकों के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में 1904 में मानी जाती है, ठीक है। वर्ष 1916 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होती है और भारत में पहला झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर में हुआ था। जबलपुर में सेठ गोविंददास एवं द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। वैसे हम लोग पीछे देख चुके हैं फिर भी आपका रिवीजन हो रहा है। 1930 में जबलपुर में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत विदिशा से हुई थी, इसे भी याद रखिए, ठीक है, यानी कि इनके दिन खत्म होने वाले हैं। आप देखेंगे तत्या टोपी को पेट पर लटका कर शिवपुरी में फांसी दी गई थी, 18 अप्रैल 1959 की घटना है, इस डेट को भी याद रखिए। आज़ादी के बाद मध्य भारत के पहले राजप्रमुख के रूप में जीवाजीराव सिंधिया द्वितीय को शपथ दिलाई गई थी। मालवा विद्रोह का केंद्र इंदौर था जहां सादत खां के नेतृत्व में होलकर सैन्य टुकड़ी ने अंग्रेजों के विरोध विद्रोह किया था। इंदौर रेजिमेंट का कर्नल ड्यूरेंड था और 1857 में महू के विद्रोह का नेतृत्व मुराद अली खान ने किया था। लालगढ़ किला अमजिया रियासत धार से संबंधित है। भारत की पहली अंतरिम निर्वाचित सरकार काबुल अफगानिस्तान में 1915 में गठित की गई थी और इसके प्रधानमंत्री याद रखिए भोपाल के मौलाना बरकतुल्ला बने थे। आजकल आप देखते हैं कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भी आपको भोपाल में देखने को मिलेगी। राज्य के मगन लाल
बांगड़ी ने हिंदुस्तान लाल सेना का गठन किया, अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया था, और माखनलाल चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में कसाई खाना आंदोलन 1920 में चला था रतौना सागर में। टोरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ, सिवनी जिले में दांडी मार्च के समय हुआ था। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह की बात करें तो 1930 में हुआ था बैतूल जिले में, ठीक है। पंजाब में मेल हत्याकांड की अगर बात करें तो ये 1931 में हुआ, खंडवा रेलवे स्टेशन से संबंधित था। चरण पादुका नरसंहार की बात करें तो ये छतरपुर में अंग्रेजों ने भील पलटन से गोलियां चलवाकर 6 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी, ठीक है। इसे आप लोग जलियावाला हत्याकांड भी कह देते हैं मध्य प्रदेश का। जबलपुर से प्रेरित होकर ही पूरे भारत में झंडा सत्याग्रह मनाया गया, जिसकी शुरुआत नागपुर से हुई, और इस दौरान जबलपुर की दूसरे झंडा सत्याग्रह के नेतृत्व सरोजिनी नायडू और मौलाना आजाद ने की थी। चंद्रशेखर आजाद के अगर जन्म की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि 23 जुलाई 1906 में भाभरा झाबुरवा में हुआ, और भारत के पूर्वज मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी थे इनके, आजाद के, ठीक है। बचपन का नाम इनका पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी था, लेकिन गिरफ्तार होने के न्यायालय में इनने अपना नाम आजाद रख लिया था। 1730 में मल्हार राव होलकर मालवा के सर्वोच्च शासक बनते हैं, और 1767 में अहिल्याबाई ने होलकर शासन की बागडोर संभाली थी। महाराजजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब्जा करके मुगल शासक शाह आलम को पुनः वहां बैठाया था। सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, ये भी आप लोग याद रखिए। दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को राजधानी बनाया, और 1818 में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व नागपुर के शासक अप्पाजी भोंसले द्वारा किया गया था, ठीक है। और अप्पाजी भोंसले ने अरबी सैनिकों की सहायता से बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु वे पराजित हुए थे, यानी कि जीत नहीं पाए थे। आप कह सकते हैं कि लड़ा तो है उन्होंने, लेकिन वो हार गए, इनमें उनकी गलती नहीं है, ठीक है। आगे है, 1842 में नरसिंहपुर के जमींदार दिलहन साय और हीरापुर के हिरद साय ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, और 1843 में जैतपुर के राजा परीक्षित बुंदेला ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, उन्हें कानपुर में फांसी दे दी गई थी। कर्नल सीवी रॉबर्ट्स ने राजपूत सैनिकों की मदद से नीमच में क्या किया था, छावनी के विद्रोह को दबाया था, और 14 जून 1857 को मोरार छावनी ग्वालियर में भी सैनिक विद्रोह हुआ था आपका, ठीक है। और 20 जून 1857 को शिवपुरी में भी विद्रोह हुआ था। मऊ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह 1 जुलाई 1857 को किया था, और रानी दुर्गावती के वंशज साकिर साय और उनके पुत्र ने गढ़ा मंडला में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय दिल्ली के शाहजहां हुमायूं ने बलायती देवती एवं सिंधिया के कुछ सैनिकों की सहायता से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और तथा फिरोज शाह के नाम से मंदसौर पर शासन भी किया। कर्नल ड्यूरेंड और कर्नल स्टार्कटो और कैप्टन लुडो बकोप को भोपाल की बेगम ने शरण दी थी। रानी लक्ष्मीबाई 28 जून 1858 को कालपी में हीरोज की सेना के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गए। कालपी में नहीं, देखिए ये शहीद हुई थी ग्वालियर में, आप कहते हैं ना कि ग्वालियर के किले से कूद गया था उनका घोड़ा, वहीं उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और तत्या टोपी को सिंधिया के सामंत मानसिंह ने धोखे से पकड़वाया, और तत्या टोपी को शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। और 1857 के विद्रोह में ग्वालियर की सिंधिया एवं भोपाल की बेगम ने इनकी अंग्रेजों की मदद की थी, ठीक है। मंडला जिले की रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने 20 मार्च 1858 को अंग्रेजी सेनापति वायडन के साथ युद्ध में पराजय होते देख अपनी अंगरक्षिका की गिरधारी बाई की कटार खोपकर अपनी आत्महत्या यानी कि शहादत प्राप्त की। प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह ने गौंड ने 1899 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था, और 1922 में जबलपुर से प्रारंभ झंडा सत्याग्रह का निर्देशन देवदास गांधी और रामगोपालाचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर सुंदरलाल को 6 माह का कारावास भी सजाई सुनाई गई थी। 1906 में आप देखेंगे जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया, और इसमें प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र हरि सिंह गौड़ आदि ने सक्रिय रूप से भागीदारी की। 1907 में आप देखेंगे जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया। 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश की सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिला लिया गया था। और 1942 में आप देखेंगे
मंडलेसों के क्रांतिकारी बंदियों ने विद्रोह किया था। दिल्ली 1948 में मध्य भारत के राजाओं के सम्मेलन में जीवाजी राव सिंधिया को राजप्रमुख बनाया गया था। भोपाल का नवाब हमीदुल्ला खां मेंबर ऑफ प्रिंसेप का दो बार अध्यक्ष भी बना था। 1931 में रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई थी और रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात स्वामी ज्ञानानंद पेड़ा से आरंभ किया था और 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद गांधी जी ने जबलपुर में से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 1940 की बात है, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होता है, इस तरह से आपके दो टॉपिक्स में एक तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, वहां के प्रमुख राजवंश क्या रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है, इसे हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग क्या करेंगे, आपके देख लेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला, इनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक को ही, ठीक है। आगे फिर छोटे छोटे ही रहेंगे आपके। आप लोगों ने अच्छे से मुझे लगता है पढ़ लिया होगा, इसमें दो चार आप लोग क्वेश्चंस बता दीजिए, ठीक है, क्या बता दीजिए। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, एक तो आप लोग ये बता सकते हैं, आप लोगों ने MPPSC में कभी बार पूछ लिया, और दूसरा किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, ये भी आप लोग बताइए। और मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता था, ये बताइए आप लोग। और ये भी बताइए आप लोग कि शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, और सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, ये आपके टॉप क्वेश्चन हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए आप लोग और आराम से करते रहिए। आगे हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक में।